ठीक है, अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। तो आज की क्लास में हमें शुरू करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में ही हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके साथ कुछ मेथड्स पढ़नी है बर्थ कंट्रोल की, वो सारा आज हम फिनिश कर लें। तो अगर आप आज की क्लास का कॉन्टेंट देखो तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगी बेसिक्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसके बाद हम कंपोनेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कौन कौन से पार्ट हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो सारा पढ़ेंगे। एंड फिर हम पढ़ेंगे फॉलिकुलोजेनेसिस, मतलब फॉलिकल्स जो हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होगा। ओजेनेसिस पढ़ेंगे, टाइप ऑफ ओव्यूलेशन पढ़ेंगे, फेजेस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, हार्मोनल रेगुलेशंस और बर्थ कंट्रोल मेथड। तो ये हमारी आज की क्लास का कंटेंट है जो हमें इस क्लास में कवर करना है। हाँ, दो क्लासेस बोली थी और दो क्लास में ही आई होप कि कवर हो जाए, लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें कुछ हमें साइकिल्स भी पढ़नी रहती हैं। तो मेरी कोशिश है कि आज की क्लास में हम खत्म कर लें, लेकिन अगर कोई पोर्शन बच गया बाई चांस, जैसे हार्मोनल रेगुलेशन या फिर बर्थ कंट्रोल मेथड, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। ताकि मुझे लगता है कि आज की क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कल मैंने आपको बेसिक्स को बताया ही था कि रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है। यहाँ पर दो टाइप के ऑर्गन होते हैं, जैसे एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। तो उसको दोबारा बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि कल आप जितना हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा तो उससे आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम का एक बेसिक नॉलेज तो हो ही गया है। इसीलिए यहाँ पर हम सीधा बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कुछ ऑर्गन होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जिन्हें इंटरनल ऑर्गन कहा जाता है और कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जिन्हें एक्सटर्नल ऑर्गन भी कहा जाता है। तो अगर हम इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो ओवरी जो कि फीमेल गोनेड्स कहलाता है, वहीं पर होता है फिर यूटेराइन ट्यूब जिसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, या तो ओविडक्ट भी कह सकते हैं। तो ये तीनों टर्म एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, आप जो मन चाहे वो कह सकते हैं। फिर फाइनली आता है यूटरस और इसके बाद आता है वजाइना। और एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करें तो एक्सटर्नल ऑर्गन को कलेक्टिवली कहा जाता है बल्बा या प्यूडेंडम। ठीक, तो बेसिकली बल्बा पूरा का पूरा एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है जिसमें काफी सारे पार्ट्स होते हैं, और जहां से वजाइना शुरू होगा उसके बाद यूटरस होगा, फेलोपियन ट्यूब होंगे, ओवरीज होगा, ये सारा का सारा होता है इंटरनल ऑर्गन। मेमरी ग्लैंड जो है उनको कई बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है, लेकिन इसके लिए एक सेपरेट सिस्टम है जिसे इंटेगोमेंट्री सिस्टम भी कहा जाता है, जिसमें हम स्किन की भी स्टडी करते हैं। तो कई बार इसमें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मेमरी ग्लैंड की स्टडी करते हैं। एक ब्रांच है जिसे कहा जाता है गायनेकोलॉजी, आपने पहले भी सुना होगा, और ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है मेडिसिन की जिसमें स्टडी करी जाती है, डायग्नोस और ट्रीटमेंट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटीज है, स्टडीज है, वो सारी की सारी इसी ब्रांच में की जाती है। तो ये कुछ बेसिक्स था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब अगर आप फंक्शंस की बात करें कि ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका क्या फंक्शन है, तो आपको पता है कल मैंने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, ये कहीं ना कहीं रिप्रोड्यूस करने के काम आएगा। तो इसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। अब वो क्या फंक्शन होगा, जैसे सबसे पहले तो जो ओवरी है वो प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी ओसाइट को और साथ ही साथ हॉर्मोन को। आगे चल के आपको पता चलेगा कि यही सेकेंडरी ओसाइट जो है वो फर्टिलाइज होता है आपके, या फिर क्रॉस करता है स्पर्म के साथ वो फर्टिलाइज होता है, और उसके बाद ही आपका ओवम बनता है, फिर इसका इम्प्लांटेशन किया जाता है। तो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, ये जो गैमेट है, ये बेसिकली प्रोड्यूस करता है ओवरी, और इसके अलावा कुछ हॉर्मोन भी ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है जो कि फीमेल मैन फीमेल सेक्स हार्मोन है, इंडिवन है और रिलेक्सिन है। तो ये आपके जो चार हार्मोन होते हैं ये ओवरी से ही सिंथेसाइज होते हैं और सिक्रेट होते हैं।
यूटराइन टिब्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है सेकेंडरी ओसाइट को इनसाइड द यूटरस और यही पर आपका फर्टिलाइजेशन होता है। यूटरस जो है जैसे ही एग फर्टिलाइज होता है सेकेंडरी ओसाइट फर्टिलाइज होके फर्टिलाइज ओवम बनाता है और इसी का इम्प्लांटेशन किया जाता है यूटरस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वजाइना की अगर आप बात करें तो ये एक पैसेज होता है जो रिसीव करता है पेनिस को ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और साथ ही साथ ये अगेन एक पैसेज वे होता है चाइल्ड बर्थ के लिए। फिर अगर आप मेमोरी ग्लैंड की बात करें तो ये सिंथेसाइज करती है सिक्रेट करती है और रिजेक्ट करती है मिल्क को फॉर द नरिशमेंट ऑफ न्यू बॉर्न। तो ये सारे फंक्शन एक एक करके आपको समझ में आएंगे जब आगे चल के हम पूरी की पूरी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। अभी बस मैंने आपको फंक्शन बता दिया है एक ओवरव्यू जैसा दे दिया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है, ये जो सारे हार्मोन है इनका क्या फंक्शन है, कहाँ से ये काम करेंगे, किस चीज को रेगुलेट करेंगे, इसे आगे चल के हम पूरा फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। देखिए तो पहले ये एक नॉर्मल डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो इंटरनल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो डायग्राम जो आपने हमेशा से पढ़ा हुआ है तो ये एक तरीके का कंप्लीट डायग्राम नहीं होता फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये इनकम्प्लीट डायग्राम है। लेकिन हाँ अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर ये कंप्लीट डायग्राम है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर की रिगार्डिंग कंप्लीट डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जब आप एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों बात करते हैं तब जाके आपका कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इंटरनल ऑर्गन सिस्टम की। तो जब आप इंटरनल पार्ट की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरी होगा, फैलोपियन ट्यूब होगा, फिर यूटरस होता है, सर्विक्स होता है और वजाइना होता है और अप टू वजाइना ये पूरे पार्ट कहलाते हैं आपके इंटरनल पार्ट। जब हम एक्सटर्नल पार्ट की बात करें तो वो बल्बा कहलाता है और बल्बा में भी काफी सारे पार्ट्स आते हैं, क्या क्या आते हैं वो भी आपको पता चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इंटरनल पार्ट की बात करें तो ये इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ओवरी प्रेजेंट होती है। तो जो ओवरी है वो पेयर में प्रेजेंट होती है और ओवरी नाम से पता चल रहा है कि यही पर पूरा का पूरा सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन होगा और यही सेकेंडरी ओसाइट बाद में इजेक्ट होके पहुंचती है आपकी फैलोपियन ट्यूब में। तो अगर आप स्टार्टिंग की बात करें कि सबसे पहले अगर आप इनिशिएशन देखें रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी का तो वो इसी ओवरी से होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर फीमेल गोनेट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरी फिजियोलॉजी का इनिशिएशन जो है वो ओवरी से ही शुरू होता है। जो सेकेंडरी ओसाइट है वो आपकी सिंथेसाइज होंगी, फॉर्मेशन होगा उनका पूरा ओवरी में। ओवरी के बाद एक स्ट्रक्चर आता है जिसे फिम्ब्री कहा जाता है और ये जो है यहाँ पर पूरे तरीके से लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये आपको फिंगर की तरह प्रोजेक्शन दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड फिम्ब्री। इसी के बाद अगर आप आगे चल के थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि एक मेजर पार्ट होता है ये कहलाता है इनपंडिबुलम। फिर अगर आगे चल के आप देखेंगे तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है जो कहलाता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के बाद आप पहुंचते हैं यूटरस में जो कि एक पूरा का पूरा लार्जेस्ट एरिया होता है और इसी यूटरस में एग जो है जो सेकेंडरी ओसाइट है वो फैलोपियन ट्यूब से होते होते आएगा कुछ यहाँ पे और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। और जब आप इम्प्लांटेशन की बात करते हैं तो ये आपका मायोमेट्रियम का वॉल होता है जहां पे पूरा का पूरा फर्टिलाइज एग जो है वो इम्प्लांट करता है। तो ये यूटरस है। अगर आप यूटरस में देखें तो दो वॉल यहाँ पे होती है, यहाँ पर दो तरीके की दीवार प्रेजेंट होती है और ये दीवार क्या है, पहला है आपका एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मतलब कि अंदर की जो वॉल होती है दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम और बाहर की जो वॉल होती है उसको कहा जाता है मायोमेट्रियम। तो जब भी आप यूटरस की बात करें तो यूटरस में दो वॉल होती है, पहला होता है इनसाइड जो कहलाती है एंडोमेट्रियम और जो आउटसाइड होता है उसको कहा जाता है मायोमेट्रियम। फिर इसके बाद आता है सर्वाइकल कैनाल, उसके बाद आता है सर्विक्स और फिर आता है वजाइना।
तो यूट्रस में ही ये जो सर्विक्स है समटाइम इसको यूट्रस का ही पार्ट माना गया है, और कई बार आपको ये सेपरेशन में इस पार्ट को, मतलब जैसे अगर हम यूट्रस की बात करें तो आगे चल के मैं इसके सब पार्ट भी आपको बताऊंगी, तो बहुत सारी बुक्स में लिखा होगा कि जो यूट्रस का ही पार्ट होता है सर्विक्स और आपका सर्वाइकल कैनाल, वो कहीं पर ये सेपरेशन में लिखा है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। यूट्रस, फिर उसके बाद ये वॉल है, एंड फाइनली ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसको कहा जाता है सर्वाइकल कैनाल, और उसके नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड सर्विक्स, और फिर अगर आप और नीचे की तरफ आते हैं तो इसको कहा जाता है वजाइना, और वजाइना के बाद में जो जितने भी आपके पार्ट्स आएंगे वो कहलाएंगे आपके एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको कलेक्टिवली कहा जाता है वल्वा। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल है, इसको मैं मेंशन भी कर दे रही हूं, दिस इज द एक्सटर्नल पार्ट, और ये है आपके इंटरनल पार्ट। तो एक्सटर्नल मतलब जिनका अपीयरेंस एकदम क्लियर हो, जो आराम से दिख जाते हो, तो वो एक्सटर्नली हम उनको कहते हैं। तो अगर आप एक्सटर्नल पार्ट की बात करें तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आपको आउटर साइड दिख रहा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर जो आउटर साइड है इसी को कहा जाता है मोंस प्यूबिस, और इसके बाद अगर आप चारों तरफ की कवरिंग देखेंगे तो आपको एक प्रोमिनेंट कवरिंग इस डायग्राम में दिख रही होगी, इसको कहा जाता है लीबिया मजोरा, और ये जो लीबिया मजोरा, मजोरा मतलब कि मेजोरिटी में ये प्रेजेंट होती है, तो इसी को कहा जाता है लीबिया मजोरा, जो आउटर पार्ट होता है और पूरे तरीके से घेरे रहता है आपके इनर पार्ट मतलब कि लीबिया माइनोरा के लिए, और लीबिया माइनोरा आपका ये वाला स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। तो ये मजोरा, फिर उसके बाद होता है माइनोरा, फिर अगर देखेंगे सबसे ऊपर एक ओपनिंग, जैसे ओपनिंग नहीं कह सकते इसको, एक तरीके का ये प्रोजेक्शन होता है, तो जब सबसे ऊपर जो आपका माइनोरा होता है, और जब हम जब मिजोरा के बाद ये जो माइनोरा होता है लीबिया माइनोरा, तो लीबिया माइनोरा का सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसी को कहा जाता है क्लाइटोरिस, और क्लाइटोरिस के नीचे एक ओपनिंग होती है जिसको कहा जाता है यूरेथ्रल ओपनिंग। तो बस यही रीजन है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप एक्सटर्नल पार्ट की बात करें तो वहां पर दो ओपनिंग देखने को मिलती है, एक तो होता है यूरेथ्रल ओपनिंग जो कि होती है यूरिन एक्सक्रीशन के लिए, और दूसरा होता है ये वजाइनल ओपनिंग जो कि होती है चाइल्ड बर्थ के लिए। तो मतलब रिप्रोडक्टिव ओपनिंग और यूरिन ओपनिंग ये दोनों अलग अलग होती है, तो क्लाइटोरिस के नीचे प्रेजेंट होती है ओपनिंग यूरेथ्रा ओपनिंग, और उसके नीचे प्रेजेंट होता है वजाइना ओपनिंग, और वजाइना ओपनिंग के चारों तरफ एक आपको एकदम स्मॉल मेम्ब्रेन भी यहाँ देखने को मिलता है, ये मेम्ब्रेन ही कहलाता है हाइमेन। तो एक्सटर्नल पार्ट में बस यही आपके कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें लीबिया मेजोरा होता है जो कि सबसे आउटर पार्ट होता है, उसके बाद प्रेजेंट होता है लीबिया माइनोरा, और लीबिया माइनोरा का अगर आप अपर पार्ट की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड क्लाइटोरिस, फिर इसके बाद यूरेथ्रा ओपनिंग, और फाइनली होती है वजाइना ओपनिंग, और वजाइना ओपनिंग के अंदर ही प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड हाइमेन मेम्ब्रेन। तो ये एक्सटर्नल पार्ट है, ये इंटरनल पार्ट है, और कलेक्टिवली ही इसको कहा जाएगा कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसी को मैंने इस कैप्सूल फॉर्म में लिख दिया है, तो एक्सटर्नल ओपनिंग में हमने क्या क्या देखा, इंटरनल ओपनिंग में क्या क्या देखा, उसकी लोकेशन कहाँ थी, सब पार्ट अगर किसी में प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, फंक्शन क्या होंगे, और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर मतलब वो किसके नीचे प्रेजेंट होगा, या उसके नीचे जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो इसको मैंने एक सीक्वेंस में लिख दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल ओपनिंग के बारे में या एक्सटर्नल पोर्शन के बारे में, दैट इज कॉल्ड बल्बा, इसको कलेक्टिवली कहा जाता है, और इसके काफी सारे पार्ट होते हैं। एक होता है मोंस प्यूबिस जो कि एंटीरियर टू द प्यूबिक बोन स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि इसका सब पार्ट है, लेकिन अगर आप देखें कि ये कैसे मिलके बना हुआ होता है तो यहाँ पे प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होती है फैटी एसिड्स और फैटी टिश्यू, और फंक्शन इसका क्या काम होगा, ये प्रोवाइड कराएगा कुशन और कवर करेगा प्यूबिक हेयर आफ्टर प्यूबर्टी।
तो ये आपका एक तरीके का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो एक तरीके का कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, और यही पर प्यूबर्टी के दौरान पूरा का पूरा प्यूबिक हेयर का ओरिजिनेशन होता है। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो प्यूबिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है या इससे एसोसिएटेड होता है लेबिया मेजोरा, जो कि कंटिन्यूड होता है विद द मॉन्स प्यूबिस। फिर दूसरी बात करें, क्योंकि एसोसिएटेड स्ट्रक्चर को ही देख लीजिए, अब आ जाएगा मेजोरा। तो ये जो लेबिया मेजोरा होता है सराउंडिंग टू द वेजाइनल ओपनिंग, जो वेजाइनल ओपनिंग है उसके चारों ओर जो सबसे बड़ी या मेजर कवरिंग होती है उसी को कहा जाता है लेबिया मेजोरा। और इसका प्रेजेंस कहाँ होगा, लोकेशन अगर आप देखेंगे वेजाइनल ओपनिंग के चारों तरफ ये प्रेजेंट होता है। अगर आप इसके सब पार्ट देखेंगे तो ये स्किन का एक फोल्ड होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। फंक्शन है प्रोटेक्ट करेगा वेजाइना को और यूरेथ्रल ओपनिंग को, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रेजेंट होती है कुछ स्वाइट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड जो कि ऑयल और स्वाइट का सिक्रेशन में हेल्प करती है। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर की बात करें तो मेजोरा के बाद माइनोरा यहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो माइनोरा पे आप स्विच करते हैं। तो लेबिया माइनोरा आपने अभी देखा ये इनसाइड प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो मेजोरा होता है वो सबसे ऊपर वाली कवरिंग है, उसके नीचे प्रेजेंट है माइनोरा। तो आप बिल्कुल अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो आप यही कहेंगे ये इनसाइड प्रेजेंट होता है लेबिया मेजोरा के। यहाँ पर क्या ये अगेन फोल्ड ऑफ द स्किन होता है, लेकिन जैसे यहाँ पर ग्लैंड प्रेजेंट थी जैसे सेबेशियस ग्लैंड स्वाइट ग्लैंड, यहाँ पर मेजोरिटी में प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स। इसीलिए अगर आप माइनोरा स्ट्रक्चर को देखें तो वो आपको एकदम डार्क कलर का दिखाई देगा, वहीं पर अगर आप मेजोरा की बात करें तो वो बिल्कुल स्किन कलर का होता है, लेकिन माइनोरा में अगर आप देखें तो यहाँ पे डार्क आपको रेडिश कलर अपीयरेंस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स। अगर आप फंक्शंस की बात करें तो माइनोरा का पहला काम क्या है, माइनोरा का मैंने बताया था सबसे अवब जो एक तरीके का प्रोजेक्शन था जिसे कहा जाता है क्लाइटोरिस, इसको ये प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द वेजाइनल ओपनिंग। हाईली सेंसिटिव एरिया होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एरोजन। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे ही हम माइनोरा की बात करें तो यहाँ पर आपको दो स्ट्रक्चर दिखेंगे, एक तो होता है क्लाइटोरिस जो कि एंटीरियरली ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, फिर होता है वेस्टिब्यूल जो प्रेजेंट होता है बिटवीन द लेबिया माइनोरा। फिर क्लाइटोलिस पे अगर आते हैं तो क्लाइटोलिस क्या है, एंटीरियर जंक्शन होता है लेबिया माइनोरा का। इसमें कुछ सब पार्ट होते हैं जो अभी पिछले डायग्राम में नहीं देखे, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें तीन दो सब पार्ट होते हैं और कंपोजिशन बेसिकली देखेंगे तो ये यहाँ पर मेजोरिटी में प्रेजेंट होता है इरेक्टाइल टिश्यू। तो ये जो क्लाइटोलिस पार्ट होता है ये हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है इन टर्म ऑफ सेक्सुअल रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप पार्ट देखेंगे तो एक है ग्लैंड, फिर है प्री प्यूब्स और फिर होता है इरेक्टाइल टिश्यू। अगर फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर काफी सारी नर्व्स एंडिंग प्रेजेंट होती है जो सेक्सुअल प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद अगर आप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर वेस्टिब्यूल इससे जस्ट एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है, नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा, और वेस्टिब्यूल बल्ब भी इसी का स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज। अगर आप वेस्टिब्यूल की बात करें तो ये भी आपका, क्योंकि देखिए ये जो दोनों पार्ट है क्लाइटोलिस या वेस्टिब्यूल है और लास्ट में जो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड आने वाली है ये आपकी लेबिया माइनोरा के अंदर ही प्रेजेंट होती है, मतलब आउटर कवरिंग इन तीनों स्ट्रक्चर की कौन रहेगी, लेबिया माइनोरा। तो अगर आप इनकी लोकेशन देखेंगे तो ये लेबिया माइनोरा के आसपास ही होगा। सब पार्ट में अगर हम वेस्टिब्यूल की बात करें तो एक तो यूरेथ्रा वेजाइना ओपनिंग और होता है बारथोलियन ग्लैंड। तो ये जो बारथोलियन मेनली काम होता है लुब्रिकेशन में, एक फ्लूइड को सिक्रेट करती है और ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड ट्यूब्यूल की। तो ऊपर की तरफ क्लाइटोलिस होता है, फिर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी यहाँ प्रेजेंट होती है जिसको बारथोलियंस ग्लैंड भी कहा जाता है। वेस्टिबुलर ग्लैंड क्या होता है आपका,
ये नियर टू द वजाइना ओपनिंग प्रेजेंट होगी। अगर आप इसके सब पार्ट की बात करें, अनदर नेम की बात करें, तो ये होता है बार्कोलिन ग्लैंड। सिक्रेट करती है लिब्रिकेशन म्यूकस को ड्यूरिंग सेक्सुअल एरोसल, और वेस्टिब्यूल के ये चारों तरफ प्रेजेंट होगी। अब वेस्टिब्यूल जो है पूरा आपकी ग्लैंड के चारों तरफ। तो सबके लिए क्या वॉइस ब्रेक का प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि यहां मैंने अभी पहले चेक किया था जब आपका मैसेज आया था, लेकिन कोई भी वॉइस ब्रेकिंग यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और रही बात ब्लैक स्क्रीन की, तो ब्लैक स्क्रीन ऐसा नहीं हुआ था कि बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन हो गया हो, बस कुछ टाइम के लिए वो एकदम ब्लैंक हुआ था। तो ठीक है, रिपीट कर देंगे, लेकिन रिपीट हम डायग्राम में एक बार कर देते हैं, क्योंकि वहां पे आपको पूरा पोजीशन दिखेगा। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं लिखा, बस जो पार्ट अभी मैंने आपको दिखाए थे उनकी लोकेशन कहाँ है। तो लोकेशन तो जब आप डायग्राम देखेंगे तो उसी में आपको समझ में आती है। जैसे अगर हम मोन क्यूबिस की बात करें, ये सबसे एंटीरियर पार्ट होता है क्यूबिक बोन का। फिर होता है आपका लीबिया मिजोरा, जो कि पूरा का पूरा स्किन टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर स्किन ग्लैंड, मतलब कि आपकी स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड होगी। फिर माइनोरा इसके जस्ट नीचे का पार्ट होता है, जहां पर हाईली ब्लड वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। फिर क्लाइटोलिस, मतलब लीबिया माइनोरा के बीच में, दो लीबिया माइनोरा होती है, इनके बीचों बीच जब सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। फिर उसके बाद वेस्टिब्यूल होता है और वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाला है, बस आपको जो है थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की जरूरत है। काम क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसमें आपको पूरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया और साथ ही साथ वल्वा का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो अगर आप बात करें मोन क्यूबिस की, तो ये पूरा जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखता है जहां पर क्यूबिक हेयर की ग्रोथ होती है, उसी को कहा जाता है मोन क्यूबिस। फिर उसके बाद जो आउटर साइड प्रेजेंट होता है वो कहलाता है आपका मेजोरा, लीबिया मेजोरा, जिसका दूसरा नाम है लीबियम मेजस। तो लीबियम मेजस आए या फिर लीबिया मेजोरा आए, ये दोनों सिमिलर टर्म्स होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, जहां पर आपका स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड होगी, दैट इज कॉल्ड लीबियम मेजस। और उसके नीचे जो पार्ट होगा ये कहलाता है आपका लीबियम माइनस या फिर लीबिया माइनोरा। और लीबिया माइनोरा के बीचों बीच, क्योंकि एक तरफ ये लीबिया माइनोरा होगा, दूसरा लीबिया माइनोरा, तो इन दोनों के बीचों बीच कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो वो स्ट्रक्चर क्या है? जैसे कि अगर आप पहले स्ट्रक्चर की बात करें, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस जो है कुछ यहाँ प्रेजेंट होगा और ये हाईली सेंसिटिव एरिया होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल प्लेजर। उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्रीप्यूज कहा जाता है, और सम टाइम इसे क्लाइटोरिस का ही सबपार्ट कहा जाता है। फिर अगर आप क्लाइटोरिस के नीचे देखेंगे जो आपका होता है फ्रीनुलम, फ्रीनुलम भी क्लाइटोरिस का ही सबपार्ट होता है। तो आप एक ही पार्ट याद रखें, दैट इज क्लाइटोरिस, जिसका मेजर काम सेक्सुअल प्लेजर के दौरान होता है। फिर इसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो पहले एक ओपनिंग मिलती है जिसको कहा जाता है यूरेथ्रल ओपनिंग, जो यूरिन एक्सक्रीशन के लिए है। और अगेन आप जब नीचे आते हैं तो फिर दूसरी ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड वजाइनल ओपनिंग, और वजाइनल ओपनिंग की बर्थ कैनाल और पेनिस को रिसीव करने के लिए एक सिंगल पैसेज होता है। और यहीं पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, हाइमेन मेम्ब्रेन। और इसके बाद आपका ये पूरा का पूरा वेस्टिब्यूल होता है, और जो वेस्टिब्यूल होता है वहीं पर ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, और वेस्टिबुलर ग्लैंड जिसे कहा जाता है, जो लुब्रिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये पूरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया या फिर एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जब हम पूरी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब आप इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक। तो अभी मैंने आपको एक्सटर्नल पार्ट बताया, इंटरनल पार्ट का भी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, लेकिन उसे भी हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। जब हम इंटरनल पार्ट की बात करें तो शुरुआत कहाँ से होती है? वजाइना से शुरू होगी इंटरनल पार्ट की शुरुआत।
वजाइना से जैसे ही आगे की तरफ जाएंगे तो यूट्रस मिलेगा, फिर उसके बाद ओवरी मिलता है, यूटराइन की ट्यूब जिसे फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। अगर आप लोकेशन की बात करें तो वजाइना मेनली प्रेजेंट होती है पेल्विक कैविटी में, और अगर आप यूट्रस की बात करें तो ये भी पेल्विक कैविटी और साथ ही साथ पोस्टीरियर टू द ब्लैडर। तो ये जो यूटरस होता है ये आगे की तरफ होता है, अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो इसी की जस्ट पोजीशन में पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा आपका ब्लैडर। फिर अगर आप सब पार्ट की बात करें तो यूटरस में काफी सारे सब पार्ट होते हैं, जैसे फंडस होता है, बॉडी होता है और सर्विक्स होता है। तो इसी सर्विक्स के लिए मैंने कहा कि ये यूटरस का ही पार्ट होता है, अगर कहीं सेपरेशन में भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूटरस के तीन पार्ट होंगे, एक तो फंडस होगा, बॉडी होगा और सर्विक्स होगा। अगर आप वजाइना में फंक्शंस की बात करें तो ये क्या है, एक तो बर्थ कैनाल है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और साथ ही साथ रिसीव करती है पेनिस को ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप एक्सटर्नल बात करें तो वजाइना जो है वो आउटर साइड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड वल्वा उससे एसोसिएटेड होती है, और साथ ही साथ यही वजाइना आगे चल के अगर आप इंटरनली देखेंगे तो यूट्रस मतलब सर्विक्स से सीधा अटैच होगी। तो वजाइना एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है या फिर एक डायरेक्ट ओपनिंग होती है जहां पे पूरा का पूरा एक्सटर्नल पार्ट खत्म होके इंटरनल पार्ट का इनिशिएशन यहीं पे होगा, और यूट्रस जो है जहां से शुरू होगा दैट इज एंडिंग ऑफ द वजाइना, ये भी हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद यूट्रस के बारे में हमने बता दिया क्या सब पार्ट होता है। अगर आप फंक्शंस की बात करें तो यूट्रस का पहला फंक्शन क्या है कि जो एम्ब्रियो या फीटस डेवलप हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको ये रखेगा, तो उसके लिए हाउस होता है, साथ ही साथ नरिश करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस के लिए, साथ ही साथ कॉन्ट्रेक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग लेबर टू एक्सपेल बेबी। जैसे ही आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बाद जैसे ही डिलीवरी की बात करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और पूरी की पूरी जो बेबीज या फिर न्यू बॉर्न होता है उसको बाहर की तरफ एक्सपेल करने का काम करता है। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर की बात करें तो यूट्रस की जस्ट बाद प्रेजेंट होगा फेलोपियन ट्यूब, और ये फेलोपियन ट्यूब जो है वो कनेक्ट होता है फंडस से और साथ ही साथ ओबरी से। तो ट्यूब के बारे में यहां ज्यादा नहीं लिखा है। फिर फाइनली हम बात करेंगे ओबरी के बारे में, तो ओबरी भी आपकी पेल्विक कैविटी और लेटरल टू द यूट्रस प्रेजेंट होती है, क्योंकि ओबरी एक राइट हैंड साइड में होगी एक लेफ्ट हैंड साइड में, तो यूट्रस का जो हमने डायग्राम देखा उसकी लेटरल साइड में इसकी लोकेशन होती है। ओबरी के दो मेजर पार्ट होते हैं, कहलाता है कॉर्टेक्स और दूसरा कहलाता है मेडुला। जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है ओबरी का जो आउटर पार्ट होता है वहां पर पूरा का पूरा फॉलिकल या ओवेरियन फॉलिकल प्रेजेंट होती है, और मेड्यूला डीपेस्ट पार्ट होता है जबकि हाईली ब्लड वस्कुलर मतलब कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू मेजोरिटी में प्रेजेंट होती है। फंक्शंस की बात करें तो ओवरी का फंक्शन है प्रोड्यूस करना एग के लिए थ्रू द ओव्यूलेशन, और साथ ही साथ सीक्रेट करता है कुछ फीमेल सेक्स हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लिए। फिर इसके बाद अगर हम एसोसिएटेड स्ट्रक्चर की बात करें तो यूटेराइन ट्यूब जो ट्यूब है वो भी आपका जो फेलोपियन ट्यूब है वो भी आपका ओवरी से अटैच होता है, जो रिसीव करेगा एग को और दूर लेके जाएगा फ्रॉम द ओवरी, और साथ ही साथ कुछ लिगामेंट्स भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं जिनको कहा जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट्स, जो स्टेबलाइज करते हैं पूरे के पूरे ओवरी के स्ट्रक्चर को। फिर आएगा आपका फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब जो है जो एक्सटेंड होता है फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस, मतलब कि जो एग है ओवरी से अगर रिलीज हो रहा है तो उसको यूट्रस तक लेके आने वाला जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है उसके एक एक्सटेंशन के बारे में। सब पार्ट की बात करें तो इनिशिएशन जो ओवरी से डायरेक्ट अटैच होता है तो वो होता है इनफंडिबुलम विद फिम्बरीज, एम्पुला होता है और स्थमस होता है। फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो ट्यूब कैप्चर करता है एग के लिए, रिलीज हुआ है एग जो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन प्रोवाइड कराएगा एक साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन, ये बेसिकली साइट क्या होती है एम्पुला होती है। तो फेलोपियन ट्यूब की जो साइट होती है दैट इज कॉल्ड एम्पुला, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, फिम्बरी जो है
जो ओवरी ने ओवुलेशन के दौरान एग को रिलीज किया है उसको पकड़ेगा और फिर लेके जाएगा पहले एम्पुला में और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर की बात करें तो इससे एक तरफ एसोसिएटेड होता है ओवरी और दूसरी तरफ एसोसिएटेड होता है यूटरस। तो ये पूरा का पूरा इंटरनल जेनिटेलिया और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में है। ठीक, तो ये भी आपको धीरे धीरे तब समझ में आएगा जब हम पूरा फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, वजाइना का क्या काम है, यूटरस का, ओवरी का। तो ये ऑटोमेटिक आपको एक कनेक्टिविटी भी समझ में आ जाएगी और उनके फंक्शंस जो है फिजियोलॉजी के बेसिस पे सारे के सारे जस्टिफाई हो जाएंगे। बिल्कुल, प्रीफ्यूज के बारे में हुड लिखा है जो कि इसका दूसरा नाम होता है। ठीक, तो ब्रैकेट में जो चीज लिखी होती है तो इसका मतलब ये है कि वो इसका सेकेंड नाम है। चलिए, फिर अगर हम इसी स्ट्रक्चर को, अभी मैंने आपको बिल्कुल ओवरव्यू सा दे दिया था पहले स्ट्रक्चर में जिसमें बताया था कि हाँ ये पूरा यूट्रस है, फिर ये फेलोपियन ट्यूब है, ओवरी है और जो जो आपका इंटरनल इनिशिएशन पार्ट था दैट इज वजाइना। लेकिन इसके भी बहुत सारे सब पार्ट होते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ लिगामेंट भी प्रेजेंट होते हैं। तो बस इसी स्ट्रक्चर को हमें थोड़ा सा डेप्थ में समझना है क्योंकि यही वो मेजर पार्ट है जहां पर पूरी की पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल चलेंगी, क्योंकि इन्हीं पार्ट में रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है। जो एक्सटर्नल पार्ट होता है वो बेसिकली आपकी एक्सटर्नल एक्टिविटी जैसे चाइल्ड बर्थ के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान ज्यादा यूज होता है। तो अगर हम इंटरनल पार्ट की बात करें तो सबसे पहले जो इनिशिएट होगा इंटरनल ऑर्गन सिस्टम जहां से, वो पहला पार्ट होता है वजाइना। उसके ऊपर प्रेजेंट होता है सर्विक्स। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो लिगामेंट लेटरल साइड में प्रेजेंट है उनको कहा है लेटरल सर्वाइकल लिगामेंट। इसके बाद जैसे ही ऊपर की तरफ जाती है तो प्रेजेंट होता है ये सर्विक्स और ये पूरी की पूरी जो कैनाल है वो कहलाएगी सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल जो है वो आपकी यूट्रस का ही पार्ट है। तो ये कैनाल के बाद जो पूरा का पूरा आपका मेजर पार्ट होता है वो बॉडी कहलाता है। वैसे हमने स्टमक में भी एक बॉडी देखा था, तो बॉडी क्या होता है, आपका पूरा का पूरा मेजर पार्ट होता है। तो यूट्रस में भी अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, एक मेजर पार्ट है जिसे बॉडी ऑफ द यूट्रस कहा जाता है। यही पर अगर आप देखेंगे तो ल्यूमेन होता है और ये जो ल्यूमेन है इसको कैविटी ऑफ द यूट्रस कहा जाता है। फिर अगर आप इस वाले पार्ट की बात करेंगे जहां पे सीधा कनेक्टिविटी होती है फेलोपियन ट्यूब की, ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है इसको कहा जाता है फंडस ऑफ यूट्रस। और यहीं पर आपका जो फेलोपियन ट्यूब जहां से कनेक्ट होता है, मतलब ये जो आपका एक तरीके का कनेक्शन है इस ट्यूब का, कॉर्नुआ ये कहलाता है। आगे की तरफ अगर आप जाते हैं तो ये फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब में अगर आप बिल्कुल इंद्री और ये ही सीधा आपकी ओवरी से डायरेक्ट अटैचमेंट शो करेगा। इसके बाद एक्चुअली जो फिम्बरी जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, लेकिन फिम्बरी का जो एक्सटेंशन होता है वो ही कहलाता है इनफंडिबुलम। तो ये है आपकी फिम्बरी और ये यहाँ पर जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। और इसके बाद आएगा आपका एम्पुला और एम्पुला के आगे की तरफ ये जो ट्यूब जहां पर ये कनेक्टिविटी शो करने वाला है यूटरस से, फिर आता है आपका स्टमक। तो ये चारों के चारों आपके फेलोपियन ट्यूब के ही पार्ट होते हैं और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये है आपका ओवरी। यूट्रस के बारे में हमने बता दिया। अब यहाँ पर कुछ लिगामेंट होते हैं। कौन से लिगामेंट होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी। तो नाम क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी। तो ये कहीं ना कहीं ओवरी से निकलने वाले लिगामेंट है जिनका काम होगा कि ये एक तरीके का अटैचमेंट प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जहां पर भी आप लिगामेंट टर्म इस्तेमाल करें मतलब कि ये अटैचमेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो ये किसके बीच अटैच होंगे, जो पूरी की पूरी पेल्विक कैविटी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट कहाँ है, पेल्विक कैविटी में। तो अगर ये पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट है तो वहीं पर इसको स्टेबलाइजेशन चाहिए है। तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये ओवरी से अटैच होंगे सीधा का सीधा वॉल ऑफ द पेल्विक कैविटी और एक तरीके का स्टेबलाइजेशन या जो ऑर्गन ओवरी को जहां होना चाहिए वहीं पर इसको बनाए रखते हैं।
इसके साथ यहाँ पर कुछ आर्टरीज भी होंगी, वेन भी होंगी, तो इनको कहा जाता है ओवेरियन आर्टरीज एंड ओवेरियन वेन। तो ये जो पूरा आपको ब्लू एंड रेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये उसी आर्टरी और वेन का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कहा जाता है ब्रॉड लिगामेंट। और ये जो आपके ब्रॉड लिगामेंट होते हैं, क्योंकि ये तो भाई जो ओवरी से है दैट इज ओवरी वाले लिगामेंट हो गए, जो ओवरी को पूरा पेल्विक कैविटी में अटैच करते हैं। इसके साथ साथ ओवरी जो है वो आपकी यहाँ भी तो अटैच है यूट्रस की है, क्योंकि यूट्रस के लेटरल पार्ट से अटैचमेंट होता है ओवरी का, एक राइट हैंड साइड से एक लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसे एकदम फिक्स हो गई होगी, तो फिक्स नहीं होगी, लेकिन फिक्स करने के लिए कुछ लिगामेंट यहाँ चाहिए रहेंगे। तो लिगामेंट बिल्कुल उसी नाम पे रख दिया गया है क्योंकि ये यूट्रस और साथ ही साथ ओवरी के बीच में है, तो यूटीरो ओवेरियन लिगामेंट इनको कहा जाता है, जो यूट्रस और ओवरी के बीच में कनेक्टिविटी बताएंगे। इसके अलावा आपके ब्रॉड लिगामेंट होते हैं, और ब्रॉड लिगामेंट जो होते हैं जो आपके प्रेजेंट होते हैं, ये आपका जो ओवरी स्ट्रक्चर है फिम्बरी और यहाँ पर जो फेलोपियन ट्यूब्स है यहाँ पर कुछ अटैच होंगे, जिनको कहा जाता है मीजो एल्पनिक्स ब्रॉड लिगामेंट। फिर होगा आपका मीजोवेरियम ब्रॉड लिगामेंट और मीजोमेट्रियम। तो ये पूरा का पूरा आपका एक ऐसा ब्रॉड लिगामेंट होता है जिसको अगर आप देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक पूरी इसकी प्रेजेंस होती है, और अगेन ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको इन लिगामेंट के नाम याद रखते हैं, आपको जो मेजर चीजें हैं जैसे सब पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, इसके साथ आर्टरीज और वेन आपको अब समझ में आ गया है कि ये तो ऑर्गन है तो सिस्टम होगा ही होगा, साथ ही यूट्रस और यूट्रस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, और यूट्रस में वॉल जैसे एक एंडोमेट्रियम है एक मायोमेट्रियम है, और उसके बाद फाइनली जो पार्ट वजाइना, उतना ही आपको माइंड में रखेंगे क्योंकि इससे ही हमारा काम होगा। लिगामेंट जो रहेंगे तो एक आप याद रखिए सस्पेंसरी लिगामेंट जो ओवरी को स्टेबलाइजेशन करते हैं, और ब्रॉड लिगामेंट में खाली आप ब्रॉड लिगामेंट याद रखिए, और बाकी होता है जो यूटरस और ओवरी को कनेक्ट करता है दैट इज यूटीरो ओवेरियन लिगामेंट। ठीक, बिल्कुल जो बार्थोलियन ग्लैंड था वो नहीं दिखाया गया है, लेकिन मैं उसकी लोकेशन आपको समझा देती हूं। ये पूरा का पूरा जहां पे वेस्टिब्यूल पार्ट दिख रहा होगा यहाँ पर, तो अगर आप ये वाला पूरा पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर जो माइनोरा पार्ट होता है यही पे प्रेजेंट होता है ग्लैंड। तो ये जो क्लाइटोलिस वाला पार्ट है और यूरेथ्रा ओपनिंग है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो डायग्राम में नहीं दिखी है लेकिन ये वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो ऊपर की तरफ इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, चलिए तो अब एक एक करके थोड़ी सी हम सबकी फिजियोलॉजी देखते हैं कि ओवरी जो है उसका मेजर फंक्शन क्या है, क्योंकि ओवरी की पूरा का पूरा साइकिल जो है ओवेरियन साइकिल या ओजेनेसिस यहीं पर प्रेजेंट होगा, तो पहले हम ओवरी को पिकअप करके पढ़ेंगे। तो यहां तक क्या किसी को कोई दिक्कत हुई है? ये सारे के सारे एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट है जो आगे चल के फिजियोलॉजी में क्लियर हो जाएंगे जैसे जैसे हम पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर कोई नाम नहीं माइंड में आए तो ज्यादा परेशान नहीं है। चलिए तो देखिए, अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी का आपने अब शेप देख लिया है, ओवरी कैसा बिल्कुल एलमंड शेप दिखता है, प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी ओसाइट, और ये जो सेकेंडरी ओसाइट्स रहेंगी ये ही आगे चल के डेवलप होती है मैच्योर एग में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये भी बात हमेशा माइंड में रखती है कि जो फर्टिलाइज या प्रॉपर जो मैच्योर एग बनता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इस पूरी की पूरी सेकेंडरी ओसाइट का डीजेनरेशन हो जाता है। साथ ही साथ सिक्रेशन होगा कुछ हार्मोन का जैसे प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है,
जो कि मैन फीमेल सेक्स ऑर्गन हार्मोन होते हैं और इनहिबिन होगा एंड रिलैक्सिन होगा। तो ये चार मेजर हार्मोन है जो ओवरी सीक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन और रिलैक्सिन। अब अगर आप होमोलोगस की बात करें कि ये कैसे आपके पूरी इसकी होमोलॉजी सेम होती है टेस्टिस में, तो अगर आप बात करें इनकी एम्ब्रियोनिक ओरिजिन की, तो ओवरी हो या टेस्टिस हो, ये सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन को डिनोट करते हैं। पोजिशन की बात करें ओवरी की, तो ये लोकेटेड होते हैं लेटरल साइड ऑफ द यूट्रस जैसा कि हमने देखा था, और फिर इसके बाद ये फाइनली प्रेजेंट होते हैं पेल्विक कैविटी में ड्यूरिंग डेवलपमेंट। लिगामेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपके ब्रॉड लिगामेंट होंगे, ओवेरियन लिगामेंट एंड सस्पेंसरी लिगामेंट होंगे, जो कि एक तरीके की पोजीशन जो है हेल्डिंग पोजीशन उसको प्रोवाइड कराते हैं। हाइलम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर आर्टरीज, वेन जो कि ब्लड वेसल्स हैं, साथ ही साथ नर्व्स की एंट्री होती है। तो हाइलम मतलब कि कहीं पर भी अगर आप हाइलम टर्म इस्तेमाल करें, जैसे किडनी में हमने हाइलम देखा था, तो एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट होता है ब्लड वेसल्स के लिए, मतलब आर्टरीज, वेन और नर्व्स के लिए। तो वैसे यहाँ पर भी हाइलम जो है हर एक ओवरी में प्रेजेंट होता है, कहाँ वो आपको इस डायग्राम में पता चलेगा। तो अब हम पूरा फोकस कर रहे हैं ओवरी पर, ठीक है, कि ओवरी जो है अगर उसका हम सेक्शन करते हैं, फ्रंटल प्लेन देखते हैं तो कैसा दिखता है। तो कुछ इस तरीके का आपको पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर दिखेगा, जहां पर आपको कुछ सेल जो है वो डेवलप या फिर मैच्योर होती हुई दिख रही होती है, और ये पूरी की पूरी सेल ही आपका ओजेनेसिस और फॉलिकल मैच्योरेशन को शो करती है। तो सबसे पहले हाइलम की अगर मैं बात करूं, तो हाइलम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर आपकी ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज, वेन और नर्व्स जो है वो एक्टिव होंगी या इनकी एंट्री होगी, एग्जिट होगा इसी पॉइंट पे। फिर इसके बाद अगर आप आउटर मोस्ट लेयर की बात करें, क्योंकि ओवरी है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी लेयर होगी, प्रोटेक्टिव लेयर होगी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो बिल्कुल प्रोटेक्टिव लेयर होगी। तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको कहा जाता है मीजोथेलियम, और ये जो मीजोथेलियम होता है ये आउटर मोस्ट लेयर है, उसके नीचे प्रेजेंट होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जैसा कि कल हमने देखा था कि जब हम टेस्टिस की बात कर रहे थे तो वहां पर भी दो लेयर थी, लेकिन उसमें था एक वेजिनेलिस, ट्यूनिका वेजिनेलिस, और इनर साइड था ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यहाँ पर आउटर साइड होता है ओवेरियन मीजोथेलियम और इनर साइड होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया बेसिकली फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की मिलके बनी हुई होती है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही होता है। तो इस तरीके से ये दोनों लेयर पूरी की पूरी ओवरी को एक शेप प्रोवाइड करेंगी और साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराती हैं। ओवरी में दो स्ट्रक्चर होंगे, एक तो आउटर जिसे ओवेरियन कॉर्टेक्स कहा जाता है, और इनर साइड जो प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है ओवेरियन मेड्यूला। तो मेड्यूला में अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो ब्लड वेसल्स है ये आपकी डीपेस्ट पार्ट मतलब मेड्यूला में ज्यादा प्रेजेंट होती है, इसीलिए जो मेड्यूला पार्ट होता है वो आपका हाईली वेस्कुलराइज्ड पार्ट होता है, और जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है वहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है लेकिन बहुत लूज प्रेजेंट होती है, कम प्रेजेंट होती है, और जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ओजेनेसिस के लिए और फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए। तो ये देखिए एक तरीके से पूरा का पूरा फॉलिकल का सीक्वेंस दिया है डेवलपमेंट का। तो इनिशिएशन कहां से होगा, इनिशिएशन होता है अपर साइड से। ये अगर आप ओवरी मान लें और अगर मैं ऐसी खड़ी हूं तो ये जो ओवरी है, अगर राइट हैंड साइड की ओवरी की हम बात करें कि चलिए भाई ये राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड आप जो भी कहें, तो ओवरी है तो इसका अपर पार्ट यहां से शुरू होगा पूरा का पूरा डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल। तो सबसे पहले जो आपकी फॉलिकल्स थी दैट इज प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल आगे चल के इसमें कुछ चेंजेस होंगे, चेंजेस ऐसे नहीं हो। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि देखिए डिवीजन अलग होता है डेवलपमेंट अलग होता है, जब आप डिवीजन की बात करें मतलब एक सेल से दो सेल बन रही हैं, फिर वो दो सेल आगे चल के डिवाइड हुई तो टोटल फोर सेल बनी, फिर फोर सेल से एट सेल बनी, तो ये कहलाता है डिवीजन। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं मतलब ये जो सेल है ये आगे चल के इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हुआ,
और ये सेल जो पहले इसमें कुछ कम स्ट्रक्चर थे, आगे चल के इसमें थोड़े और स्ट्रक्चर डेवलप करे, फिर और इसमें कोई चेंजेस आए, फिर कोई और चेंजेस आए, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो फॉलिकल के केस में यहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, और ऊजेनेसिस के केस में डिवीजन होता है, दैट इज मियोसिस डिवीजन। लेकिन ये दोनों की दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती है, कैसे वो आगे चल के आपको कोरिलेट होगा। तो यहाँ पर क्या है, फॉलिकल डेवलप कर रही है, तो फॉलिकल डेवलप कर रही है मतलब स्ट्रक्चर चेंज होगी। जैसे जब आप छोटे थे तो जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो बॉडी स्ट्रक्चर मतलब पूरा टिश्यू में ग्रोथ होगा, ऑर्गन सिस्टम में ग्रोथ होगा, साथ ही साथ आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो आपके फेशियल फीचर्स है, वो भी टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। तो वैसा ही आपके इन फॉलिकल्स के साथ होना है। तो अगर आप बात करें तो सबसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल होगी, फिर इसमें कुछ चेंजेस आएंगे तो ये बन जाती है प्राइमरी फॉलिकल, मतलब ये कन्वर्ट हुई है। ठीक है, तो समझ रहे हो, जब एक छोटा सा बच्चा था तो वो है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, फिर आगे उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो वो कहलाएगा, उसका नाम रख दिया गया प्राइमरी फॉलिकल। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, अगेन इसमें कुछ चेंज आया, जब दूसरे चेंजेस आए तो उनको कह दिया गया सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल के बाद जब इसमें फुल्ली चेंज आ गया, जब एकदम पूरे तरीके से मैच्योर हो गया, चीजों को समझने लगा, तो इसको कहा गया मैच्योर फॉलिकल, दैट इज कॉल्ड ग्रेसियन फॉलिकल। तो मैच्योर फॉलिकल, ग्रेसियन फॉलिकल या फिर टर्शरी फॉलिकल, ये तीनों एक ही टर्म होते हैं है, और इसी के अंदर आपका प्रेजेंट होता है सेकेंडरी ऊसाइट। और ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है, ये आगे चल के देखिए ओवुलेशन हुआ तो ओवरी क्या है, आपके एक तरीके का ऑर्गन है जिसके पास कुछ लेयर्स हैं, तो ये जो लेयर है ये क्या हो जाती है, आपकी रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद पूरा का पूरा ओवुलेशन हो जाएगा, और जैसे ही ओवुलेशन होगा तो ये जो ओवा है या सेकेंडरी ऊसाइट, ओवा नहीं सेकेंडरी ऊसाइट, रिलीज हो जाता है। चलिए तो फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ, क्योंकि कुछ देर के लिए ब्लैक स्क्रीन हुआ था। ठीक है, तो यहां तक समझ गए, मैच्योर फॉलिकल बना, और यही मैच्योर फॉलिकल जो है वो आगे चल के अब रेप्चर होगा, या फिर आपका पूरा का पूरा जो आपका ये मेम्ब्रेन है, जो लेयर है ओवरी का, ये रेप्चर होगा, और ये जो आपका मैच्योर है ग्रेसियन फॉलिकल, यहाँ से सेकेंडरी इनसाइड रिलीज होके फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। फेलोपियन ट्यूब में आने के बाद ये वेट करेगा स्पर्म का, अगर स्पर्म आया फर्टिलाइज हुआ प्रॉपर, फिर इसमें और मैच्योरेशन होगा, सेकेंडरी इनसाइड से ओवा बनेगा और इम्प्लांटेशन होगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये सेकेंडरी इनसाइड जो है वो डिजनरेट कर जाती है। लेकिन यहाँ पर जब आप वापस ओवरी की तरफ आएंगे तो केवल और केवल सेकेंडरी ऊसाइट बाहर निकल गई, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो आपको कुछ लेयर दिख रही है, इसके अंदर कुछ सेल दिख रही है, ये तो एज इट इज थी, ये तो बाहर निकली नहीं। काम क्या है, केवल और केवल सेकेंडरी ऊसाइट को रिलीज करना, इसके चारों तरफ ये जो सुंदर सी कवरिंग है, जो और सेल है वो तो यहीं पे रही, तो वो जो सेल है, वो जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, वो जो लेयर है, वो एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको कहा जाता है कार्पस ल्यूटियम। और ये जो कार्पस ल्यूटियम है, ये आगे चल के अगर प्रेगनेंसी अचीव हो गई तो ये बनी रहेगी, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी अचीव नहीं हुई है तो ये फिर आपका कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा, और डीजनरेट करने के बाद एक बॉडी बनाता है जिसको कहा जाता है कार्पस एल्विकेंस, जो एक फाइनल डेस्टिनेशन या फाइनल प्रोडक्ट होता है पूरे के पूरे मैच्योरेशन पाथवे का। ठीक, तो ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है, एक ओवरी का स्ट्रक्चर दिया है जिसमें हमने एक्सटर्नल लेयर कॉर्टेक्स और मेडुला के बारे में जाना, हमने हाइलम के बारे में बात करी, फिर इसके बाद ये कॉर्टेक्स में एक तरीके की साइकिल चल रही है मैच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल्स और साथ ही साथ ऊजेनेसिस। तो ये जो मैच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्राइमोडियल फॉलिकल है, फिर प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर आपके मैच्योर फॉलिकल जिसे टर्शरी फॉलिकल भी कहा जाता है, और यही मैच्योर फॉलिकल आगे चल के फ्यूज होती है
वॉल ऑफ द ओवरी रेप्चर करेगी और सेकेंडरी ओसाइट को कर देगी बाहर। बाकी का पूरा मटेरियल आगे चल के बनाता है कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम जब आपका डीजेनरेट होता है फुल्ली तरीके से तो एक डेड बॉडी मिलती है जिसको कहा जाता है कार्पस हेलिकेंस। तो बस वो ही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर एक टर्म आता है जिसको कहा जाता है रेप्चर्ड फॉलिकल, और ये जो रेप्चर्ड फॉलिकल है ये बेसिकली कार्पस हेमरेजिकम कहलाती है। मतलब यहाँ पर जो है कार्पस, मतलब जो कार्पस ल्यूटियम टर्म आया है वो इसी कार्पस हेमरेज से आया है। तो ये रेप्चर फॉलिकल है जो आगे चल के आपका कार्पस ल्यूटियम बनाएगी सेकेंडरी ओसाइट। तो ये एक ओवरव्यू है आपके पूरी की पूरी फॉलिकल मैच्योरेशन का, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे कैसे लेयर जो है वो बड़ी होती है, कौन सी लेयर कब डेवलप होती है, तब जाके पूरा का पूरा फॉर्मेशन होता है एक मैच्योर फॉलिकल से। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू समझ में आया, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जो टर्म अभी हमने डायग्राम में देखे वो सारे मैंने यहाँ पे राइटिंग में भी लिखे हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें ओवेरियन मेसोथेलियम की, ये क्या होता है, सरफेस एपिथेलियम है जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री थी। अगर आप इसका कंपोजिशन देखें तो यहाँ पर सिंपल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और सिंपल में भी आपके कौन कौन से होंगे, क्यूबॉइडल होंगे और स्क्वामस होंगे। ये कवर करता है ओवरी को सरफेस पे। इसके नीचे प्रेजेंट थी एक दूसरी कनेक्टिव टिश्यू के लेयर, दैट इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो होती है ट्यूनिका एल्विजिनिया, जो बेसिकली होती है डेंस इररेगुलर फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। फिर आपका ओवरी का आउटर मोस्ट पार्ट कहलाता है ओवेरियन कॉर्टेक्स। ओवेरियन कॉर्टेक्स जो है यही पर आपका ट्यूनिका एल्विजिनिया के जस्ट नीचे ये लोकेटेड होता है। ओवेरियन फॉलिकल इस कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट होगी, जो किससे सराउंडेड होती है, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ स्ट्रोमा सेल्स होती है जो फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल होती है, और ये जो स्ट्रोमल सेल्स होती है ये भी आपके कॉर्टेक्स रीजन में ही प्रेजेंट होंगी। फिर डीपेस्ट पार्ट होता है जिसे मेडुला कहा जाता है, ये कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर मेनली प्रेजेंट होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स। फिर अगर आप बात करें फॉलिकल की, जो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है उनको कहा जाता है ओवेरियन फॉलिकल, जो मेनली कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती हैं, और इनके अंदर ही प्रेजेंट होता है ओसाइट जो कि डेवलपिंग एग होता है। तो होता क्या है ना कि देखिए, जब हमने स्पर्म के केस में पढ़ा, कल जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी थी तो हमने देखा कि स्पर्मेटोगोनिया था, उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, मतलब पूरा हमने वहां पे डिवीजन देखा, दैट्स इट। हमने वहां पर ऐसा कुछ नहीं देखा कि भाई जो स्पर्मेटोगोनिया है उसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, उसके ऊपर कोई लेयर थी, कोई कवरिंग थी, प्रोटेक्टिव लेयर थी, कुछ ऐसा था। लेकिन ओवरी के केस में वो पूरा अच्छा वाला ट्रीटमेंट यहाँ मिलेगा, किसको, सेकेंडरी ओसाइट को, क्योंकि ये क्या है, एक डेवलपिंग एग है। जब हमने स्पर्म की बात करी थी तो मैंने आपको बताया था मिलियन ऑफ स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन हम अगर ओजेनेसिस की बात करें तो जो मंथ में एक साइकिल चलने वाली है ओजेनेसिस की, वहां पर केवल एक ही सेकेंडरी ओसाइट बनने वाला है, केवल एक ही सेकेंडरी ओसाइट बनने वाला है जो आगे चल के फर्टिलाइज करेगा, और फर्टिलाइज करने के बाद पूरा का पूरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। मेल के केस में काफी सारे स्पर्म थे, फीमेल के केस में केवल एक ही ओवा है, इसीलिए जो डेवलपिंग एग है, सेकेंडरी ओसाइट है, इसको बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है। तो ये जो फॉलिकल्स होती है ये कुछ ग्रोथ ऑफ सेल होती है। ये जो फॉलिकल्स है ओवेरियन फॉलिकल्स के बारे में अभी हमने देखा, ये सारा था प्राइमोडियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी सेकेंडरी, ये ग्रोथ ऑफ सेल होती है जो इस पूरी की पूरी प्राइमरी और सेकेंडरी ओसाइट को प्रॉपर नरिश्ड कर रही होती है, अच्छे से इनकी सेवा में लगी हुई होती है। तो बस वही चीज है कि ओवेरियन फॉलिकल प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स में, और यहाँ पर क्या होता है, ओसाइट प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड डेवलपिंग एग, उनके चारों तरफ ये प्रेजेंट होती है। व्हेन द सराउंडिंग सेल एक सिंगल लेयर बनाएगी तो इसको कहा जाएगा फॉलिकुलर सेल्स,
और जब ये फॉलिकुलर सेल्स काफी सेल में या सेवरल सेल में अरेंज हो जाएंगी तो उनको कहा जाता है ग्रैनुलोमा सेल। तो यहां पर ओसाइट की चारों तरफ एक बहुत बढ़िया कवरिंग होने वाली है सेल्स की। जब उसके ऊपर एक ही कवरिंग होगी सेल की तो उसको फॉलिकुलर सेल्स कहा जाता है, लेकिन जब वो मल्टीपल लेयर बनाता है, मल्टीपल कवरिंग हो जाती है, तो उसको ग्रैनुलोमा सेल्स कहा जाता है। तो इसे आप डायग्राम में समझेंगे और उसके बाद इनका काम क्या रहेगा कि ओसाइट को ये बढ़िया नरिश्ड करेंगी और साथ ही साथ सिक्रेट करेंगी एस्ट्रोजन को ड्यूरिंग फॉलिकल ग्रोथ, क्योंकि ये जो एस्ट्रोजन हॉर्मोन है जो अभी हमने पढ़ा कि ओवरी से सिक्रेट होता है, तो ओवरी तो नहीं सिक्रेट करती होगी, ओवरी में कुछ सेल्स होंगी, तो ये जो आपकी ग्रैनुलोसा सेल है ये ही सिक्रेट करती है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये आपका हो गया ओवेरियन फॉलिकल्स के बारे में। फिर आपका एक टर्म हमने देखा था मैच्योर, जिसे ग्रेफियन फॉलिकल कहा जाता है। तो ये जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल या फिर टर्शरी फॉलिकल, ये एक लार्ज फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल्स होती है जो रेडी रहती है ओव्यूलेशन के लिए। तो ये आपकी प्रॉपर मैच्योर है जो रेडी है काय के लिए, ओव्यूलेशन के लिए। यहाँ मेनली प्रेजेंट होता है सेकेंडरी ओसाइट। साथ ही साथ जो ओव्यूलेशन है जैसे ही आएगा तो होगा क्या, ये फॉलिकल रैप्चर हो जाएगी। जब ये फॉलिकल रैप्चर हो जाएगी तो जो सेकेंडरी ओसाइट है वो ओवरी से बाहर की तरफ, और वहीं पर जो कार्पस ल्यूटियम है, इस पूरा का पूरा जो रैप्चर पार्ट है फॉलिकल का, वो तो बाहर जाता नहीं है, वो तो आपकी ओवरी के अंदर रहेगा। तो उस रैप्चर पार्ट को ही कहा जाता है कार्पस ल्यूटियम। और ये जो कार्पस ल्यूटियम है बेसिकली एक रेसिड्यू है जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल से मिलकर बना हुआ होता है आफ्टर ओव्यूलेशन। और ये कार्पस ल्यूटियम ऐसा नहीं कि रैप्चर है तो किसी काम का नहीं है, बहुत काम का है, क्योंकि यही सीक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन को, एस्ट्रोजन को, रिलैक्सिन को और लिगेसिन को। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें कुछ सेल प्रेजेंट हैं जो अल्टीमेटली इन चारों हार्मोन को करेंगी सीक्रेट। और साथ ही साथ इसके अलावा अगर ये आपका पूरा टाइम जैसे प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है तो कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करे रहते हैं, और बाई चांस अगर प्रेगनेंसी अचीव नहीं हुई तो ये कार्पस ल्यूटियम आगे चल के डीजेनरेट हो जाएगा, और डीजेनरेट होने के बाद एक व्हाइट बॉडी बनाता है जिसको कहा जाता है कार्पस एल्विकेंस, जो किसी भी तरीके के कोई हार्मोन का सिक्रेशन नहीं है। ठीक, तो ये अब आपकी पूरी की पूरी हिस्टोलॉजी है। जो जो मैंने आपको टर्म्स बताए उन्हीं को थोड़ा सा और इलाबोरेट कर दिया है, लेकिन यहां पर जब आप डायग्राम देखेंगे तब आप इसको और अच्छे से समझेंगे। जैसे हमने देखा ओवरी में पूरा का पूरा फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो रहा है, और उसी फॉलिकल के अंदर जो एक क्वीन है, जो एक तरीके की रानी है, दैट इज ओसाइट, वो बैठी हुई है। ठीक है, तो ओसाइट जो है वो क्वीन है जो प्रेजेंट होती है इनसाइड द फॉलिकल सेल। तो फॉलिकल सेल्स जो हैं जिनको कलेक्टिवली ओवेरियन फॉलिकल्स कहा जाता है। तो अगर हम प्राइमोडियल फॉलिकल्स की बात करें तो प्राइमोडियल मतलब इनिशिएशन स्टेज है, बिल्कुल इनिशियल फेज है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये जो पूरा आपका स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है प्राइमरी ओसाइट। कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है प्राइमरी ओसाइट। तो प्राइमरी ओसाइट है और ये जो अंदर प्रेजेंट है ये है न्यूक्लियस, इसी प्राइमरी ओसाइट का न्यूक्लियस। तो ये प्राइमरी ओसाइट है, इसके ऊपर अभी कुछ नहीं है भाई। अब धीरे धीरे ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल है इनको डेवलपमेंट, इनका डेवलपमेंट शुरू होने वाला है। तो इनिशियली इस वाली जो प्राइमोडियल फॉलिकल है इसके पास केवल केवल एक लेयर थी फॉलिकुलर सेल्स की, तो इसको फॉलिकुलर लेयर कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉलिकल सेल जो है वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट है, तो इस लेयर का नाम दिया गया फॉलिकुलर लेयर या तो फॉलिकुलर सेल। अब ये जो आपकी फॉलिकुलर सेल्स हैं इनके आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो सेल है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगा, तो आउटर साइड ये देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है। फिर थोड़ा सा और अगर आगे की तरफ आप कवरिंग की बात करेंगे तो कुछ स्ट्रोमल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी जो कि फाइब्रोब्लास्ट सेल जैसी दिख रही होगी आपको, लॉन्ग लॉन्ग, ये है स्ट्रोमल सेल। तो साथ ही साथ है कोलेजन फाइबर। तो ये अभी प्राइमोडियल फॉलिकल है जिसके पास केवल और केवल फॉलिकुलर सेल्स है और स्ट्रोमल सेल्स है। तो ये एज सच बहुत ज्यादा हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करेगी,
और ये अभी प्राइमरी ओसाइट्स को बस एक तरीके का प्रोटेक्शन दे रही है। अब क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हुआ सिंथेसाइज, जैसे ही हार्मोन सिंथेसाइज हुआ और ये सिक्रेट हुआ, सिक्रेट होने के बाद ये पहुंचा ओवरी के पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो क्या कहेगा, इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल्स को जगाएगा। ये जो हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल, इसको जगाएगा, इसको स्टिमुलेट करेगा कि भाई अब आप बढ़ ही होना या फिर डेवलप होना शुरू कीजिए। तो बस प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल्स लग जाएगी अपने काम पे और सबसे पहले ये बनाएगी आपकी प्राइमरी फॉलिकल, दैट इज कॉल्ड लेट प्राइमरी फॉलिकल या प्राइमोर्डियल से आपका बना प्राइमरी फॉलिकल। जब ये प्राइमरी फॉलिकल बनाता है तो सबसे पहले इसका काम होता है कि जो प्राइमरी ओसाइट है, इस प्राइमरी ओसाइट की ये जो आउटर लेयर है इसको थोड़ा सा थिक करना ये शुरू कर देती है, और सबसे पहले जब ये थिक करती है तो इस थिक लेयर को कहा जाता है जर्मा सेलुलोसिटा। तो जब आपका फॉलिकुलर मैच्योरेशन हो रहा होता है तो प्राइमरी ओसाइट में जो सबसे पहली लेयर डेवलप होती है वो है आपकी जर्मा सेलुलोसिटा। साथ ही साथ ये जो फॉलिकुलर सेल्स थी जो अभी सिंगल लेयर में थी, ये अब सेवरल लेयर में प्रेजेंट हो गई। तो ये देखिए, ये फॉलिकल सेल्स जो है इनने काफी सारा डिवीजन करा और इन्होंने अपनी काफी सारी लेयर बना ली, और जब ये सेवरल लेयर में थी तो इनको कह दिया गया ग्रैनुलोजा सेल। तो छोटी तो इनका नाम है फॉलिकुलर, लेकिन जब ये बड़ी हुई तो इनका नाम हो गया ग्रैनुलोजा सेल। तो सेवरल लेयर है तो ग्रैनुलोजा सेल्स हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आउटर साइड में जहां पर केवल और केवल स्ट्रोमल सेल्स थी, कोलेजन फाइबर थे, यहाँ पर एक दूसरे तरह की फॉलिकल दैट इज कॉल्ड फीका फॉलिकाइड, ये भी आपकी सिंथेसिस या फिर बनना शुरू हो जाती है। तो अगर आप प्राइमरी फॉलिकल्स की बात करें तो एक तो जर्मा पेल्यूसिडा, साथ ही साथ सेवरल लेयर ऑफ द फॉलिकुलर सेल दैट इज कॉल्ड ग्रैनुलोजा सेल्स, और इसके अलावा आपकी फीका फॉलिकुलाई पूरी की पूरी सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है। ठीक, अब इसके बाद प्राइमरी के बाद आएगी सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल आएगी तो आप थोड़ा सा और हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, चेंज ये होगा कि जर्मा पेल्यूसिडा तो बन ही चुका है और जर्मा पेल्यूसिडा के चारों तरफ कुछ और एक सेल अरेंज होने लगती है। ये जो जर्मा पेल्यूसिडा है इसके चारों तरफ कुछ और सेल भी अरेंज होने लगती हैं, जिससे एक दूसरी लेयर बनने लगती है। दूसरी लेयर का नाम है कोरोना रेडियाटा। तो दूसरी लेयर बन गई, साथ ही साथ जो आपकी ये सेल्स थी दैट इज कॉल्ड ग्रैनुलोजा सेल्स, यहाँ पर एक तरीके का ब्लैंक स्पेस छोड़ना शुरू कर देती है, जो एक कैविटी है दैट इज कॉल्ड एंट्रम। तो एंट्रम कैविटी का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है इन सेकेंडरी फॉलिकल। इसके साथ साथ जो थीका फॉलिकुलाई थी, अब वो दो तरीके की सेल बनाने लगी है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। तो थीका इंटरना मतलब कि ये जो आपका ग्रैनुलोजा सेल्स था बेसमेंट मेम्ब्रेन से जस्ट अटैच होंगी, अंदर की तरफ होंगी इंटरना, और जो सबसे बाहर लेयर है आपकी थीका की दैट इज कॉल्ड थीका एक्सटर्ना। तो प्राइमरी में केवल थीका फॉलिकुलाई था, लेकिन जैसे ही ये सेकेंडरी फॉलिकल बनी तो इनने थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना मतलब इनने एकदम सेपरेट लेयर बनाना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ आपकी ग्रैनुलोजा सेल्स तो होंगी ही होंगी। अब इसके बाद जब आप फाइनली मैच्योर फॉलिकल्स की तरफ आएंगे दैट इज कॉल्ड ग्रेफियन फॉलिकल, या आप इसको टर्शरी फॉलिकल भी कह सकते हैं, तो यहां पर पूरा का पूरा एक प्रोमिनेंट लेयर मिलेगा जर्मा पेल्यूसिडा का, जो कि सबसे पहले डेवलप हुआ। उसके बाद कुछ सेल की लेयर आपको दिख रही होगी, यहाँ पर देखिए एकदम फुल्ली डेवलप सेल लेयर, डबल सेल लेयर यहाँ पर होगी, जिसको कहा जाता है कोरोना रेडियाटा। तो ये भी आपकी पूरी डेवलप हो गई है, साथ ही साथ एक कैविटी जो कि अभी बनना शुरू हुई थी वो कैविटी भी यहाँ पूरा बन चुका है दैट इज कॉल्ड एंट्रम कैविटी, और यहाँ पर फॉलिकुलर फ्लूइड भरा हुआ होगा। एक चीज फिर आपकी जो सेल थी थीका फॉलिकुलाई दैट इज एक्सटर्ना इंटरना, ये भी आपकी प्रॉपर जो है यहाँ पर अरेंज हो गई है, और ग्रैनुलोजा सेल्स तो अंदर थी। ठीक,
तो ये आपका पूरा का पूरा बन चुका है मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, जिसने क्या किया है कि पूरा का पूरा जो आपका इनसाइट था उसको भी फुल्ली मैच्योर करा और अब ये रेडी है ओव्यूलेशन के लिए। एक चीज अब यहाँ पर मैं एक चीज और मेंशन कर दूं कि अगर आप शुरुआत का डायग्राम देखोगे प्राइमोडियल सेल ये भी लिए है प्राइमरी इनसाइट को, फिर इससे प्राइमरी फॉलिकल बना, इसके पास भी आपका क्या है प्राइमरी इनसाइट है, फिर इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बना, अगेन आपका जो इनसाइट है वो प्राइमरी इनसाइट ही होगा, फिर इसके बाद जब मैच्योर बना तो अभी भी इसके पास प्राइमरी इनसाइट ही है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ऊसाइट है वो प्राइमरी ही है, ऊसाइट जो है मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी ऊसाइट नहीं बना। कई बार बहुत से डायग्राम में इसको लिख दिया जाता है कि मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स के पास जो है वो सेकेंडरी ऊसाइट होता है, तो बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन सबसे पहले जो है जब आप बात करें इस पूरी की पूरी साइकिल की, क्योंकि ये जो ओवेरियन फॉलिकल मैच्योरेशन है और ऊजेनेसिस इनको साथ साथ चलने वाली साइकिल कहा जाता है, तो बिल्कुल ये साथ साथ चलने वाली साइकिल है। लेकिन सबसे पहले फॉलिकल का मैच्योरेशन होता है, ये पूरी प्राइमरी ऊसाइट को क्या करती रहती है तैयार करती रहती है, और जैसे ही इसका फुल्ली मैच्योरेशन होता है और ये आपकी प्राइमरी ऊसाइट भी डिवाइड होकर सेकेंडरी बना लेगी और अब आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेडी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अप टू सेकेंडरी फॉलिकल ये आपका प्राइमरी ऊसाइट ही रहता है, तो इसीलिए इस फेज को हम डेवलपिंग फेज कहते हैं ना कि डिवीजन फेज। ठीक, तो डिवीजन फेज कब आएगा, जब आपका प्राइमरी ऊंचाई डिवाइड होकर सेकेंडरी ऊंचाई का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपका क्या है मैच्योरेशन फेज है, जिसमें कहीं ना कहीं जो सेकेंड प्राइमरी ऊंचाई है उसको क्या किया जाता है प्रॉपर पहले मैच्योर किया जाएगा, ट्रीटमेंट दिया जाएगा और एक तरीके से ये पूरी की पूरी फॉलिकल से इसको भी मैच्योर किया जाएगा, क्योंकि आगे चल के कुछ हार्मोन की भी तो जरूरत है और वो जो हार्मोन का सिंथेसिस है यही जो सेल है आपकी ग्रेन्यूलोसा सेल्स का एक्सटर्नल की का इंटरनल यही सीक्रेट होंगे, तो सबसे पहले इसको बनाया जाएगा। तो फॉलिकल मैच्योरेशन काइंड ऑफ प्रिपरेशन होता है जो ओव्यूलेशन के पहले होता है। तो क्या थोड़ी सी बात समझ में आई जो कहने की कोशिश कर रही हूँ, आगे चल के ओजेनेसिस पढ़ाने के बाद मैं इन सारी चीजों को एक बार कंबाइंड कर दूंगी समरी के फॉर्म में, तो आपको ये सारा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हमने ऊजेनेसिस भी पढ़ा है, अभी बस मैंने आपको बताया है कि कैसे जो ये ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, ये जो आपकी ऊसाइट के चारों तरफ सेल प्रेजेंट है इनमें कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है, कैसे ये मैच्योरेशन की तरफ जाती है एक चीज। दूसरी चीज आपको जो इसमें याद रखनी है, तो इसका जो मेन हीरो है दैट इज फॉलिकुलर सेल। तो यहाँ पर केवल और केवल आपकी फॉलिकुलर सेल्स ही होती है, बस उनकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी में फर्क होता है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर सिंगल लेयर था तो ये क्या था आपका फॉलिकुलर सेल्स, फिर जब ये सेकेंडरी बना मतलब सेवरल बना तो ये बन गया आपका ग्रेन्यूलोसा सेल्स, यहीं पर जो आपकी थीका फॉलिकुलरिटी दैट इज अगेन फॉलिकुलर सेल्स, इन्होंने ही थीका एक्सटर्ना और इंटरना का फॉर्मेशन करा। तो अगर आप इनका ओरिजिन देखें तो सेम ही है, सारी की सारी पहले फॉलिकुलर सेल्स थी, धीरे धीरे जैसे मैच्योरेशन हुआ तो इनका शेप वगैरह स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो उस बेसिस पे इनका अलग अलग नाम रख दिया गया है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। तो हमने किया क्या है, ओबरी को सबसे पहले पिकअप करा था, ओबरी में जो ओबेरियन फॉलिकल्स था उसको हमने शुरू से लेके मैच्योर कर दिया। अब जैसे ही हमने मैच्योर करा तो इसको जरा एक वेदनी कैप्सूल से आप समझ सकते हैं, और यहीं पर जो है पूरा का पूरा समराइज है, और इसी प्रोसीजर को कहा जाता है फॉलिकुलोजेनेसिस। तो ओवेरियन मैच्योरेशन या ओवेरियन फॉलिकल मैच्योरेशन या फिर फॉलिकुलोजेनेसिस ये दोनों सेम ही होता है, तो ओजेनेसिस अलग है फॉलिकुलोजेनेसिस अलग है। तो अगर फॉलिकल स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले क्या आया था, प्राइमोडियल फॉलिकल्स आया था। प्राइमोडियल फॉलिकल्स अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट होता है, जिनके पास क्या होता है इमैच्योर एग या फिर ऊसाइट या प्राइमरी ऊसाइट होता है, ये चारों तरफ से जिस सेल से घिरा हुआ होता है उसको कहा जाता है फॉलिकुलर सेल। और अगर आप इसकी विजिबिलिटी देखें इन द अल्ट्रासाउंड माइक्रोस्कोपी तो ये दिखाई नहीं देती है,
फिर इसके बाद ये बनाएगा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ग्रेन्यूलोसा सेल्स आ जाएंगे क्योंकि सेवरल लेयर मल्टीपल लेयर यहाँ पे होगा। तो साथ ही साथ प्राइमरी फॉलिकल में फॉर्मेशन शुरू हो जाता है एंट्रम कैविटी का, जो कि दिखाई नहीं देता लेकिन जो इनिशिएशन है वो शुरू हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ लिखा है फॉर्मेशन ऑफ द एंट्रम दैट इज कॉल्ड फॉलिकुलर फ्लूइड कैविटी। ये स्ट्रक्चर अगेन कैसा होता है, स्मॉल होता है, और अगर आप इसे अल्ट्रासाउंड माइक्रोस्कोपी के थ्रू विजुअल करें तो ये नहीं दिखेगा। अब आएगा सेकेंडरी फॉलिकल जिसे एंट्रल फॉलिकल भी कहा जाता है, क्योंकि सेकेंडरी फॉलिकल में आपका जो एंट्रम है वो एक्सपेंड हो जाता है और नजर आना शुरू हो जाता है। इसीलिए प्राइमरी फॉलिकल में हमने एंट्रम का कोई डायग्राम नहीं दिखाया था, लेकिन सेकेंडरी में जो एंट्रम है वो क्या हो गया था, एक्सपेंड हो गया था और उसका स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो गया था। तो एंट्रम क्या है, इस तरीके का कैविटी है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होगा और साथ ही साथ सेल कौन सी होंगी, ग्रैनुलोसा सेल्स होंगी जो कॉन्टिन्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है और फिर से कुछ सेवरल लेयर बना रही है। ये विजुअल होता है लेकिन बहुत स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर होता है ऑन द अल्ट्रासाउंड। फिर हम बात करेंगे टर्शरी फॉलिकल की, जिसे ग्रेफियन फॉलिकल या फिर मैच्योर फॉलिकल्स भी कहा जाता है। ये प्रोमिनेंटली फॉलिकल होती है जो एकदम मैच्योर होती है फॉर द ओविलेशन, और एंट्रम यहाँ पर लार्ज हो जाता है और ऊसाइट इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये लार्जर होती है 1 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ या डायमीटर होता है, जो कि फुल्ली ऑब्जर्व होती है अल्ट्रासाउंड के दौरान। और जैसे ही फिर ओविलेशन होगा तो फॉलिकल रेप्चर हो जाएगी। रेप्चर होने के बाद मैच्योर एग जो है वो रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होने के बाद अब अगर आप इस रेप्चर फॉलिकल को देखेंगे तो अगेन रेप्चर हो गई तो वो जो डायमीटर है 1 सेंटीमीटर से कम हो गया। तो फिर से अगर आप इसको फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये अगेन आपके अल्ट्रासाउंड माइक्रोस्कोपी में नहीं दिखेगा। तो दिखता कौन सा है, इनिशियली डॉट लाइक स्ट्रक्चर सेकेंडरी फॉलिकल और उसके बाद आपका टर्शियरी या मैच्योर फॉलिकल। तो ये पूरी की पूरी आपकी फॉलिकल स्टेजेस है और उसके साथ साथ उनके क्या कैरेक्टर्स है वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं। अब अगेन ये रिविजन फॉर्म में आपके पास फिर से एक डायग्राम है। इस डायग्राम में ज्यादा चीजें नहीं लिखी गई है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, लेकिन मैंने इसको इसलिए डाला है जिससे कोई भी अगर डाउट हो तो वो आपके माइंड से क्लियर हो जाए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, पूरा का पूरा ऊसाइट होगा और उसके अंदर प्रेजेंट होगा ऊसाइट का न्यूक्लियस। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल अभी एक ही लेयर प्रेजेंट है, और इस सिंगल लेयर को क्या कहा जाता है, सिंगल लेयर को कहा था फॉलिकुलर सेल। यहाँ पर लिखा है ग्रेन्यूलोसा सेल, मैं बताती हूँ क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए ये सारी की सारी आपकी फॉलिकुलर सेल ही है। अगर आप इनका नेचर देखें तो ये आपकी फॉलिकुलर सेल्स हैं। जब ये मल्टीपल लेयर में है तो उनको ग्रेन्यूलोसा सेल्स कहा, जब सिंगल लेयर में है तो ये फॉलिकुलर सेल्स हैं। तो अगर यहाँ ग्रेन्यूलोसा सेल्स भी लिखा है तो आप इसको कह सकते हैं सिंगल लेयर ग्रेन्यूलोसा सेल। आगे चल के जब ये डिवाइड करेंगी तो ये बनाएंगी मल्टीपल लेयर ऑफ द ग्रेन्यूलोसा सेल। तो चाहे आपका फॉलिकुलर सेल लिखा हो चाहे ग्रेन्यूलोसा सेल लिखा हो, सिमिलर चीज है, बस वो थोड़ा एडवांस तौर पे बता दिया कि अगर सिंगल लेयर है तो सिंगल लेयर ग्रेन्यूलोसा नहीं लिखा है और फॉलिकुलर सेल लिखा है, तो वो आपका ठीक है। फिर इसके बाद प्राइमोडियल फॉलिकल से बना प्राइमरी फॉलिकल। जब ये प्राइमरी फॉलिकल बनता है तो यहाँ पर क्या आ जाएंगी, आपकी मल्टी लेयर्ड ग्रेन्यूलोसा सेल्स आ जाएंगी। ये ऊसाइट है, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, तो सबसे पहले यहाँ डेवलप होना हो जाएगा शुरू जोना पेलुसिड। फिर अगर आप थोड़ा सेकेंडरी फॉलिकल्स की तरफ आएंगे तो यहाँ पर क्या शुरू हो जाएगा, कीका सेल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ जोना पेलुसिडा को है और सेकेंडरी टाइम में आपकी जो सेकेंड लेयर थी कोरोना रेडिया का, ये भी जो है वो आपका लेयर बनाना शुरू कर देती है। जब हम टर्शरी फॉलिकल की बात करें जो कि मैच्योर फॉलिकल होता है, यहाँ पर एंट्रम कैविटी दिख रही है और साथ ही साथ थीका सेल भी एक्सटर्ना और इंटरना फॉर्म में आ जाती है, ग्रेन्यूलोसा सेल है ही, तो साथ ही साथ आपका पूरा जो इनसाइट है वो मैच्योर होकर उसमें दोनों लेयर पेलुसिडा और जो कोरोना रेडियाटा है दोनों यहाँ पर होती है। फिर इसके बाद क्या होगा, ओवुलेशन होगा, जो रेप्चर होगा और फाइनली फॉर्मेशन होता है।
तो ये आपका फॉलिकल मैच्योरेशन की डिफरेंट फेजेस है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऊजेनेसिस के बारे में। तो यहाँ पर कंबाइंडली सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ऊजेनेसिस एंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट, क्योंकि ये जो आपका हो रहा है पूरा का पूरा ऊजेनेसिस और फॉलिकुलर डेवलपमेंट, तो ऐसा नहीं है कि ये आप ये कह सकते हैं कि दो अलग अलग फिनोमिना है, लेकिन ये काइंड ऑफ ओवरी में ही चल रहे हैं और साथ ही साथ इनसाइड के चारों तरफ ही आपका जो फॉलिकल है पहले मैच्योर होगा, तो जब वो मैच्योर हो जाता है तो फिर आपका ऊजेनेसिस शुरू होता है। तो ये साथ साथ में ही चल रहे होते हैं। इवन ऊजेनेसिस की बहुत सी ऐसी इवेंट्स है जो आपके फॉलिकल डेवलपमेंट के दौरान ही चल रही है, इसीलिए इस प्रोसीजर को जो है हम साथ साथ में पढ़ते हैं, दैट इज ऊजेनेसिस एंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट। तो अभी तो मैंने आपको डेवलपमेंट बता दिया, अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते कि ऊजेनेसिस क्या है। तो ऊजेनेसिस बेसिकली रिफर करता है फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट, दैट इज एग, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन को दिखाता है। फिर इसके बाद अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो प्यूबर्टी के दौरान एकदम पीक पे होता है, जैसे प्यूबर्टी क्रॉस होती है। लेकिन अगर आप ऊजेनेसिस की बात करें तो ऊजेनेसिस शुरू हो जाता है बिफोर द बर्थ ऑफ फीमेल, जब एक बच्ची जो एक फीमेल है वो जन्म नहीं लेती, उसके पहले ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही ऊजेनेसिस शुरू हो जाती है, बस उसको अरेस्ट कर दिया जाता है। ठीक, तो ऊजेनेसिस बहुत पहले से शुरू हो जाती है, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही ये शुरू हो जाती है। तो अगर हम बात कर ले अर्ली फीटल डेवलपमेंट की, तो ये जो आपकी प्राइमोडियल जर्म सेल्स है ये माइग्रेट हो जाती है कहां से, फ्रॉम द योक सेल, और ये आ जाती है ओवरी में। मतलब ये जब डेवलपमेंट हो रहा होता है बेबी का, तो जैसे ये बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो भाई अगर क्रोमोसोम जो है वो एक्स एक्स मिले हुए हैं तो क्या होगा कि फीमेल का डेवलपमेंट होना है तो एक्स के पास कुछ वैसे जीन होंगे जो ओवरी का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये पूरा जब ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ तो जैसे ही ओवरी बना तो ये फटाफट जो है प्राइमोडियल सेल्स आपकी योक सेल से निकल के सबसे पहले पहुंच जाएंगी ओवरी में। अब जब ये ओवरी की तो ये डिफरेंशिएट होना शुरू कर देती है इनटू द ओगोनिया जो कहलाती है स्टेम सेल, और ये जो ओगोनिया है अभी डिप्लॉइड रहेगी, माइटोटिकली प्रोड्यूस करेगी मिलियन ऑफ जर्म सेल्स। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये जो ओगोनिया है ये आपके फीटल डेवलपमेंट में ही बन जाती है और साथ ही साथ ये माइटोटिकली मिलियन ऑफ जर्म सेल्स, मतलब की ओगोनिया नॉट ओसाइट, ओगोनिया का फॉर्मेशन करना शुरू कर देती है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइमोडियल फॉलिकल की, तो जो मोस्ट ऑफ द जर्म सेल्स है, मोस्ट ऑफ द जो प्राइमोडियल फॉलिकल मतलब जर्म सेल्स है, ये डीजेनरेट हो जाती है, जिन्हें कहा जाता है एथीसिया, बट सम बन जाती है, मतलब कुछ सेल जो है वो प्रोड्यूस कर देती है या बिकम प्राइमरी ओसाइट। तो ये आपकी जो जर्म सेल्स है दैट इज ओगोनिया, भले ये मिलियंस ऑफ मिलियन में बनी हुई है लेकिन ये पूरी क्या, ये पूरी की पूरी डीजेनरेट हो जाएंगी और कुछ ही सेल जो है वो प्राइमरी ओसाइट का फॉर्मेशन करती है। अब ये जो प्राइमरी ओसाइट है इसको अरेस्ट कर दिया जाएगा प्रोफेज में, क्योंकि होगा क्या, माइटोसिस डिविजन हुआ, माइटोसिस के बाद मियोसिस वन होगा, जब जैसे ही आपका मियोसिस वन होगा तो मियोसिस वन में जो प्रोफेज वन होता है वहां पर इसको अरेस्ट कर दिया जाता है। तो ये जो पूरी कहानी है ये कहां की है, फीटल डेवलपमेंट, जो फीटस का डेवलपमेंट हुआ है तब की है, मतलब जब कोई लड़की अपनी माँ के बेसिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब फीमेल कंसीव करती है और जब फीटस डेवलपमेंट होता है तब जाके आपका पूरा का पूरा ये सिनेरियो भी चल रहा होता है, दैट इज ओगोनिया से प्राइमरी ओसाइट। और प्राइमरी ओसाइट बन गई है और प्राइमरी ओसाइट जब आगे चल के आपका मियोसिस करेगी तो प्रोफेज वन में इसको अरेस्ट कर दिया जाएगा ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, और ये तब तक अरेस्टेड रहेगी, तब तक पॉज रहेगी जब तक की प्यूबर्टी नहीं आती। तो होगा क्या, हर एक प्राइमरी ओसाइट यहाँ पर सिंगल लेयर ऑफ द फॉलिकुलर सेल से, मतलब प्राइमोडियल सेल यहाँ पर बना हुआ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्यूबर्टी के पहले जब फीटल डेवलपमेंट हो रहा था, जब फीटस का पूरा डेवलपमेंट हुआ था,
तब जाके जो आपकी ऊसाइट बनी थी वो थी प्राइमरी ऊसाइट, और साथ ही साथ जो फॉलिकल थी वो थी आपकी प्राइमोडियल फॉलिकल, जिसके पास केवल एक ही लेयर थी, दैट इज कॉल्ड फॉलिकुलर सेल्स। तो मैं आपको एक बार फिर से वो डायग्राम दिखाना चाहूंगी, ये वाला डायग्राम। तो ये जो आपका प्राइमोडियल फॉलिकल और ये जो प्राइमरी ऊसाइट है, ऐसा स्ट्रक्चर अरेस्टेड हो जाता है फीटल डेवलपमेंट के अंदर। जब पूरा का पूरा फीटस या फीमेल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तब जाके ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आपका अरेस्ट हो जाएगा। अब हर एक मंथ जैसे ही प्यूबर्टी शुरू होगी, तो जैसे ही प्यूबर्टी के बाद हर एक मंथ ये स्ट्रक्चर जो है ओवरी रिलीज करेगी। ओवरी जो है इस पूरे पूरे स्ट्रक्चर को पहले क्या करेगी, मैच्योर करेगी, मतलब प्राइमोडियल से प्राइमरी बनेगा, फिर आपका बनेगा सेकेंडरी, सेकेंडरी से फिर टर्शियरी, फिर उसके बाद हो जाएगा ओव्यूलेशन। तो ये स्ट्रक्चर पूरा बना के रख दिया जाता है फीटल डेवलपमेंट के दौरान ही, और बाकी का जो आपका टाइम ड्यूरेशन होता है प्यूबर्टी तक का, उस समय ये एज इट इज बनी रहती है ऐसी ही। ठीक, तो वही बात यहां पर कही गई है कि आपका ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो है उसके साथ प्राइमरी ऊसाइट को एकदम सजा के रख दिया गया है। अब जैसे ही प्यूबर्टी क्रॉस करेगी कोई फीमेल, तब जाके हम जो है इसका पूरा डेवलपमेंट एक महीने में एक का डेवलपमेंट करते जाएंगे, और करते जाने के बाद इसका रिलीज होगा। अब ओवेरियन कॉर्टेक्स की अगर आप बात करें, तो ओवेरियन कॉर्टेक्स जो है ये जो आपकी प्राइमोडियल फॉलिकल्स होती है जिनमें कोलेजन फाइबर होता है, स्ट्रोमा सेल्स होती है, कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट होंगी। तो एट बर्थ जब एक लड़की जन्म लेती है, तब उसके पास कितनी प्राइमरी ऊसाइट्स होती है, या फिर ये जो आप उनको प्राइमोडियल फॉलिकल्स कह दीजिए, क्योंकि प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी ऊसाइट प्रेजेंट है। तो जब एक लड़की जन्म लेती है, तो एट द बर्थ हर एक ओवरी के पास, ईच ओवरी, हर एक ओवरी के पास 2 लाख से लेकर 20 लाख तक प्राइमरी ऊसाइट प्रेजेंट होती है। लेकिन ये जन्म के दौरान की बात है। अब प्यूबर्टी में आते आते, जैसे ही प्यूबर्टी आते आते ये पूरा का पूरा रीजनरेशन हो जाता है, डीजनरेशन होगा, और केवल और केवल 40,000 जो है प्राइमरी ऊसाइट या प्राइमोडियल फॉलिकल्स बचती है। बाकी जो है वो सारी कैसी हो जाएंगी, बर्थ के बाद डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो जो आपकी सबसे अच्छी, जिन्होंने इस 9-10 साल या 11-12 साल में सर्वाइव करा है, वो जो बेस्ट 40,000 हैं, उनको ले लिया जाएगा। तो प्यूबर्टी जैसे जैसे आएगी, तो केवल और केवल कितनी 40,000 बची हुई रहती हैं, जिनमें से केवल और केवल 400 ही मैच्योर होंगी और ओव्यूलेट होंगी। मतलब बहुत सी ऐसी होती है तो मैच्योरेशन के दौरान ही उनका डीजेनरेशन हो जाता है, या कोई एबनॉर्मेलिटीज होगी तो उनको निकाल दिया जाएगा। केवल और केवल इस 40,000 में से भी 400 मैच्योर होती हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर 40,000 प्यूबर्टी में हैं, तो हर एक मंथ भले ही एक फीमेल केवल एक ही जो ओवम है या सेकेंडरी ऊसाइट उसको ओव्यूलेट करती है, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, तो ओवरी में कम से कम 8 से 10 ओवम, इससे ज्यादा इससे कम जो है वो एक साथ पूरा का पूरा मैच्योर हो रहे हैं। उनमें से जो बेस्ट एक रहेगा उसको उस एक मंथ में रिलीज कर दिया जाएगा। इस तरीके से अगर आप इनको पूरा कैलकुलेट करें 400 को, तो ये कितने ईयर तक चलेंगी, 30 से 40 ईयर तक ये आपकी चलेंगी। तो ये पूरा का पूरा आपका कैलकुलेशन होता है। सबसे पहले अगर आप फीटल डेवलपमेंट की बात करें, तो कितना बना था, मिलियन ऑफ जर्म सेल्स बनी थी। लेकिन उसके बाद अगर आप बात करें प्राइमोडियल सेल्स की, तो ये पूरा का पूरा आपका कितना था, बर्थ के टाइम बची हुई थी 2 लाख से लेकर 20 लाख तक। फिर इसके बाद जैसे ही प्यूबर्टी आई, तो ये और कम हो गई, दैट इज 40,000। और अब इसके बाद जैसे जैसे पूरा डेवलपमेंट होगा, तो केवल और केवल मैच्योर होंगी कितनी, 400। और जैसे ही ये 400 खत्म होगी, तो मेनोपॉज हो जाता है। ठीक, तो केवल और केवल 400 जो है वो एक्टिव सेकेंडरी ऊसाइट बनती है। रेंज कम ज्यादा हो सकता है, ये एक स्टैंडर्ड रेंज है। चलिए
तो ये बात समझ में आई? ये अगर समझ में आई तो अच्छी बात है। तो अब कितनी बची है? 400 बची है। अब हम जरा मंथली डेवलपमेंट देखेंगे। अब होगा क्या कि अब ये 400 हमारे मतलब है तो अभी 40,000, लेकिन ये 40,000 नहीं मैच्योर होने वाली है। ये मैच्योर होंगी, हो सकता है कुछ रेप्चर हो जाए इनिशियली, कुछ हो जाए, तो केवल और केवल 4,000 आगे चल के काम करेंगी, ये ऐसा सोचा है। तो मंथली डेवलपमेंट होगा तो सबसे पहले गोनेडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन जैसे FSH, FSH और LH एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होगा, स्टिमुलेट करेगा उस प्राइमोर्डियल फॉलिकल को जो कि फीटल डेवलपमेंट के टाइम अरेस्टेड आपने कर दी थी, वो अब क्या करेगी, उसका स्टिमुलेशन शुरू होगा। कब शुरू होगा? जब ये FSH और LH ओवरी तक पहुंचेगा। तो सबसे पहले इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल को प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट किया गया, और प्राइमरी फॉलिकल जैसी ही आपकी बनी तो इसके अंदर क्या है, आपकी प्राइमरी ओसाइट है, और प्राइमरी फॉलिकल है मतलब कि यहाँ पर जो है आपकी एक लेयर होगी, लेयर किसकी होगी, ग्रेन्युलोसा सेल की होगी। साथ ही साथ प्राइमरी में आपका फॉर्मेशन होना शुरू हो गया जोना पेल्यूसिडा का, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है, और ये प्रेजेंट कहाँ होगी, बिटवीन द ऊसाइट एंड ग्रेन्युलोसा सेल। फिर बनेगा आपका सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल जैसे जैसे मैच्योरेशन होगा तो प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज लिखी है कि जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगी, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ स्टेटमेंट है। ऑल्दो मैंने मेंशन इसको इसलिए कहा करा है क्योंकि बहुत सी बुक्स में ऐसा लिखा रहता है, तो अगर ऐसा लिखा हुआ भी आए तो आपको बहुत कंफ्यूज नहीं होना है कि टर्शरी जो है वहां पर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। अगर लिखा है कि भाई सेकेंडरी जो है यहाँ पर प्राइमरी नहीं, ये सेकेंडरी, ये ठीक है, एक्चुअली सेकेंडरी इनसाइट अगर यहाँ होता तो इस चीज को करना था। चलिए तो ये अभी सही है, आगे चल के आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो सेकेंडरी फॉलिकल मतलब मैच्यूरेशन कंप्लीट हुआ है और फॉर्मेशन हो रहा है सेकेंडरी फॉलिकल का, और यहाँ पर थीटा सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएंगी एक्सटर्ना में और इंटरना में, और ये जो आपकी थीटा इंटरना है ये क्या होगी, सिक्रेट करेगी एस्ट्रोजन को, एक्सटर्ना नहीं इंटरना जो है वो सिक्रेट करती है एस्ट्रोजन को, और ग्रेन्युलोसा सेल जो है वो सिक्रेट करेंगी फॉलिकुलर फ्लूइड को जो कि एंट्रम कैविटी में आगे भरा जाएगा। इनर मोस्ट लेयर जो है ग्रेन्युलोसा की वो फॉर्म करने लगती है एक अगेन लेयर जिसको कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा एक अलग से कोई लेयर नहीं है, यही ग्रेन्युलोसा सेल जोना पेल्यूसिडा के ऊपर की तरफ अरेंज होने लगती है और बना लेती है एक लेयर कोरोना रेडिएटा। जो कौन सी सेल है, बेसिकली आपकी ग्रेन्युलोसा सेल है, इनर मोस्ट ग्रेन्युलोसा सेल। फिर जब आप मैच्योर की बात करें तो ये सेकेंडरी फॉलिकल आप क्या होगा, साइज में बड़ी होगी और टर्शियरी फॉलिकल मैच्योर ग्रेसियन फॉलिकल बना लेगी। अब होगा क्या, जस्ट बिफोर द ओबुलेशन ये जो डिप्लॉइड प्राइमरी ओसाइट है अब ये जाएगी आपकी ऊजेनेसिस में और कंप्लीट करेगी सबसे पहले मियोसिस वन के लिए। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहां तक जब हमने देखा ये पूरा का पूरा प्राइमरी मंथली डेवलपमेंट FSH वगैरह इनमें फॉलिकल को स्टिमुलेट करा, उनका डेवलपमेंट करा, सेकेंडरी बनाया, तो यहाँ तक पूरा का पूरा क्या था, प्राइमरी ओसाइट ही था, और प्राइमरी ओसाइट अब तैयार है सेकेंडरी में कन्वर्ट होने के लिए। तो जब ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल पहले बन जाएगा उसके बाद जो आपका सेकेंडरी फॉलिकल एनलार्ज होकर मैच्योर बनाया, और अब जो आपका इनिशिएशन में फीटल डेवलपमेंट के दौरान प्राइमरी ओसाइट जो कि डिप्लॉइड था वो अरेस्ट हो गया था मियोसिस वन की प्रोफेज वन में, अब वो कंप्लीट करेगा मियोसिस वन को सबसे पहले। अब जैसे ही ये मियोसिस वन को सबसे पहले कंप्लीट करेगा तो मियोसिस है वन है तो हैप्लॉइड हो जाएगा। हैप्लॉइड क्यों हो जाएगा, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, तो ये बना लेगा आपका हैप्लॉइड सेल्स और एक बन जाएगी आपकी पहली पोलार बॉडी। अब ये जो पोलार बॉडी है क्या ये आपकी सेल नहीं होती, तो ये बिल्कुल सेल होती है लेकिन स्मॉलर सेल होती है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप डेवलपमेंट की बात करें तो मेल से केवल और केवल एक स्पर्म मिलेगा, और स्पर्म से भी क्या मिलेगा, स्पर्म से भी मिलना है न्यूक्लियस,
लेकिन जब हम फीमेल की बात करें तो फीमेल न्यूक्लियस को तो कंट्रीब्यूट करती ही करती है, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म को भी इसको कंट्रीब्यूट करना है। तो जब साइटोप्लाज्म को भी कंट्रीब्यूट करना है तो इसको एक ऐसी सेल बनानी पड़ेगी जो कि लार्जेस्ट सेल हो, जिसके पास साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी ज्यादा हो, जिससे प्रॉपर जो है वो फंक्शनल रहे, जो आपका जाइगोट बनेगा। इसीलिए यहाँ पर जब डिवीजन होगा तो वो एक तरीके का सेल के केस में अनइक्वल डिवीजन होता है, कि एक सेल बड़ी सेल बनाती है और दूसरी सेल बनाती स्मॉलेस्ट सेल। तो यही स्मॉलेस्ट सेल कहलाती है फर्स्ट पोलर बॉडी, जिसके पास डिस्कार्डेड न्यूक्लियर मटेरियल होगा। तो न्यूक्लियर मटेरियल होगा लेकिन साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, वजह से इसकी साइज बहुत छोटी हो जाती है, और इसका नाम जो है ऊसाइट में रख के रखा गया पोलर बॉडी। फिर इसके बाद लार्ज जो है वो बनाएगी आपकी सेकेंडरी ऊसाइट, जो रिसीव करती है मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म को। फिर क्या होगा, ओविलेशन होगा, तो मैच्योर फॉलिकल रप्चर हो जाएगी, सेकेंडरी ऊसाइट हो जाती है रिलीज। जब सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज हो जाएगी तो इसके साथ साथ अलोंग विद द फर्स्ट पोलर बॉडी एंड कोरोना रेडिएटा, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, एक्सपेल्ड हो जाएंगे और आ जाएंगे पेल्विक कैविटी, मतलब कि जो आपका फेलोपियन ट्यूब है वहां से आ जाएंगे। अब फर्टिलाइजेशन अगर हुआ तो ये सेकेंडरी ऊसाइट जो है वो आपकी आगे चल के कुछ स्ट्रक्चर बनाएगी, अगर नहीं हुआ तो ये डिजेनरेशन हो जाएगी। तो सेकेंडरी ऊसाइट ओव्यूलेशन के थ्रू बाहर तो आई लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये हो जाएगा डिजेनरेशन। और वहीं पर अगर स्पर्म जो है वो प्रेजेंट है यूटराइन के ट्यूब में तो सेकेंडरी ऊसाइट क्या होगी, फ्यूज हो जाएगी और फर्टिलाइज होने के बाद मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट करेगी, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल मियोसिस वन हुआ था। सेल एंटर तो हो गई थी मियोसिस सेकेंड में लेकिन अगेन उसको अरेस्ट कर दिया जाता है सेकेंडरी ऊसाइट के दौरान। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो मियोसिस सेकेंड को रिज्यूम किया जाएगा, अगर नहीं हुआ तो मियोसिस सेकेंड नहीं परफॉर्म की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया तो मियोसिस सेकेंड ही शुरू हो गई, और शुरू होने के बाद सेकेंडरी ऊसाइट जो है वो स्प्लिट हो जाएगी इंटू टू हैप्लॉइड सेल। एक लार्जर होगा जिसे कहा जाता है ओवम, दैट इज मैच्योर एग, और फिर इसके बाद बनती है सेकेंड पोलर बॉडी। न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म सेल एंड ओवा में जो न्यूक्लियाई है वो यूनाइटेड होंगे और फाइनली डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर आप कंपैरिजन देखें स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस का, तो इन केस ऑफ फीमेल जो प्राइमरी ओसाइट है वो एक सिंगल गैमीट, मतलब ओवम, अगर आप गैमीट की बात करें तो तीन तो आपकी पोलर बॉडी बन गई, केवल एक ही आपको ओवम यहाँ मिला है। और जबकि अगर आप मेल की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान फोर फंक्शनल स्पर्म या फोर फंक्शनल गैमीट यहाँ मिलते हैं। तो ये अभी आपका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था जिसमें हमने कंबाइंड बात कर ली है किस किस की, फॉलिकोजेनेसिस और साथ ही साथ ओवोजेनेसिस की। फोर हंड्रेड जो है वो प्रॉपर मैच्योर होंगी स्टार्टिंग में, जरा देखिए पहले सबसे पहले बनती है आपकी 2 लाख से 20 लाख जो कि प्राइमरी ऊसाइट है, लेकिन जैसे ही जन्म होगा, मतलब ये बर्थ के दौरान बनी हुई है 2 लाख से 20 लाख, फिर जैसे बर्थ के दौरान 10-12 साल में आपकी डीजेनरेट कर जाएंगी और केवल बचती है 40,000। ये जो 40,000 है ये प्यूबर्टी तक बची हुई है। अब लेकिन 40,000 में से 40,000 तो मैच्योर करेंगी नहीं, क्योंकि भाई अगर 40,000 मैच्योर करती है मतलब कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर फिर ओव्यूलेशन होना चाहिए। तो इन सब का मैच्योरेशन होगा लेकिन ये बीच मैच्योरेशन में ही कोई डैमेज हो जाएगा, कोई रक्चर हो जाएगा। तो अगर आप एक वैल्यू देखें तो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरे लाइफ टाइम में केवल और केवल 400 ही मैच्योर होती है, और यहाँ पर 40,000 या 4,000 नहीं, क्योंकि 4,000 बहुत कम नंबर होता है। और ड्यूरिंग मैच्योरेशन बहुत सी जो ऊसाइट्स होती हैं वो डिग्रेड करती हैं। अगर 4,000 हुआ मतलब बहुत कम है, तो उस हिसाब से तो एक फीमेल को एक महीने की जगह 2 या 4 महीने में केवल एक ओवम देना चाहिए। लेकिन एक फीमेल जो है वो एक मंथ में एक ओवम को रिलीज करती है,
का मतलब ये है यहाँ पर 40,000 ही होता है। अगर आप रेशियो खुद से भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो यहां तक आपको क्या थोड़ा कोरिलेशन समझ में आया है? चलिए तो अब अगर हम बात करें पूजना से, थोड़ा सा आप जान लेते हैं क्योंकि अभी जो ओवरव्यू है वो सारा आपने देख लिया, साथ ही साथ कैसे चल रहा है और ऊजेनेसिस आपने पहले ही पढ़ा है उसी को आपके लिए ये रिवीजन होगा। और हम पढ़ लेते हैं ऊजेनेसिस के काफी सारे नाम है, ऊजेनेसिस कर दीजिए या फिर आप ओवुलेशन कह दीजिए या ओवेरियन साइकिल कह लीजिए, ये तीनों के तीनों आपके क्या एक ही टर्म होते हैं। अब इसके बाद अगर आप बात करें फॉलिकुलर फेज की, ओवुलेशन फेज की एंड ल्यूटियल फेज की, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, कनेक्टिव फिनोमिना है जिसको कहा जाता है ओवेरियन साइकिल। क्योंकि ये जो साइकिल है ये ओवरी के अंदर चल रही है, तो ये जो ओवरी के अंदर चलने वाली साइकिल है ओवेरियन साइकिल, जिसमें दो फिनोमिना हो रहे हैं, एक तो मैच्यूरेशन का दैट इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज और साथ ही साथ ओवुलेशन इसकी दूसरी फेज है जिसमें रैप्चर हो रहा है, और थर्ड फेज है ल्यूटियल फेज जहां पर कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होना है। तो इसी कलेक्टिवली दोनों फिनोमिना को कहा जाता है ओवेरियन साइकिल। ऊजेनेसिस भी आप कह सकते हैं, लेकिन ऊजेनेसिस अगेन वो मल्टीप्लीकेशन वाला फिनोमिना है, जो आपका ओवेरियन साइकिल है वो बेस्ट टर्म है जो इन दोनों फिनोमिना को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके बाद अगर आपके पास ये पूरा ओवरी है तो वो ही चीज है जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, प्राइमरी फॉलिकल, उससे पहले प्राइमोडियल फॉलिकल होगा, फिर ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल, ये पूरे डेवलप हो गए, फिर सेकेंडरी ओसाइट्स बनता है, सेकेंडरी ओसाइट के बाद ये क्या होगा, रैप्चर होगा, रिलीज हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम बनेगा, और कार्पस ल्यूटियम जो है प्रेगनेंसी के दौरान मेंटेन रहेगा, और प्रेगनेंसी अचीव नहीं हुई तो इनमें डीजनरेशन हो जाएगा, व्हाइट बॉडी बनती है जिसको कहा जाता है कार्पस एब्लिकेंस, और यही कार्पस एब्लिकेंस जो है किसी भी हॉर्मोन का सीक्रेशन नहीं करेगा। तो अगर हम ऊजेनेसिस की बात करें तो क्या होता है भाई, स्टार्टिंग में ये डिप्लॉइड होता है, टूएन होता है, और बाद में जैसे ही कंप्लीट होता है ऊजेनेसिस तो जो आपको प्रोडक्ट मिलता है मतलब सेकेंडरी ओसाइट जो रहेगा बिफोर द फर्टिलाइजेशन, ये हैप्लॉइड सेल बनाता है जिसके पास 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो जरा अगर आप इस ऊजेनेसिस को देखें तो सबसे पहले क्या है, ऊगोनिया है, और ये जो ऊगोनिया है ये माइटोटिकली डिवाइड होंगी और काफी सारी ऊगोनिया बनाती है। ऊगोनिया क्या होगा, आपकी ऊगोनियम जो है सबसे पहले ऊगोनिया होगा, फिर उसके बाद ऊगोनियम और ये माइटोटिकली डिवाइड होके प्राइमरी ओसाइट बनाएंगे। ठीक, तो ये इसमें क्या हो गया, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने के बाद ये आपकी प्राइमरी ओसाइट बन गई। लेकिन ये जो प्राइमरी ओसाइट है ये बन के कहां पे, फीटस डेवलपमेंट के टाइम ही ये बन चुकी है, तो वही चीज लिखी हुई है कि ये जो माइटोसिस है ये कहां परफॉर्म हो गई है, ड्यूरिंग द अर्ली फीटल लाइफ, और इसने बना दिया है प्राइमरी ओसाइट को। ये जो प्राइमरी ओसाइट है ये शुरू कर देती है मियोसिस को, ये जो प्राइमरी ओसाइट है ये एंटर हो जाती है मियोसिस में, और मियोसिस में एंटर होने के बाद ये वहां पर अरेस्ट हो जाती है। तो इनिशिएशन अगर आपसे पूछा जाए कि मियोसिस का कहां हुआ है इन केस ऑफ ऊजेनेसिस, तो फीटल डेवलपमेंट के दौरान इनिशिएशन हो जाता है मियोसिस का, लेकिन वो मियोसिस बनने क्या हो गई, अरेस्टेड हो गई। अब आगे चल के क्या होगा, प्यूबर्टी आएगी, और ये जो प्राइमरी ओसाइट है जो मियोसिस वन में अरेस्टेड थी ये रिज्यूम कर लेगी मियोसिस वन को और फिर बना लेगी सेकेंडरी ओसाइट। अब जब ये सेकेंडरी ओसाइट है तो अगेन ये एंटर हो जाएगी मियोसिस सेकेंड में, तो फिर से क्या होगा कि मियोसिस सेकेंड जो है वो यहां से शुरू हो जाएगी, प्राइमरी ओसाइट जैसे ही बनेगी तो वो एंटर हो जाएगी सबसे पहले मियोसिस सेकेंड में, और अगेन इनिशिएशन होने के बाद ही फिर अरेस्ट कर लेगी किसको, मियोसिस सेकेंड को, और तब तक ही अरेस्टमेंट रहेगा जब तक कि कोई स्पर्म इस सेकेंडरी ओसाइट को फ्यूज ना हो के फर्टिलाइज ना कर दे, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा
तो मियोसिस सेकंड अगेन रिज्यूम हो जाएगी, और ये जो मियोसिस सेकंड है उससे फर्दर डिवीजन होगा, तो फाइनली बनता है ओवम, जो कि एक फर्टिलाइज एग होता है, और साथ ही साथ बन जाता है सेकेंडरी पोलर बॉडी। और ये जो ओवम है, क्योंकि वैसे भी फर्टिलाइज तो हो ही गया है, तो ये देखिए एन और एन मिलकर 2n बना लेंगे, जो कि हो जाता है जाएगी। तो ये आपका ओजेनेसिस का केस है। स्पर्मेटोजेनेसिस में सिंपल सिंपल डिवीजन था, बट इसमें कुछ अरेस्टमेंट आपको देखने को मिलते हैं, एक फीटल स्टेज में जो कि मियोसिस वन का अरेस्टमेंट होता है, और उसके बाद सेकेंडरी ओसाइट में भी मियोसिस सेकंड में एक अरेस्टमेंट देखने को मिलता है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो आगे प्रोसेस होगी, अदरवाइज ये सेकेंडरी ओसाइट जो है वो एज इट इज डीजेनरेट कर देती है। तो इसको मैंने एक समरी फॉर्म में लिखा है, जहां पर हम एक तरफ बात करेंगे ओजेनेसिस की और दूसरी तरफ हम बात करेंगे पूरे के पूरे फॉलिकुलर डेवलपमेंट की, कि इनमें क्या कोरिलेशन है। लेकिन ये जो इमेज है तो आगे चल के थोड़ा सा स्प्लिट किया गया है, तो ये एक कंबाइंड इमेज है। इसी को अगर हम थोड़ा स्प्लिट करें तो सबसे पहले समरी है ये ओजेनेसिस की एंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट की, क्योंकि ये दोनों के दोनों फिनोमिना जो है साथ में चलने वाले हैं और मिलके बनाने वाले हैं ओवेरियन साइकिल को, या रन करेंगे ओवेरियन साइकिल को। तो सबसे पहले यहाँ पर एज लिखा हुआ है, एज में अगर आप बात करें फीटल पीरियड की, तो ये जो फीटल स्टेज होती है यहाँ पर ओजेनेसिस शुरू होना शुरू हो जाएगा। तो ओजेनेसिस बिल्कुल यहाँ पे शुरू होना है, तो सबसे पहले क्या होगा, ओगोनियम होगा जो कि मियोसिस को परफॉर्म करके प्राइमरी ओसाइट बनाएगा, और प्राइमरी ओसाइट मियोसिस वन में चला जाएगा। लेकिन ये मियोसिस वन में जाएगा और प्रोफेज वन में हो जाएगा रिसीव। तो इतना काम ओजेनेसिस का होना है आपके फीटल स्टेज में, एट द सेम टाइम यहाँ पर प्राइमोडियल सेल्स का जो ये प्राइमरी इनसाइड है इसके ऊपर जो कवरिंग है सिंगल लेयर ऑफ द फॉलिकुलर सेल रहेगा केवल और केवल, ना ही ग्रेन्यूलोजा सेल्स होंगी ना ही थीटा सेल्स होंगी। तो प्राइमोडियल फॉलिकल आपकी फॉलिकुलर डेवलपमेंट के टाइम आपका प्राइमोडियल फॉलिकल होगा, और फीटल स्टेज में ओजेनेसिस के दौरान आपकी प्राइमरी ओसाइट बन गई है, लेकिन प्रोफेज वन में ये अरेस्ट हो जाएगी। जैसे ही चाइल्ड बर्थ होगा उसके बाद चाइल्डहुड स्टेज में फॉलिकल्स में या फिर ओजेनेसिस में कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता, नो डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल, ना ही इसमें कोई डेवलपमेंट होगा और ना ही ओजेनेसिस में कोई डेवलपमेंट होगा। इसके बाद जैसे ही प्यूबर्टी आई और मीनोपॉज जो है, मतलब प्यूबर्टी से लेके मीनोपॉज तक बीच में जितने भी मंथ पड़ेंगे, हर एक मंथ आपकी ये पूरी की पूरी साइकिल अब चलनी शुरू हो जाएगी। कौन सी साइकिल, वो जो अरेस्टेड है प्राइमरी ओसाइट और प्राइमोडियल सेल, आगे चल के वो काम करना शुरू करेंगी। तो सबसे पहले ये जो आपकी प्राइमरी फॉलिकल बनेगी प्राइमोडियल फॉलिकल से, और सेकेंडरी फॉलिकल मतलब पूरा आपका मैच्योर कर देगी आउटर स्ट्रक्चर को, जो फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल्स बना लेगी, और ये जो आपकी प्राइमरी ओसाइट थी वो आपकी कहां रहेगी, सिर्फ प्रोफेज वन। तो ओजेनेसिस में अभी कुछ नहीं होना है, पहला काम क्या होगा, हम फॉलिकल को मैच्योर करेंगे। हम फॉलिकल को मैच्योर इसीलिए करेंगे क्योंकि अभी थीटा एक्सटर्ना और इंटरना आ जाए तभी जाके तो वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इनहिबिन और रिलैक्सिन का सिक्रेशन करेंगे। अगर आप पहले ही ओजेनेसिस करा देंगे लेकिन सेल ही नहीं है हार्मोन का सिक्रेशन करने में, तो कैसे ओवुलेशन होगा, कैसे आगे की प्रोसेस परफॉर्म की जाएगी। तो सबसे पहले काम क्या है कि प्राइमोडियल से आप प्राइमरी फॉलिकल बनाए, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनाए, और इन दोनों स्टेज में आप देखिए क्या लिखा है कि प्राइमरी ओसाइट जो है स्टिल इन प्रोफेज वन। अब जाके क्या होगा, जैसे ही आपकी सेकेंडरी फॉलिकल बन गई और सेकेंडरी फॉलिकल के बाद जो है अब शुरू हो जाएगा आपका डिवीजन। कौन सा डिवीजन, दैट इज मियोसिस वन कंप्लीट करा जाएगा सबसे पहले। अब मियोसिस वन कंप्लीट किया जाएगा तो प्राइमरी ओसाइट आपकी क्या बन जाएगी, सेकेंडरी ओसाइट। लेकिन सेकेंडरी ओसाइट तो बन गई है, फिर इस सेकेंडरी ओसाइट को अगेन मियोसिस सेकंड में मेटाफेज सेकंड में फिर अरेस्ट कर दिया जाएगा। तो सेकेंडरी ओसाइट बन गई और इसको मियोसिस वन में जो है वो जाने दिया, लेकिन मेटाफेज अरे मियोसिस सेकंड में जाने दिया,
मेटाफेज सेकंड जैसे ही आई तो वहां पर इसको अरेस्ट कर दिया, रोक दिया गया और फिर आपका एट द सेम टाइम विद सेकेंडरी से मैच्योर या फिर ग्रेफियन फॉलिकल का भी फॉर्मेशन होने लगा। तो अब क्या है, ये सेकेंडरी ओसाइट है जो अरेस्टेड है मेटाफेज स्टेज में और साथ ही साथ आपका ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है। अब आपका पूरा का पूरा फॉलिकल भी रेडी है फॉर द ओव्यूलेशन, सेकेंडरी ओसाइट भी रेडी है रिलीज होने के लिए। तो अब क्या किया जाएगा, अब ये पूरा का पूरा ओव्यूलेशन होगा और ओव्यूलेट किया जाएगा सेकेंडरी ओसाइट को बाहर की तरफ। तो ये जरा देखिए मियोसिस सेकेंड ऑफ द फर्स्ट पोलार बॉडी, तो ये कई बार होता भी है कई बार नहीं होता। तो पोलार बॉडी के केस में एक तरीके का मतलब क्या कहें कि क्लियरिटी नहीं है कई बार यहाँ पर मियोसिस सेकेंड, मतलब कि जो आपका फर्स्ट पोलार बॉडी बना हुआ है वो मियोसिस सेकेंड परफॉर्म करेगा भी, तो कई बार ये परफॉर्म नहीं भी करता। लेकिन अगर आप बात करें जो आपका सेकेंडरी ओसाइट वो आगे चल के मियोसिस सेकेंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर हुआ है तो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा और सेकेंड पोलर बॉडी और साथ ही साथ ओवम का फॉर्मेशन होगा जो कि एक फर्टिलाइज ओवम है और ये टूएम यहाँ प्रेजेंट होगा जो कि आगे चल के जाइगेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो ये पूरा का पूरा कोरिलेशन होता है एंड आई होप कि आपको ये फेजेस भी शुरू समझ में आ गई थी। सबसे पहले ज्यादा कुछ नहीं है, ये दोनों साथ साथ चल रहा होता है, लेकिन पहले फॉलिकल का मैच्योरेशन किया जाएगा एंड आफ्टर मैच्योरेशन फिर ये जो प्राइमरी ओसाइट है पहले मियोसिस वन को कंप्लीट करके मियोसिस सेकंड में आएगी, लेकिन मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड में अगेन इसको क्या कर दिया जाएगा, रेस्ट कर दिया जाएगा। फर्टिलाइजेशन हुआ तो आगे चल के मियोसिस सेकेंड जो है वो भी आपका पूरा कंप्लीट होगा और फिर जाइगोट और इम्प्लांटेशन होगा। तो क्या ये दोनों या फिर कंबाइंडली ओवेरियन साइकिल आपको समझ में आई? चलिए, और पोलार बॉडी के केस में आपको पता है सारी की सारी ये फर्टिलाइज तो होती नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएंगी। अब जरा मुझे एक बात ये बताइए, आप लोग काफी टाइम से पूजेनेसिस पढ़ते आ रहे हैं, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है जिसे आपने हमेशा पढ़ा होगा, तो ये जो पोलर बॉडी है ये आपकी कहाँ आ गई, फेलोपियन ट्यूब से पूरा का पूरा आपकी आ जाए फेलोपियन ट्यूब में आई। ठीक है, अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो आपका क्या होगा कि चलिए भाई ये डीजेनरेट कर जाती है, लेकिन मुझे ये पूछना है कि ये जो पोलार बॉडी है ये जब डीजेनरेट करती है क्योंकि ओवम के केस में क्या होता है कि ओवम आगे की तरफ आएगा, फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो डीजेनरेट कर जाएगा, लेकिन ये जो आपकी पोलर बॉडी है ये हो सकता है मियोसिस परफॉर्म करें ना करें, मतलब ये आपकी सिंबरी से सीधा वो जो फेलोपियन ट्यूब का इनिशियल फेज होता है वहां पर ये रह जाती है। तो क्या ये मतलब डीजेनरेशन तो हुआ लेकिन आगे चल के इनका क्या होगा, डीजेनरेशन मतलब क्या होता है, रप्चर हो जाना, धीरे धीरे खत्म हो जाना। तो क्या होता है, हर एक महीने ये बन रही है तो अगर ये फेलोपियन ट्यूब में है तो क्या इनका एक्यूमुलेशन नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई रेसिड्यू तो इनका बचता ही होगा ना, ये डीजेनरेट कर जाती है वो तब ठीक है, लेकिन डीजेनरेट करने के बाद भी वे आपके फेलोपियन ट्यूब में ही है। और अगर ये आपके फेलोपियन ट्यूब में है तो इनका क्या होगा, क्या ये एक्यूमुलेट होती है, इनका क्या होता है, तो जरा एक बार मुझे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताइए कि ये जो डीजेनरेटेड रेसिड्यू है इनका क्या होगा, क्या ये क्लीन आउट होती है, क्या होता है इनका। ठीक है, जरा ये आप मुझे बताइए पहले, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आपके पास फिर से एक कैप्सूल है, इससे आपको टाइप ऑफ ओव्यूलेशन भी क्लियर हो जाएगा।
चलिए तो रिलेशन में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए फिर से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। ये जो दोनों एक फिनोमिना है, ओवरी में जो आपकी कुछ ऊसाइट है, ऊसाइट अकेली नहीं होती, उसके चारों तरफ कुछ कवरिंग है सेल की, जैसा मैंने इनिशिएशन में बताया कि जो ऊसाइट है उसको बिल्कुल क्वीन जैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो जब उसको क्वीन जैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या होगा कि अच्छे से उसको ट्रीटमेंट देने के लिए चारों तरफ से कुछ लोगों को आपको लगा देना है। तो लोग मतलब क्या है, सेल ही होंगे। तो सेल मतलब क्या है, आपकी फॉलिकुलर सेल्स होंगी। ठीक, तो जैसे जैसे आप बात करेंगे आगे ऊजेनेसिस की, तो उससे पहले इस फॉलिकुलर सेल्स का या फिर जो फॉलिकल है उनका डेवलपमेंट होगा। तो ओवेरियन साइकिल जो है वहां पर दो फेजेस चलती है, एक होता है ऊजेनेसिस और दूसरा होता है आपका फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ठीक, तो ऊजेनेसिस में मतलब आपको डिवाइड करना है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट में मतलब ऊसाइट के चारों तरफ आपको लेयर को डेवलप करना है। दैट्स इट। तो ये जो है पूरा का पूरा फीटल पीरियड है। तो फीटल पीरियड में क्या बताया था मैंने कि आपका प्राइमरी ऊसाइट बन जाता है और प्राइमरी ऊसाइट एंटर हो जाता है म्यूसिस वन में, लेकिन प्रोफेज वन में इसको अरेस्ट कर दिया जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आप लेयर की बात करें, ऊसाइट की जो चारों तरफ लेयर होगी वो केवल और केवल एक लेयर होती है जिसको कहा जाता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब चाइल्डहुड स्टेज आएगी, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, ना ही फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा ना ही ऊजेनेसिस होगी। जैसे ही प्यूबर्टी आई, तो प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक पूरा एक हर एक मंथ एक एक ओवम तैयार करना है, रिलीज करना है। तो ये जो पूरी साइकिल है आगे चल के मैं डेज वाइज आपको पूरा स्टेप बताऊंगी कि किस डे में क्या होना है, क्योंकि ये 28 डे से लेके 34 डे तक की साइकिल होती है। तो यहाँ पर जैसे ही प्यूबर्टी आई, सबसे पहले काम क्या है कि हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल को मैच्योर करेंगे। मैच्योरेशन पहले ज्यादा जरूरी है, उसके बाद डिविजन होगा। तो सबसे पहले जो ऊसाइट की चारों तरफ की लेयर है तो उनको थोड़ा मैच्योर किया तो बन गई प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल। तो जैसे ये सेकेंडरी फॉलिकल बनी, अब जाके रिज्यूम हो जाएगा मेनोपॉज़ वन और बना लेगा प्राइमरी ऊसाइट। प्राइमरी ऊसाइट से बना लेगा सेकेंडरी ऊसाइट, लेकिन सेकेंडरी ऊसाइट को अगेन मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट कर दिया जाएगा। फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर से डिविजन होगा, मियोसिस सेकंड को कंप्लीट किया जाएगा और कंप्लीट जैसे होगा तो फुल्ली फंक्शनल ओवम बनता है जो कि फर्टिलाइज है। तो इसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम या फिर 46 क्रोमोसोम यहां पर होंगे। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम बात करते हैं तो उसमें जो आपका पोलार बॉडी है वो पूरे तरीके से नहीं जाता। बहुत सी जगह अगर आपने पढ़ा है कॉमन सेंस में तो ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है। मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर देती हूँ कि जो ओवम डीजेनरेट हुआ है, क्योंकि सेकेंडरी ऊसाइट हर महीने रिलीज हो रहा है लेकिन हर महीने फर्टिलाइजेशन तो होता ही नहीं है ना, तो सेकेंडरी ऊसाइट डीजेनरेट करके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बाहर निकलता है, लेकिन जो आपकी पोलार बॉडी है वो ओवरी में ही यूटिलाइज कर ली जाती है। क्योंकि पोलार बॉडी क्या है, एक सेल ही तो है, सेल है तो उसमें आपके न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लिक एसिड है और साथ ही साथ आपका साइटोप्लाज्म भी है। तो ये पूरा का पूरा या मोस्टली पार्ट जो है वो ओवरी खुद ही रीअब्सॉर्ब कर लेती है। इसे आप बर्थ कंट्रोल मेथड में थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो जो पोलार बॉडी है, क्योंकि वो पोलार बॉडी तो आपके फर्टिलाइजेशन फेज तक आती ही नहीं है, कई बार तो ऐसा होता है कि वो ओवरी के अंदर ही रह जाती है, ओवुलेशन के दौरान केवल और केवल सेकेंडरी ऊसाइट निकल जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ बहुत मिसकंसेप्शन है, लेकिन मोस्टली टाइम ये रीअब्सॉर्ब कर ली जाती है ओवरी के थ्रू। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो रिमूव होता है दैट इज सेकेंडरी ऊसाइट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो फर्टिलाइजेशन हो गया है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है। चलिए ठीक, तो ये कहानी शुरू हो गई। अब उससे पहले हमने ओव्यूलेशन के बारे में काफी पढ़ा कि भाई ओव्यूलेशन है लेकिन ये क्या है। तो ओव्यूलेशन जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एक तो रिफ्लेक्स हो सकता है, दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस। तो जो रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स मतलब क्या है कि सडन एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, उसको रिफ्लेक्स कहा जाता है। स्पॉन्टेनियस मतलब कि क्या होता है कि जो चलता जा रहा है स्वतः, जिसे कहते हैं आप। ठीक है, तो रिफ्लेक्स मतलब कि
यहाँ पर अगर आप ओवुलेशन की बात करें तो ये इंड्यूस होता है बाय द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो कुछ ऐसे एनिमल जैसे अगर आप कैट की बात करें, रैबिट की बात करें, फिर इट इज मिंक हो गया, कैमल हो गया और कुछ रोडेंट्स हो गए, ये सारे के सारे ऐसे एनिमल होते हैं जहां पर ओवम का या फिर ओव्यूलेशन तब होगा जब इनको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलेगा। अगर इनको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं मिला है तो यहाँ पर कोई भी ओव्यूलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप बात करें जैसे ह्यूमन हो गया, प्राइमेट्स हो गए, रैट हो गया, माइस हो गया, गिनी पिग हो गया, हॉर्सेस हो गए, ये सारे के सारे मतलब जो आपके हायर क्लास या मैमल्स हो गए, ये सारे स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन को शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि ओव्यूलेशन अक्कर एज अ पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हर एक मंथ होता है और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का ही पार्ट है। ऐसा नहीं है कि जब आपको स्टिमुलस मिलेगा तब जाके ही ओव्यूलेशन होगा। ट्रिगर अगर आप बात करें तो यहाँ पर कुछ जेनाइटल स्टिमुलस हो सकते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा एक हार्मोनल ग्राफ होता है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। टाइमिंग की बात करें तो प्रिसाइज टाइमिंग होता है विद मेटिंग, और ये साइकिल जो है वो आपकी स्पेसिफिक फेज में हर एक मंथ चलती है। फर्टिलिटी विंडो की बात करें तो अराउंड मेटिंग, जब मेटिंग टाइम होगा या उसके बिफोर रिफ्लेक्ट ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, और इसमें स्पेसिफिक फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मतलब हर एक मंथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है उसका एक स्पेसिफिक डे होता है, स्पेसिफिक फेज होता है, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। उस दौरान आपका स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन होता है। फिर इसके बाद अगर मैं बताऊं रेलेवेंस के बारे में टू द ह्यूमन, तो यहाँ पर ये लेस रेलेवेंट होता है क्योंकि ये लोअर या प्राइमरली ऑब्जॉर्ब्ड इन एनिमल, और वहीं पर अगर हम स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन की बात करें तो ये रेलेवेंट होता है और ये ह्यूमन में या फिर जो मैमल्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है। तो हमारे केस में क्या होता है स्पॉन्टेनियस, तो जरा ये एग्जांपल आप अपनी माइंड में रख सकते हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्स और स्पॉन्टेनियस, मतलब कि आपको पूरा तो ओव्यूलेशन समझ में आ ही गया है ह्यूमन के केस में, तो उसके जस्ट जो अपोजिट होगा दैट इज रिफ्लेक्स ओव्यूलेशन। रीअब्सॉर्ब कर लिया तो क्या करेंगे इसे, क्या मतलब है, अब सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म रीअब्सॉर्ब होगा तो दूसरी सेल को दिया जाएगा, कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर कुछ क्या होंगे न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि क्रोमोसोम तो होते हैं, कुछ न्यूक्लियस जो है उसको डिग्रेड करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि पोलार बॉडी जो है वो पूरी की पूरी ओवरी या फिर जो आपके फैलोपियन ट्यूब है वहां पर एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अब क्या पोलार बॉडी का कोई फंक्शन नहीं होता, तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसका फंक्शन नहीं होगा ही होगा, लेकिन लिटरेचर में ये चीज कही जाती है कि एस सच या कोई बहुत स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है पोलार बॉडी का। लेकिन अगर पोलार बॉडी ना हो तो ये जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि होगा क्या कि अगर पोलार बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो तो ये जो आपके क्रोमोसोम नंबर सेपरेट हो रहे हैं डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बन रही है वो नहीं बनेगी, क्योंकि हैप्लॉइड सेल जैसे ही आपका मियोसिस वन कंप्लीट होता है तो 2nth क्या हो जाता है nn नंबर हो जाता है, तो ये n नंबर होने के लिए दूसरी सेल तो होनी चाहिए। तो इसीलिए पोलार बॉडी का मेन फंक्शन यही है कि ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम या हैप्लॉइड सेल बना देगी, तो ये इसका एक फंक्शन होता है। इसके अलावा इसका कोई मेन फंक्शन नहीं है, ओवरी में इसका एब्जॉर्प्शन होता है, बिल्कुल न्यूट्रिएंट ही प्रोवाइड कराती है। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में, लेकिन हार्मोनल रेगुलेशन जो है ओवेरियन और साथ ही साथ यूटेराइन साइकिल दोनों में बात करिए। अब ये यूटेराइन साइकिल क्या बना है भाई, यूटेराइन साइकिल मतलब कि ये यूटरस में चलने वाली कुछ साइकिल है, ठीक है, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। ओवरी में चलने वाली साइकिल ओवेरियन साइकिल है, जिसके दो फिनोमिना होंगे, ओजेनेसिस होगा और फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा, और अगर हम यूटराइन साइकिल की बात करें तो इसका दूसरा नाम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये दोनों साइकिल जो है ना, ये जो हार्मोन है आपके जितने भी हार्मोन है ये कलेक्टिवली इन दोनों साइकिल को रेगुलेट करते हैं। कैसे रेगुलेट करते हैं जरा इसे समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले आपका है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कहां से सिक्रेट होगा, सिक्रेट होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होगा और काम क्या करेगा, कंट्रोल करेगा बोथ द ओवेरियन साइकिल और साथ ही साथ यूटेराइन साइकिल।
जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को और क्या कहेगा कि भाई सिक्रेट करिए कौन से हार्मोन को, FSH को और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम FSH की बात करें तो FSH का नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ग्रोथ करेगा, मैच्योर करेगा ओवेरियन फॉलिकल्स को। तो वो जो आपकी फॉलिकल मैच्योर हुई थी ना, प्राइमरी से आपने देखा कि फॉलिकुलर सेल मल्टीप्लाई करी, ग्रेन्यूलोजा सेल्स बना रही हैं। ये ग्रेन्यूलोजा सेल, ये थीटा सेल कैसे बनी है, ये तब बनी है जब FSH ने उनको ऑर्डर दिया है। जब FSH सिक्रेट हुआ है, ओवरी के पास गया है, तो ओवरी में प्रेजेंट होने वाली जो आपकी सेल है, दैट इज फॉलिकुलर सेल, वो अब अपनी ग्रोथ करना शुरू करेंगी। अब क्या होगा, LH जो है वो फर्दर डेवलप करता है फॉलिकल को और स्टिमुलेट करता है कि आप सिक्रेट करिए एस्ट्रोजन का। तो एस्ट्रोजन कौन सिक्रेट कर रहा था, थीटा इंटरनल, थीटा इंटरनल। तो थीटा इंटरनल सिक्रेट कर रही थी एस्ट्रोजन को। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका एक काम क्या है, ये फॉलिकल सेल्स को और स्टिमुलेट करेगा। जब स्टिमुलेट करेगा तब ही जाके, क्योंकि फाइनली पहले फॉलिकल थी फिर ग्रेन्यूलोजा बन जा रही थी, लेकिन थीटा सबसे बाद में बनी थी। तो थीटा में भी थीटा एक्सटर्ना और इंटरना बाद में डिफरेंशिएट हुई थी। तो LH जो है वो फॉलिकल सेल्स को स्टिमुलेट करता है, मतलब थीटा एक्सटर्ना इंटरना बनाने के लिए, और साथ ही साथ ये सिक्रेट करता है जो थीटा सेल्स है वो एस्ट्रोजन की। LH ऑल्सो प्रमोट करता है थीटा सेल विद इन द डेवलपिंग फॉलिकल और प्रोड्यूस करेगा एंड्रोजन। तो भाई थीटा इंटरना सेल आपकी एस्ट्रोजन को तो करती ही करती है, और साथ ही साथ ये प्रोड्यूस करती है एंड्रोजन की, लेकिन इसको प्रमोट कौन कराएगा, LH, मतलब LH के जो रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, इन्हीं फॉलिकल सेल पे प्रेजेंट होंगे। अब हम बात करें अगर एस्ट्रोजन की, तो एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन सबसे पहले तो थीटा इंटरनल सीक्रेट करा है, और एस्ट्रोजन मतलब कि इसके काफी सारे फॉर्म हो सकते हैं, टाइप हो सकते हैं, जैसे बीटा एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोन एंड एस्ट्रियोन। तो ये तीन फॉर्म इसके हो सकते हैं जो सीक्रेट होते हैं किससे, ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल में भी कौन, थीटा इंटरनल। फिर इसके बाद आता है फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो क्या है आपका एस्ट्रोजन का, तो सबसे पहला इसका फंक्शन है कि ये डेवलप करेगा और मेंटेन करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, और साथ ही साथ मेंटेन करता है फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे एडिपोज डिस्ट्रीब्यूशन, बॉयज पिच के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए और ब्रेस्ट टिश्यूज के लिए। तो ये सारा पूरा का पूरा एस्ट्रोजन जो है वो क्या किया जाता है, कंट्रोल करता है कैरेक्टर्स को। साथ ही साथ एस्ट्रोजन का एक बड़ा ही अच्छा काम है, ये लोअर करता है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को। एस्ट्रोजन जो है वो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगा, जिससे रिड्यूस हो जाता है रिस्क ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस इन द फीमेल जो अंडर 50 एज की है। साथ ही साथ ये रीजनरेशन करता है यूटराइन लाइन को, जो यूटरस में आपकी मायोमेट्रियम की वॉल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब इसका पूरा का पूरा रीजनरेशन होता है, तो एस्ट्रोजन का काम क्या है, इसको भी रीजनरेट करेगा। और एस्ट्रोजन जो है वो फाइनल प्रोडक्ट किसका है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का। तो ये इसको भी क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, रेगुलेट करेगा, और LH और FSH को भी रेगुलेट करता है। इसमें ये जो एक लाइन है, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल की, इसका मतलब क्या है, जैसे आपने खुद सुना होगा कि जो फीमेल है, अगर आप रेशियो निकाल लो वर्ल्ड वाइड, तो हार्ट अटैक फीमेल को बहुत कम आता है। तो उसका रीजन क्या है, स्पेशली अंडर 50 एज की मैं बात कर रही हूँ, अगर कोई फीमेल अंडर 50 एज है तो बहुत माइनरली देखा जाएगा कि उसको हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस है या फिर हार्ट अटैक है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास दिल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज में ये कहा जाता है ना, हार्ट अटैक लड़कों को भी क्यों आता है, क्योंकि उनके पास दिल है, फीमेल्स के पास दिल ही नहीं होता है ना, ऐसा नहीं है, हार्ट फीमेल के पास भी होता है, लेकिन हाँ
फीमेल के पास एक रामबाण है दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन, और ये जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल में सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स को तो रेगुलेट करेगा ही करेगा, साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लो कर देगा। जब ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लो कर देता है तो कोलेस्ट्रॉल याद है आपको काइलोमाइक्रोन जो लीवर नहीं रोक रहा था और सर्कुलेशन के थ्रू सीधा चले जाते थे हार्ट में, तो उसके लेवल का जैसे ही कम हुआ तो हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होगा, ब्लॉकेज नहीं होगा तो अटैक नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका मेजर रीजन है कि फीमेल में लो रेट ऑफ द हार्ट अटैक। ठीक, इसके अलावा यूटराइन लाइनिंग आपको पता है और रेगुलेशन ऑफ द डिफरेंट हार्मोन ये भी आपको पता है। ठीक, तो ये तो हमने देख लिए गोनेडोट्रोपिन, ये तो आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ये भी देख लिया, और एस्ट्रोजन का जरा आप थोड़ा सा फंक्शन माइंड में रखिए, नहीं भी याद हो तो आगे चल के जब थोड़ा और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाए। एक और हार्मोन है जिसको कहा जाता है प्रोजेस्टेरोन, ये भी मेजर हार्मोन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। जो मेजर हार्मोन है एक तो होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन मेनली सिक्रेट होता है बाय द कार्पल न्यूटियस, और ये क्या करता है, ये एक तरीके से साथ साथ काम करता है एस्ट्रोजन के, इसलिए प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को क्या कहा जाता है, भाई भाई, अगर आप मेल कह रहे हो और अगर ये फीमेल है तो बहने बहने कह लीजिए ना, तो ये दोनों साथ साथ में काम करेंगे और प्रोजेस्टेरोन जो है वो थोड़ा और असिस्ट करेगा एस्ट्रोजन के लिए। इसका मेन काम है कि ये प्रिपेयर करेगा एंडोमेट्रियम को जो कि यूटराइन लाइन होती है, और ये पोटेंशियल इम्प्लांटेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। फर्टिलाइज एग जब आया तो उसको इम्प्लांट करना है, प्लांट करना है तो आपको ये चीज पता है कि जो मायोमेट्रियम की वॉल है उसको हाईली वैस्कुलराइज्ड बनाया जाएगा। वैस्कुलराइज्ड क्यों, क्योंकि यहाँ ब्लड वेसल ज्यादा हो, ब्लड ज्यादा होगा तभी तो न्यूट्रिएंट आएगा, क्योंकि बेबी तक न्यूट्रिएंट कैसे जाता है, बेबी तक न्यूट्रिएंट इस पूरे के पूरे ब्लड के थ्रू ही तो जाता है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो क्या वो खुद से कुछ खाता पीता है, नहीं खाता पीता, पूरा का पूरा ब्लड से न्यूट्रिएंट जाना है, तो जाना है इस वॉल को जो है काफी ठीक करना पड़ेगा। वॉल मतलब जो यूटरस या यूटराइन लाइन जो है उसको आपको ठीक करना है, तो वो ठीक कैसे होगी, इसी प्रोजेस्टेरोन के लिए। तो पा से प्रेगनेंसी, पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरोन। तो प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज्यादा यही हार्मोन जरूरी होता है, और जो कि काम क्या है, एंडोमेट्रियम की वॉल को कर देगा ठीक। साथ ही साथ ये प्रिपेयर करता है मेमोरी ग्लैंड को फॉर द मिल्क सेक्रेशन, और इसके साथ साथ इसका दूसरा काम है ये इनहिबिट कर देगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को और एलएच को, इसीलिए क्योंकि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एलएच को करेगा और साथ ही साथ एफएसएच को आगे जाके सिक्रेट करेगा। लेकिन अब हमें क्या एफएसएच की जरूरत है, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल बॉडी में बढ़ता है तो ऑटोमेटिक इन हार्मोन का लेवल जो है कम हो जाता है, क्योंकि ये जो आपके हार्मोन है ये एक तरीके के अपोजिट काम करती है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो मेन का मायोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन करना, मेमोरी ग्लैंड को तैयार करना, और साथ ही साथ इनहिबिट ऑफ द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एक और हार्मोन है दैट इज रिलैक्सिन। रिलैक्सिन प्रोड्यूस होता है कार्पस ल्यूटियम से, और ये कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कब होता है, ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि जैसे ही ओवुलेशन होगा बाकी का जो आपका जितना भी रेसिड्यू या वो जो बॉडी बचा है मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का, वही तो कार्पस ल्यूटियम है जो सिक्रेट करता है रिलैक्सिन। इसका काम क्या है कि ये यूटराइन मायोमेट्रियम को रिलैक्स करता है, क्रिएट करता है क्वाइट एनवायरमेंट फॉर द पोटेंशियल इम्प्लांटेशन। तो रिलैक्सिन का काम भी प्रेगनेंसी में ही है, प्रेगनेंसी मतलब ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी ये मतलब प्रेगनेंसी के लिए तैयार करेगा, अगर बाई चांस फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये जो है ना ये पूरी की पूरी तैयारी हर एक मंथ होती है फीमेल के लिए, ऐसा नहीं है कि पहले आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद तैयारी करी जाएगी। तो नेचर ने इतने बढ़िया तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रॉ करा है कि तैयारी हर एक मंथ होती है इम्प्लांटेशन की, हर एक मंथ होती है पूरे के पूरे ओवम को फर्टिलाइज करने की, अगर नहीं हुआ तो एक अलग बात है, वो पूरी की पूरी तैयारी वेस्ट जाएगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पूरे के पूरे मटेरियल को बाहर निकाला जाएगा,
स्टिल ये हर मंथ आपका प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन साथ साथ में काम करेंगे, मायोमेट्रियम की जो वॉल है उसको अच्छे से रिलैक्स करेंगे और तैयार करेंगे, अच्छा एनवायरमेंट देंगे इम्प्लांटेशन के लिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सिन, जिससे यूटराइन जो है वो और ज्यादा रिलैक्स हो जाए। जितना ज्यादा रिलैक्स होगा, क्योंकि आगे चल के क्या होता है, जैसे जैसे बेबी का डेवलपमेंट होता है तो जगह भी ज्यादा चाहिए रहती है, प्लेस ज्यादा चाहिए रहता है, तो यही रिलैक्सिन जो है वो बेसिकली वॉल्यूम बढ़ाता है यूटराइन कैविटी का, यूटरस। एक हार्मोन होता है इनिविन, ये सीक्रेट होता है कहां से, ग्रेन्यूलोसा सेल से। ग्रेन्यूलोसा सेल मतलब कौन सी सेल है, जो कि आपकी ऊसाइट के सबसे पहले, ऊसाइट में क्या था आपका, पहले जोना पेल्यूसिडा था और जोना पेल्यूसिडा की चारों तरफ ही क्या थी, आपकी ग्रेन्यूलोसा सेल थी। यही ग्रेन्यूलोसा सेल सीक्रेट करती है इनिविन को, और साथ ही साथ सीक्रेटेड बाय इनिविन ग्रेन्यूलोसा सेल्स ऑफ द ग्रोइंग फॉलिकल एंड कार्पस ल्यूटियम से भी आपका ये इनिविन सीक्रेट होगा। इसका काम क्या है, जैसा कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, ये मैनली इनिविट करता है FSH को और समटाइम्स या फिर लो अमाउंट इनिविट कर देता है NH को। तो मेजरली इनिविट करता है FSH को और माइनरली आपका इनिविट करेगा NH। तो ये आपके कुछ हार्मोन होते हैं जो पूरे के पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इससे आप इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। जरा देखेंगे, अगर ये माइनस साइन है, माइनस साइन अब आपको पता है कि पूरा का पूरा रेगुलेशन और नेगेटिव फीडबैक को दिखाएगा कि ब्लड में जैसे ही लेवल इंक्रीज होगा, चाहे एस्ट्रोजन हो, आपके इनिविन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, तो आगे चल के ये अटैक करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी को, हाइपोथैलेमस को, और सिग्नल देंगे कि अब आप हार्मोन का सिक्रेशन बंद कर दीजिए। ठीक, तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली भाई ऐसा है कि ब्लड में प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम है, साथ ही साथ जैसे अगर आप यहाँ से समझिए कि सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेशन कराना है या फिर प्यूबर्टी के दौरान एग को रिलीज कराना है, जब ओविलेशन कराना है तो उससे पहले तैयारी करी जाएगी। तैयारी क्या करी जाएगी, फॉलिकल को मैच्योर करना है, तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये सबसे पहले गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करेगा, एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करेगी FSH को और NH। FSH का पहला काम है कि इनिशिएट कराएगा ग्रोथ ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल, और इसके बाद जैसे ही ग्रोथ होगा तो LH के दो काम है। पहला काम है ओव्यूलेशन कराना, क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा फॉलिकल तो डेवलप हो गया FSH से, लेकिन FSH के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो ओव्यूलेशन करा दे। FSH के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो ओव्यूलेशन करा ले। ओव्यूलेशन हमेशा होता है NH से, तो LH का पहला काम है कि ये ओव्यूलेशन कराएगा, और दूसरा इसका काम क्या है कि ओव्यूलेशन के दौरान ये जो आपका बचा हुआ मटेरियल है, दैट इज कार्पस ल्यूटियम, इस कार्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करेगा कि अब आप सीक्रेट करिए प्रोजेस्टेरोन को, एस्ट्रोजन को, रिलैक्सिन को और इनिविन को। तो जो आपका LH है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, FSH भी इंपॉर्टेंट है, उसका एक काम है, मेजर एक काम है, दैट इज फॉलिकल को स्टिमुलेट करना, मैच्योर करना। लेकिन LH के दो काम है, एक तो ओव्यूलेशन कराना, तो दूसरा आफ्टर ओव्यूलेशन जो कार्पस ल्यूटियम बना है उसको मेंटेन करेगा, स्टिमुलेट करेगा फॉर द सिक्रेशन ऑफ रिलैक्सिन, इनिविन, एस्ट्रोजन और कार्पस, साथ ही साथ प्रोजेस्टेरोन। तो ये देखिए, अगर आप बात करें कि यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम की अगर हम बात करें, तो कार्पस ल्यूटियम चार हार्मोन को सिक्रेट करने वाली है, एस्ट्रोजन, इनिविन, रिलैक्सिन एंड प्रोजेस्टेरोन, और वहीं पर ओबेरियन फॉलिकल और देयर सिक्रेशन, क्योंकि ये जो ओबेरियन फॉलिकल है इसके पास भी तो कुछ सेल थी, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना और ग्रेन्यूलोसा सेल। तो ये जो सेल है, ये जो आपका बना हुआ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये भी आपका कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, दैट इज एस्ट्रोजन और इनिविन। तो एस्ट्रोजन और इनिविन जब ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनती है, तब जाके आपका एस्ट्रोजन और इनिविन का सिक्रेशन होता है। तो जैसे कार्पस ल्यूटियम बनेगा, तो कार्पस ल्यूटियम अब एस्ट्रोजन, इनिविन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन करता है।
तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब आपकी ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर है तो केवल और केवल एस्ट्रोजन और इनिबिन सीक्रेशन कर रही है। एस्ट्रोजन ही का इंटरना सेल, इनिबिन ग्रेन्युलोजा सेल करेंगी। लेकिन जब ये कार्पस ल्यूटियम बनाती है तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो सिक्रेट करता है एस्ट्रोजन, इनिबिन को करेगा लेकिन साथ ही साथ रिलैक्सिन और इसके साथ साथ प्रोजेस्टेरोन। ठीक, तो आगे चलते इन्हीं सारे हार्मोन का मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया है। तो एस्ट्रोजन का काम क्या है? प्रमोट करेगा डेवलपमेंट और साथ ही साथ मेंटेन करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। दूसरा काम क्या है? इंक्रीज करेगा प्रोटीन एनाबॉलिज्म, साथ ही साथ लोअर करेगा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, और इसके साथ साथ मॉडरेट करता है और लेवल इनिबिट करता है द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन एफएसएस एनएच। इनिबिन का एक ही काम है, इनिबिन जो है रिलीज ऑफ इनिबिट करेगा रिलीज ऑफ एफएसएस। रिलैक्सिंग का काम क्या है? रिलैक्स करना, लेकिन इससे रिलैक्स करेगा ये आपकी पूरी की पूरी यूटराइन कैविटी के कॉन्ट्रेक्शन को इनिबिट करेगा। जब कॉन्ट्रेक्शन इनिबिट होगा तो क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा, और रिलैक्सेशन होगा तो पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है तो वॉल्यूम बढ़ता है। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियल ग्लैंड को, जो सिक्रेट करती है ग्लाइकोजन को, लिपिड को, जो कि इनिशियली सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे ही फर्टिलाइज एग आता है तो उसको चिपकने के लिए, उसके इम्प्लांटेशन के लिए जो जगह होती है वो ये एंडोमेट्रियम वॉल होती है। और इसे एंडोमेट्रियम वॉल के पास क्या है? हाई अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन है और साथ ही साथ लिपिड है, जिससे पूरे ओवम को एक तरीके से न्यूट्रिएंट मिल जाए, प्रॉपर क्या हो जाए, इम्प्लांटेशन हो जाए, और हाई लेवल जैसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एफएसएच और एलएच को ये इनहिबिट करता है। तो ये आपके सारे के सारे फंक्शन है। बिल्कुल मेल के केस में सर्टोली सेल से सिक्रेट होता है इनहिबिन, लेकिन अगर आप फीमेल के केस में बात करें तो ग्रेन्युलोजा सेल से सिक्रेट होगा। और ग्रेन्युलोजा सेल्स मतलब कि ये आपकी फॉलिकुलर सेल्स जो है उनका पार्ट होती है। चलिए अब आपके पास एक वेदमी कैप्सूल है जिसमें सारे के सारे हार्मोन लिखे हुए हैं, उनकी एक्शन साइट, टारगेट ऑर्गन क्या होगा और काम क्या होगा। तो जो अभी हमने पढ़ा, जैसे सबसे पहले हम पिकअप करें, अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होगा इंटीरियर पिट्यूटरी से, टारगेट ऑर्गन है ओवरी, और काम क्या है? स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल, साथ ही साथ प्रमोट करेगा द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। तो देखिए एफएसएच जो है फॉलिकल को तो आपका करता ही है, और ऑब्वियसली बात है जब फॉलिकल आपके अच्छे से स्टिमुलेट होगी तो थीका इंटरना भी बनेगा, थीका इंटरना बनेगा तो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होना है थीका इंटरना से। दूसरा आता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेशन होगा, एक्शन साइड इसका भी ओवरी है, मेन काम क्या है? ट्रिगर करेगा ओव्यूलेशन के लिए, रिलीज कराएगा एग फ्रॉम द ओवरी, और साथ ही साथ स्टिमुलेट करता है द फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, जो कि रेगुलेट करता है प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए। एस्ट्रोजन मेनली एस्ट्राडायोल, ये ओवेरियन फॉलिकल, क्योंकि एस्ट्रोजन आपकी थीका इंटरना मतलब ओवेरियन फॉलिकल से सिक्रेट होना है, का टारगेट ऑर्गन यूट्रस होगा, ब्रेस्ट होगा और अदर टिश्यूज होंगे। काम क्या है? प्रमोट करना थिकनेस ऑफ द यूटराइन लाइनिंग, जैसे एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इस वॉल को थिक करता है और इन्फ्लुएंस करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, और साथ ही साथ मेंटेन करता है बोन हेल्थ। फिर इसके बाद प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन कहां से सिक्रेट होगा? कार्पस ल्यूटियम से, और कार्पस ल्यूटियम कैसे बना है? आफ्टर ओव्यूलेशन ये बना हुआ होता है। टारगेट ऑर्गन इसका यूटरस होगा, काम क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा ये यूटराइन लाइनिंग को फॉर द एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, साथ ही साथ मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को और प्रिवेंट करता है यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन को। तो प्रोजेस्टेरोन और प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।
गोनेडोट्रोपिन की बात करें तो हाइपोथैलेमस से क्या होगा, सिक्रेट होगा। टारगेट ऑर्गन इसका इंटीरियर पिट्यूटरी है जो रिलीज करवाता है FSH को और LH को और रेगुलेट करेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जिसे SCG कहा जाता है, ये प्लेसेंटा के दौरान सिक्रेट होता है नॉर्मल फीमेल में। इसका जो अगर आप क्वांटिटी देखेंगे तो बहुत कम होता है, नहीं होता, केवल और केवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब प्लेसेंटा फॉर्मेशन होने लगता है तब जाके ये सिक्रेट होता है। इसका टारगेट ऑर्गन है यूट्रस और साथ ही साथ ओवरी मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम को ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी और साथ ही साथ जो प्रेगनेंसी टेस्ट में इसी हॉर्मोन को डिटेक्ट किया जाता है। इसके साथ एक हॉर्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होगा। टारगेट ऑर्गन ब्रेस्ट होता है और स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए और लैक्टेशन के लिए आफ्टर चाइल्डबर्थ। रिलैक्सिन कार्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होना है, साथ ही साथ अगर प्रेगनेंसी अचीव हो गई है तो प्लेसेंटा से भी सिक्रेट होगा। टारगेट ऑर्गन होगा यूटरस और सर्विक्स, रिलैक्स करेगा यूटराइन मसल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस से पूरा बनेगा, स्टोर रहता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और सिक्रेट होगा। टारगेट ऑर्गन रहेगा यूटरस और ब्रेस्ट। सबसे पहले यूट्रस में यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन कराएगा ड्यूरिंग डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी मिल्क इजेक्शन के लिए जरूरी होता है। तो ये पूरे के पूरे हॉर्मोन है जो आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल साथ ही साथ प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद मिल्क इजेक्शन में काम आएंगे। तो यहां तक क्लियर है? चलिए ले लीजिए 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, इसके बाद ही आगे शुरू करते हैं। चलिए इसके साथ साथ एक और ये टेबल जिसमें एस्ट्रोजन के टाइप के, जैसे अभी हमने देखा था कि कुछ टाइप ऑफ एस्ट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होंगे, तो वो कौन कौन हो सकती है जरा इसको देख सकती है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे बीटा एस्ट्राडायोल हमने अभी देखा था, एस्ट्रोन थे और एस्ट्रायोल थे, ठीक। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट पोटेंट होता है वो यही होता है बीटा एस्ट्राडायोल, जो कि क्या होता है सबसे ज्यादा पोटेंट है और साथ ही साथ इसका मेन फंक्शन जो है वो प्राइमरली एस्ट्रोजन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए और मेंटेन करेगा बोन हेल्थ के लिए। एस्ट्रोन इंटरमीडिएट होता है स्ट्रेंथ के मामले में और ये क्या होता है प्रेजेंट होता है
या सिक्रेट होता है आफ्टर मेनोपॉज मीनोपॉज और कन्वर्टेड होता है फ्रॉम द एंड्रो चलिए ठीक है तो आप क्लियर है। एक्चुअली ये सडन ऑटोमेटिक कोई सेंसेशन ले रहा है, बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलिए ठीक है तो पहला टाइप क्या है, बीटा एस्ट्राडियोल। ये क्या है, स्ट्रेंथ के मामले में मोस्ट पोटेंट होता है और अगर आप पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो ये प्राइमरली सिक्रेशन इसका सबसे ज्यादा होगा और ये रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। अगर आप इसके क्लिनिकल यूज की बात करें तो यूज इन हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर द मेनोपॉजल सिम्टम। वहीं पर अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो ये होता है एस्ट्रोन जो कि इंटरमीडिएट होता है, ये प्रेजेंट होता है आफ्टर मेनोपॉज और ये कन्वर्ट होता है फ्रॉम द एंड्रो स्टीनोडायोन इन एडिपोज टिश्यू। क्लिनिकल यूज ये कॉमनली यूज नहीं होता क्योंकि ये कैसा है, स्ट्रेंथ के मामले में इंटरमीडिएट है। एस्ट्राइओल की बात करें तो ये बीकेस्ट होता है, ये प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होता है, इसका मेन फंक्शन है प्रोमिनेंटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रोड्यूस होता है बाय द प्लेसेंटा और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब FDA ने से अप्रूव नहीं किया है फॉर द ह्यूमन के केस में, लेकिन हाँ एनिमल या वेटरनरी साइंस में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा टाइप आपको देखना है क्योंकि अभी मैंने आपको पहले बताया था उसमें मोस्ट पोटेंट जो होता है वो आपका पहला वाला होता है बीटा एस्ट्राडियोल। बिल्कुल देखिए अगर फीमेल के केस में फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन जैसे नहीं हुआ तो भी एक पोलर बॉडी तो बनेगी, फर्टिलाइजेशन हुआ तो सेकेंडरी ओसाइट डिवाइड हो जाएगी और फिर से जो आपकी पहली पोलर बॉडी हो सकता है वो डिवाइड कर ले, अगर नहीं करी तो सेकेंडरी ओसाइट फिर से डिवाइड होकर एक पोलर बॉडी और बना देगी, तो ये बिल्कुल रीअब्सॉर्ब होते ही होते हैं। क्योंकि अगर फर्टिलाइज, ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था क्योंकि ये बात सच है, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा कि ये मेनोपॉज नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल तो रुक जाती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है तो चीजें जो है वो बाहर तो जाएंगी नहीं, तो जब वो बाहर नहीं आएंगी तो फिर क्या होगा, तो इसीलिए यहाँ पर जो पोलार बॉडी है उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इसीलिए मैक्सिमम केस में चाहे फर्टिलाइजेशन हो ना हो पोलार बॉडी को मैक्सिमम टाइम रीअब्सॉर्ब किया। चलिए अब इसके बाद यहां पर हमें बात करनी है फेजेस ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो फेजेस ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल मतलब यहां पर हम क्या देखेंगे कि कंबाइंडली देखेंगे, थोड़ा सा कनेक्शन बैठाने की कोशिश करेंगे कि जो ओवेरियन साइकिल था जो हम पढ़ चुके हैं ओजेनेसिस वाला मैच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल और साथ ही साथ ये जो यूटराइन साइकिल है मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें कैसे कैसे कनेक्शन होगा, कौन कौन से हार्मोन काम करेंगे, तो मतलब ये आपका फाइनल फिजियोलॉजी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये क्या है, आपका फाइनल फिजियोलॉजी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिसमें हम देखेंगे कि ओवरी में क्या चल रहा है और यूटरस में क्या चल रहा होता है। तो जरा कनेक्शन बैठाने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, इसी पूरी फेजेस को कंबाइंडली कहा जाएगा रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल मतलब एक तो ओवेरियन साइकिल होगा और दूसरा यूटराइन साइकिल है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ओवेरियन साइकिल मतलब दो फिनोमिना होने हैं, एक तो होगा आपका
मैच्योर ऑफ द फॉलिकल, मैच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल एंड सेकेंड ओजोनी सिस्टम। वहीं पर अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो यहाँ पर मायोमेट्रियम की वॉल में थिकनेस और थिननेस की बात होगी। तो जरा देखिए, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का FSH था और NH था। तो FSH मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसने किया क्या है, इस फॉलिकल को मैच्योर कर दिया प्राइमोडियल से प्राइमरी, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी। जब जैसे ही सेकेंडरी बना तो आपका LH ने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब आपका मैच्योर फॉलिकल बनेगा और ये मैच्योर फॉलिकल में ओव्यूलेशन जो है वो कौन कराएगा, LH कराएगा। साथ ही साथ LH यहाँ सेकेंडरी फॉलिकल पे भी काम कर रहा है, मतलब यहाँ पर ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि जो आपकी थीटा इंटरना सेल है जो एस्ट्रोजन को सिक्रेट करेंगी वो तब सिक्रेट करेंगी जब LH इनको फर्दर स्टिमुलेट करेगा। ठीक, तो LH का काम क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल को जैसे स्टिमुलेट करेगा तो आपकी थीटा सेल बनेगी, थीटा सेल एस्ट्रोजन को सिक्रेट करेंगी एट द सेम टाइम। तो जैसे ही आपकी मैच्योर फॉलिकल बनी तो ये ओव्यूलेशन कराएगा और आफ्टर ओव्यूलेशन जो कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा उसको भी मेंटेन करेगा। तो LH बड़े काम की चीज है। ये काम हो गए, फिर इसके बाद अब क्या होगा जरा देखिए। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम बना, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, बड़ा अच्छा, ये चार हॉर्मोन को सिक्रेट करेगा जिसमें एक है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और ये जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है यही तो मेन हीरो है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से कंट्रोल करेंगे। इनहिबिन और रिलैक्सिन को अभी साइड में रखिए, जो आपके दो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को जरा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर नीचे पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, डे वाइज आपकी पूरी की पूरी कहानी लिखी हुई है, क्योंकि एक फीमेल के केस में, जैसे मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने 65 से लेकर 75 डेज का एक ड्यूरेशन पढ़ा था, फीमेल के केस में ये साइकिल ऑपरेट होती है आपकी 28 दिन 28 डेज की, कम ज्यादा हो सकते हैं 24 दिन या फिर 34, मतलब 24 से लेके 34 डे तक की ये साइकिल हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म है 28। तो 28 डेज में क्या होगा, अगर आप सबसे पहले बात करें, जैसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुअल फेज से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले अगर मेंस्ट्रुअल फेज आया है तो मेंस्ट्रुअल फेज मतलब कि क्या होगा कि मायोमेट्रियम की वॉल टूटेगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये पूरी की पूरी मायोमेट्रियम की वॉल जो है वो क्या हुई, वो टूट गई। जब मायोमेट्रियम की वॉल टूट गई तो फाइनली जो है ब्लीडिंग के फॉर्म में पूरी की पूरी वॉल जो है वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाती है और उसी को कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन। ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये कितने दिन तक चलेगा, ये चलता है आपके 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन और 5 दिन तक। वेरिएशन देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि किसी किसी फीमेल में ये 4 डेज हो, किसी किसी फीमेल में ये 6 से 7 डेज हो, ये डिपेंड करता है ऑन द ब्लीडिंग। अगर हैवी ब्लीडिंग है तो ये ज्यादा चलेगा, लो ब्लीडिंग है तो ये कम चलेगा। ठीक है, तो ये आपका मेंस्ट्रुअल फेज आया। अब जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज आया तो होगा क्या कि आपकी पहली फेज आएगी प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज मतलब कि ओव्यूलेशन के पहले, ओव्यूलेशन होना है उसके पहले की फेज है। तो यहाँ पर तो क्या किया जा रहा है, पूरी की पूरी फॉलिकल को प्री ओव्यूलेटरी फेज से पहले फॉलिकल को तैयार किया जाता है, सजाया जाता है, मैच्योर किया जाता है। एट द सेम टाइम यूट्रस में भी एक वॉल तैयार करी जा रही होती है। ओवरी में जैसे एक काम चल रहा है वैसे ही यूट्रस में भी एक काम चल रहा है। यूट्रस में क्या चल रहा है कि जो यूट्राइन लाइन है उनको अच्छे से किया जा रहा है तैयार। तैयार कैसा किया जा रहा है, यहाँ पर पूरा का पूरा इम्प्लांटेशन किया जाए, इम्प्लांटेशन के लिए ग्लाइकोलिपिड लिपिड और जो आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं इन सब की एक लेयर बनाई जा रही है। तो अगर आप प्री ओव्यूलेटरी फेज की बात करें तो यहाँ पर इसको प्रोलिफरेटिव फेज कहा जाता है, क्योंकि ये देखिए ये पूरा का पूरा बॉल जो है वो कैसा हो रहा है, थिकनेस की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे ही ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन का टाइम कितना दिया है, 14 से लेके 15 डेज का।
तो प्री ओवुलेटरी फेज मतलब जैसे ये मेंस्ट्रुएशन 5 डे में शुरू हुआ तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 मतलब कि आपके जो 9 से 10 डेज होते हैं जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म होती है उसके बाद जो 9 से 10 डेज होती है वो एक ऐसे टाइम ड्यूरेशन होता है जहां पर इस वॉल को तैयार किया जाएगा। एट द सेम टाइम ओवरी में भी प्रिपरेशन की जा रही है, फॉलिकल्स को तैयार किया जा रहा है। अब जैसे ही 13 या 14 या 15 मतलब कोई भी डे हो सकता है, जैसे यहाँ पे 14 डेज पे जो 14 डेज है 14 डेज पे ओवुलेशन होगा। जैसे ही ओवुलेशन होगा तो सेकेंडरी ओसाइट आएगा बाहर, सेकेंडरी ओसाइट जैसे ही ओवुलेशन होगा उसके बाद सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ और फॉर्मेशन हो गया किसका, कार्पस ल्यूटियम का। अब जब ये कार्पस ल्यूटियम बना तो ये क्या करेगा, प्रोजिस्टेरोन और एस्ट्रोजन का बहुत ज्यादा सेक्रेशन कर रहा था। देखो यहाँ पे इनिशियली केवल और केवल प्रोजिस्टेरोन काम कर रहा था जो इस वॉल को बढ़ाता गया बेचारा आराम आराम से इसकी थिकनेस को बढ़ाया, लेकिन जैसे ही ओवुलेशन हुआ ये कार्पस ल्यूटियम बना और कार्पस ल्यूटियम हाई अमाउंट ऑफ प्रोजिस्टेरोन और एस्ट्रोजन को सिक्रेट करता है, इसीलिए क्योंकि भाई अब सेकेंडरी ओसाइट जो है वो यूट्रस में आने वाला है, तो सेकेंडरी ओसाइट मतलब कि जो आपका फेलोपियन ट्यूब है वहां पे आ रहा है, तो इस वॉल को फटाफट आप क्या करिए, मोटा कर दीजिए, फटाफट इसको ठीक कर दीजिए। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, तो हम कैसे इस ओवम को अच्छे से इम्प्लांट करेंगे, तो जरूरी है कि इस वॉल को बढ़ाना है, इस वॉल को बढ़ाना है तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन काम पे लग जाएंगे जो कि कार्पस ल्यूटियम सिक्रेट कर रहा है, जिसको कहा जाता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, जहां पर अगर आप इसकी वॉल की थिकनेस देखेंगे तो ये बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो अब क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट आपके पहले फेलोपियन ट्यूब में आएगा, अगर स्पर्म जो है तो ये कहां आएगा आपके फेलोपियन ट्यूब में आ गया, अगर स्पर्म ऑलरेडी फेलोपियन ट्यूब में बैठा हुआ बैठा है तो वहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से मूव करते करते जैसे ही आपके यूट्रस में आएंगे तो यहाँ पर पूरी की पूरी वॉल मायोमेट्रियम की, एंडोमायोमेट्रियम की वॉल जो है एंडोमेट्रियम वो रेडी है इम्प्लांटेशन के लिए। और रेडी किसने करा, इनिशियली करा है एस्ट्रोजन ने, और फिर आगे जैसे ही पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज था मतलब ये 15 डेज से लेके आगे तक के ये जो डेज है 28 डेज यहाँ तक कितने डेज तक मतलब कि अगर आप बात करें पूरा का पूरा 10 टू 12 डेज तक वेट किया जाता है, पूरी वॉल को तैयार किया जाता है। और ये जो 10 से लेके 12 डेज है आफ्टर ओव्यूलेशन से लेके अगर आप बात करें पूरा 28 ना लेके 24 तक का अगर आप, ठीक है, तो ये जो 14 डेज से लेके ये 24 मतलब ये जो आपके 10 डेज है ये गोल्डन डेज होते हैं फॉर द प्रेगनेंसी अचीवमेंट। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट पूरा रिलीज हुआ है, रिलीज हुआ है तो ये कहा फेलोपियन ट्यूब में है, अब ये ट्यूब में है तो ये नीचे की तरफ आएगा। अगर इस दौरान इंटरकोर्स होता है आफ्टर ओव्यूलेशन तो बिल्कुल चांसेस होते हैं या गोल्डन डेज है फॉर द प्रेगनेंसी अचीवमेंट। तो ये कैसा, ये तो मैंने एक बता दिया कि ये डेज होते हैं। अब जैसे अगर कोई फीमेल है उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जैसे 15 जो है, 15 जैसे आप डेट ले लीजिए, अगर मैं 15 ले लूँ, 10 डेट कोई भी ले लूँ मंथ की, जैसे 10 डेट पे किसी का आता है, किसी की 15 डेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए है, किसी की 20 डेज है, किसी की 25 डेज है, तो उस बेसिस पे अगर किसी की 25 डेट है जिसपे मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होगी तो 25 से लेके 30 तक उसका मेंस्ट्रुएशन टाइम रहेगा। उसके बाद जैसे ही अगले मंथ की एक तारीख आएगी तो एक तारीख से लेके पूरा जो 10 मतलब कि 10 तारीख तक आपकी फेज रहेगी वो प्लोरिफरेटिव फेज, यहाँ पर प्रिपरेशन करा जाएगा। और जैसे ही आपके हाफ डेज आते हैं तो वहां पर ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओव्यूलेशन के बाद का जो आपका फेज रहेगा वो आपका पूरा का पूरा मतलब ओव्यूलेशन के 10 डेज तक गोल्डन टाइम रहता है फॉर द प्रेगनेंसी अचीवमेंट। उसके पहले का जो टाइम होता है मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट बाद की अगर आप दिन की बात करें, अगर आप 7 to 8 डे जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर 5 तारीख या जो डेट है 5 को अगर शुरू हुआ है तो 10 तक रहेगा, 10 के बाद 20 तक अगर इंटरकोर्स या कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो देयर इज नो एनी चांस फॉर द कंसेप्शन।
और कंसीव नहीं होता है। कंसीव तब होगा जब ओवुलेशन होगा, जब सेकेंडरी ओसाइट आएगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो प्रॉपर हो जाता है इम्प्लांटेशन। बिल्कुल, अभी हम एलएच सर्च के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी तो मैंने शुरुआत करी है इसको कनेक्ट करने की, अभी तो हमें बहुत आगे जाना है। ठीक, तो अब हम पूरा का पूरा हार्मोन देख रहे हैं, साथ ही साथ आगे चल के मैं थोड़ा सा और आपको कनेक्ट कर दूंगी। अभी केवल और केवल हमने इन दोनों साइकिल के कोरिलेशन का एक ओवरव्यू देखा है। ठीक, तो अभी जितनी इंफॉर्मेशन माइंड में गई है ठीक है, नहीं गई है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे चल के जब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे तो सब सॉल्व हो जाएंगे। अब हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। ऊपर जो है एक डायग्राम था, डायग्राम के थ्रू हमने देख लिया कि भाई कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है और साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अभी जो है ना, ये डे मैंने कोरिलेट कराया है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, आगे चल के मैं इन दोनों के डेज को काउंट करा दूंगी, साथ ही साथ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगी कि कैसे फीमेल में वेरिएशन होगा, कब प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है, कब नहीं हो सकती है। चलिए, तो अगर हम हार्मोन की बात करें तो देखिए ये पूरा का पूरा अगेन 28 डे का साइकिल है। जब ये 28 डे का साइकिल है तो इनिशिएशन में सबसे ज्यादा आपको देखना है कि अगर आप इनिशिएशन की बात करें तो अगर डे 1, 2, 3 की बात करें तो FSH का यहाँ पर जो लेवल है वो थोड़ा सा और हार्मोन की तुलना में, जैसे अगर आप कहें एस्ट्रोजन, LH और प्रोजेस्टेरोन, इन सबके कंपैरिजन में FSH जो है वो ज्यादा है। FSH क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेशन सबसे पहले होगा। जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेशन होगा उसके बाद क्या होगा, फॉलिकल में थीटा इंटरना बन गई है तो अब क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाना चाहिए। अब अगर एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया, क्यों? क्योंकि FSH ने फॉलिकल को डेवलप कर लिया, फॉलिकल को जैसे ही डेवलप करा थीटा इंटरना बन गया, थीटा इंटरना बन गया तो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन सीक्रेट हो गया। अब जैसे ही एस्ट्रोजन सीक्रेट हुआ और जब आपकी पूरी की पूरी मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनी है, तब जाके एलएच का काम आएगा, क्योंकि एलएच का काम क्या है, ओविलेशन कराना। तो इस पर आप लेवल देखेंगे तो ये आपका आफ्टर 10 डे से बढ़ता है और ये सडन बढ़ता है और इसी को कहा जाता है एलएच सर्ज। ठीक, तो इनिशिएशन पहले डेज की अगर आप बात करें मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, सबसे पहले क्योंकि मेंस्ट्रुएशन तो यूट्रस में चल रहा है, यूटराइन में, बाकी का जो आपका ओवरी है वहां तो कुछ चल रहा होता है, तो वहां सबसे पहले एफएसएच काम कर रहा होता है। फिर आएगा आपका एस्ट्रोजन, कौन से डेज पे, अगर आप इसका लेवल हाई देखेंगे तो ये बिफोर द एलएच, मतलब 8 से लेकर 10 डेज पे इसका लेवल हाई होने लगेगा। फिर आएगा एलएच, एलएच क्यों आएगा, क्योंकि इसका काम है ओव्यूलेशन में, जब आपका मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बन जाएगा तो एलएच आएगा, और उसके बाद बनेगी आपकी फाइनली कार्पस ल्यूटियम जो सिक्रेट करेगी प्रोजेस्टेरोन को। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल सबसे बाद में आता है, मतलब कि पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन होगा कार्पस ल्यूटियम में, जब ओव्यूलेशन हो जाएगा 15 डेज के बाद तब जाके इसका लेवल ज्यादा बढ़ेगा। तो सबसे पहले डेज में एफएसएच, एस्ट्रोजन, एलएच साथ में होते हैं। जो आपका प्रोजेस्टेरोन होता है आफ्टर ओव्यूलेशन, मतलब कि जब आप बात करें अगर पोस्ट ओव्यूलेशन की, तब जाके ये होगा। ओव्यूलेशन के दौरान सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन, एलएच होगा, और एफएसएच जो है वो प्रिपरेटरी फेज में आपको देखने को मिलता है। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है, लेकिन भाई इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी ही डायग्राम डे वाइज बताया है कि कौन से डेज में कैसा होगा, और ये डे जो है ये कुछ इस तरीके का एग्जांपल है। आप मान के चलिए ये जो ग्राफ है ये एक ऐसी फीमेल से लिया गया है जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो डेट है वो 1 है। जैसे अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है, तो फर्स्ट मई अगर हम मान के चले तो ये एक ऐसी फीमेल थी जिसका फर्स्ट मई एक डेट था जहां पर क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा। ठीक है, तो अगर 1 तारीख को उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हुआ है तो 5 दिन तक ये साइकिल चलेगी। 5 डेज के बाद आपका क्या हो जाएगा,
शुरू हो जाएगा पूरा का पूरा बॉल का फॉर्मेशन, जो कौन कराएगा, एस्ट्रोजन कराएगा, एलएच का काम ओविलेशन में होगा, कार्पस लूटियम बनाएगा, तो प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन उसके लास्ट फेजेस में आएगा। ठीक, अब जरा एक और आपके सामने डायग्राम है जो केवल और केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब यूटराइन साइकिल को दिखाता है। तो ये देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर आप बात करें तो यहाँ पर बीचों बीच मेंस्ट्रुअल साइकिल को दिखाया गया। इसका मतलब ये है कि इससे पहले क्या होगा, प्री मेंस्ट्रुअल होगा। प्री मेंस्ट्रुअल मतलब कि क्या होगा, यहाँ पर मायोमेट्रियम की बॉल एकदम थिक होने लगी है। थिक मतलब हाईली वस्कुलराइज होगी क्योंकि इसको तैयार किया गया था इम्प्लांटेशन के लिए। इस बॉल को तैयार किया गया था कि भाई अगर कोई फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, तो इसको तैयार करना बहुत जरूरी है। इसको तैयार करना इसलिए जरूरी था फर्टिलाइजेशन के लिए, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट डे पहले ये बहुत थिक होती है। तो अगर आप इस तरीके को देखें तो आपका जो एंडोमेट्रियम है, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, वो कुछ इस तरीके की दिखती है। तो हाईली वस्कुलराइज है कुछ ऐसी। अब मेंस्ट्रुअल आ गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई। जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई तो ये वॉल क्या हो जाती है, टूटना शुरू हो जाएगी। टूटना शुरू हो गई क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं। फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो कार्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करे। कार्पस ल्यूटियम बेचारी डीजेनरेट होके बन गई व्हाइट बॉडी। जब कार्पस ल्यूटियम व्हाइट बॉडी में कन्वर्ट हो गई है तो कौन मेंटेन करेगा इस प्रोजेस्टेरोन का लेवल। पहले तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो मेंटेन कर रही थी। प्रोजेस्टेरोन का मेन काम क्या है, इसकी थिकनेस को बढ़ाना। लेकिन जैसे ही कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करना शुरू हो गई तो कौन इसकी थिकनेस को बढ़ाएगा, कोई इसकी थिकनेस को नहीं बढ़ाएगा, कोई प्रोजेस्टेरोन के लेवल को मेंटेन नहीं कर रहा है। तो होगा क्या कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल में पूरी की पूरी वॉल जो है प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से टूटना शुरू हो जाएगी। जब टूटना शुरू हो जाएगी तो पूरा का पूरा ब्लीडिंग के फॉर्म में ये वॉल जो है वो वजाइना से बाहर निकल जाती है। इसके बाद आता है आपका पोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। पोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैं कह सकती हूँ प्लोरीफरेटिव फेज। प्लोरीफरेटिव क्यों, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन जैसे हुआ है उसके कुछ दिनों बाद जैसे ये साइकिल खत्म होगी 4 से 5 दिन बाद अगले डेज में इस वॉल को फिर से तैयार किया जाएगा। तैयार किया जाएगा मतलब एस्ट्रोजन सबसे पहले काम शुरू करेगा। एस्ट्रोजन काम शुरू करेगा तो ये बढ़िया तैयार करी जाएगी। फिर ओविलेशन होगा, फिर से कार्पस ल्यूटियम आ गया, फिर से प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया, फिर से आपकी बॉल को चलती हुई चाहिए। फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कार्पस ल्यूटियम फिर डीजनरेट हो गई, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ, मेंस्ट्रुएशन आ जाता है। फिर आपका प्रोलिफरेटिव या फिर प्रोलिफरेटिव फेज आएगा, फिर से इसको तैयार किया जाएगा। तो ऐसे ये हार्मोन की चलता रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब कार्पस ल्यूटियम जो है वो डीजेनरेट नहीं करेगी क्योंकि एक हार्मोन है एसपीजी ह्यूमन कोरियोनो गोनेडोट्रोपिन जो क्या करेगा, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहता है पूरे 9 मंथ तक, जिससे कार्पस ल्यूटियम डिग्रेड नहीं होगी। प्रोजेस्टेरोन का लेवल बॉडी में मेंटेन रहा आता है और जो इम्प्लांटेशन है वो प्रॉपर आपके 9 मंथ तक होता रहता है। मतलब इम्प्लांटेशन होने के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट 9 मंथ तक होता रहता है। इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, स्पेशली मैं पिल्स की बात करती हूँ जो प्रेगनेंसी को रिमूव कराती है, वो बेसिकली इसी हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरोन पे काम करती है। ये बॉडी से फटाक से प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम कर देंगी और जो ये बॉल है वो रैप्चर हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द पिल्स जो होती है वो इसी फिनोमेना पे काम करती है। कैसे करती है वो हम बर्थ कंट्रोल मेथड में करेंगे। इसके बाद जरा देखिए ये आपके पास एक बड़ा अच्छा डायग्राम जिसे मैं थोड़ा सा और कोरिलेट करूंगी, जो हमने पढ़ा है वो ही रिविजन में। इसमें सबसे पहले ओवेरियन साइकिल के बारे में दिया गया है कि भाई कैसे आपकी ये फॉलिकल मैच्योर होंगी, साथ ही साथ बॉडी टेम्परेचर के बारे में दिया है कि कौन से डेज में कैसे बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, हार्मोन के बारे में दिया है डे वाइज कैसा रहेगा, और फिर साथ ही साथ दिया है फाइनली आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये ओवेरियन साइकिल, फिर बॉडी टेम्परेचर, हार्मोन के बारे में और फाइनली मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, और नीचे दिए गए हैं पूरे डेज।
तो जरा समझने की आप कोशिश करिए। अब आपके पास एक समरी है और इस समरी में पूरा का पूरा समराइज हो जाएगा रिप्रोडक्टिव साइकिल्स मतलब ओवेरियन और मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो मान के चलिए एक ऐसी फीमेल है जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है या जिसका मेंस्ट्रुअल टाइम जो है वो वन डे या फिर कोई भी डेट ले लीजिए, लेकिन यहां पर डेट आप ले लीजिए वन, फर्स्ट ऑफ मे है। हर मंथ जैसे फर्स्ट मे आता है, फर्स्ट जून आएगा, फिर फर्स्ट जुलाई आएगा, फिर आगे चल के ऐसे ऐसे करके हर एक मंथ में ये उसकी डेट है, दैट इज फर्स्ट मे, फर्स्ट जून, आगे चल के जो भी है ये डेट है जिसमें उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट होगा, पीरियड्स शुरू होंगे। ठीक है, तो पीरियड डेट क्या है, एक तारीख जैसे हमने मान के चलिए एक तारीख है, तो जैसे ही एक तारीख आई तो पीरियड्स होने हैं शुरू। तो पीरियड शुरू होंगे तो सबसे पहले अगर आप बात करें मेंस्ट्रुएशन की मतलब यूट्राइन की, तो यहाँ पर जैसे ही मेंस्ट्रुएशन होगा तो ये देखिए पूरी की पूरी वॉल जो है वो डिग्रेड हो गई, तो ये जो ग्राफ है या फिर जो आपको रेड रेड कलर है वो डिक्रीज होता हुआ दिखा, और ये 5 दिन तक डिक्रीज हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 डेज तक ये डिक्रीज हुआ, इसलिए पीरियड्स का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 5 डेज होता है। 5 दिन में ये पूरी की वॉल पूरी पूरी जो वॉल है वो झड़ गई। कौन सी वॉल थी ये? ये थी आपकी एंडोमेट्रियम की वॉल। ये बात हो गई आपकी यूट्रस के केस में। अगर हम हार्मोन की बात करें तो ये जो टाइम होता है ये 5 डेज जो पीरियड्स के होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के होते हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो ये लाइन बता रहा है आपके एस्ट्रोजन को जिसका लेवल बहुत कम है। वहीं पर अगर आप दूसरा हार्मोन देखें दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका लेवल भी बहुत कम है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका लेवल भी बहुत कम है। और प्रोजेस्टेरोन, इसका लेवल भी बहुत कम है। तो ये 5 डेज ऐसी होती हैं जहां पर सारे के सारे हार्मोन जो है उनका लेवल कम होने लगता है। बस यही रीजन है कि लोग कहते हैं कि भाई पीरियड्स आने के 4-5 दिन पहले लड़कियों का सर बहुत गर्म होता है, मूड स्विंग होते हैं, ये होता है, वो होता है। तो उसका रीजन यही है क्योंकि आज आप देख सकते हैं ग्राफ में कि पहले हार्मोन प्रॉपर सिक्रेट हो रहा है तो धड़ाक से पूरा का पूरा जो हार्मोन सिस्टम है वो नीचे आ जाता है। हम नीचे आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी फिजियोलॉजी में भी फर्क आता है। आगे चल के देखोगे तो टेम्परेचर में भी फर्क आया है, टेम्परेचर भी एकदम लो डाउन हो जाता है। कोर बॉडी टेम्परेचर 37 से घट के 36 और उससे भी घट के 35 और कई बार 32 इतना चला जाता है। बस यही रीजन है कि लड़कियां जो है जैसे ही हम पहले टाइम की बात करें तो वो मूड स्विंग, तो आजकल लोकल लैंग्वेज में कहते हैं भाई हॉर्मोनल इफेक्ट है, इसीलिए जो है इन्हीं हॉर्मोन्स की वजह से पूरा का पूरा इम्बेलेंस होता है। और होता क्या है कि फिजियोलॉजी में चेंज आता है और चिड़चिड़ापन आता है। तो फर्स्ट डे पूरे के पूरे हॉर्मोन जो है वो आप देख रहे हैं कैसे हैं, एकदम नीचे की तरफ है, फिर बॉडी टेम्परेचर भी कम है। और इन्हीं डेज पे अब क्या होगा कि फॉलिकल का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप फॉलिकल को जब यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होगी यूट्रस में, ओवरी में कोशिश करी जाएगी कि शुरू कर दीजिए आप फॉलिकल का डेवलपमेंट, क्योंकि इनके डेवलपमेंट में भी कुछ समय लगना है, तो इनका डेवलपमेंट शुरू करिए क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया है, अब दूसरा फॉलिकल रिलीज होगा। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया होता तो भाई ठीक है, अब फॉलिकल, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल आ चुका है, कंप्लीट हो गया है, तो अब यहाँ पर पूरा का पूरा फॉलिकल जो है वो डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही जैसे आप आगे बढ़ेंगे 5 डेज के बाद 6 डेज, 7 डेज, 8 डेज, ये देखिए पूरा का पूरा जहां से देखेंगे तो ये मायोमेट्रियम की जो वॉल है वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गई। वो बढ़ना शुरू हो गई क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ और बिफोर द मेच्योर फॉलिकल आपका जो सेकेंडरी बना था वो क्या था, थी का इंटरना वहां पे था जिसमें एस्ट्रोजन को सिक्रेट करा था। ये देखिए एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो सबसे पहले बढ़ा हुआ है। तो जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होता है पहले सबसे पहले जो बढ़ता है दैट इज एस्ट्रोजन, क्योंकि यही एस्ट्रोजन आपकी इन फॉलिकल से सिक्रेट हो रहा है और नीचे जाके ये दूसरा इसका काम क्या है कि इस वॉल को थोड़ा सा बढ़ाना शुरू कर देगा। अब हो जाएगा ओव्यूलेशन। जैसे ही ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन कब होगा, या तो 13 डेज पे या तो 14 डेज पे या फिर किसी एक दिन होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन देखिए जैसे मेंस्ट्रुएशन 5 दिन चला, प्रिपरेटरी फेज आपकी
सात से आठ दिन चलती है मेंस्ट्रुएशन, जो आपका ओव्यूलेशन है केवल एक दिन होता है, ऐसा नहीं कि ओव्यूलेशन में दो चार दिन लेंगे, केवल और केवल एक डेज पे हो जाएगा, या तो 13 को या 14 को या 15 को किसी भी डेज में अगर ये हो रहा है, तो जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ तो सबसे पहले जरूरी है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो ओव्यूलेशन कराए, साथ ही साथ यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो भी आपका यहाँ पर होगा, क्योंकि अगेन आपकी फॉलिकल स्टिमुलेट तो है कि जैसे ही फिर आपका ओव्यूलेशन होगा तो बन जाएगा कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन अब कहाँ 15 डेज के बाद जैसे हो गया है, तो जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बढ़ी तो ये क्या करेगी, एस्ट्रोजन को भी सिक्रेशन कराएगी, प्रोजेस्टेरोन को भी। तो देखिए जरा कैसे यहाँ पर एस्ट्रोजन भी अब आपका मेंटेन हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम मेंटेन हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन को सडन बढ़ा, जब ये दोनों बढ़ गए तो ये पूरी की पूरी वॉल जो है अगेन ये थिकनेस क्या है। और टेम्परेचर का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ओव्यूलेशन के बाद बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ता है, बॉडी टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन है वो टेम्परेचर सेंसिटिव हार्मोन होता है, और ये पूर बॉडी टेम्परेचर से जब 2 या 3 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर होता है तब ये एफिशिएंसी काम करती है, इसीलिए बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ होता है। ऑल्दो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है कि किसी को फीवर आ जाए किसी फीमेल को तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखें तो कोर बॉडी टेम्परेचर भी आपका बढ़ता है आफ्टर ओव्यूलेशन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की फंक्शनैलिटी के लिए जरूरी है। तो ये एक ऐसा डायग्राम है जिसमें डे वाइज लिखा हुआ है कि कैसे आपकी फॉलिकल मैच्योर होंगी, टेम्परेचर का भी आफ्टर ओव्यूलेशन, फिर इसके बाद ये हॉर्मोन का ग्राफ है, और इसके बाद ये आपका पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है। बिल्कुल, देखिए पेन होने के काफी सारे रीजन होते हैं, जैसे सबसे बड़ा पेन का रीजन होता है कि कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो आपको ये जो पेन होता है वो बेसिकली कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से हो, तो कॉन्ट्रेक्शन किसका, यूटराइन वॉल का, क्योंकि होता क्या है कि ये जो मायोमेट्रियम की वॉल होती है बेसिकली कैसी होती है, चिपकी हुई होती है यूटराइन लाइनिंग से, तो यूटराइन जैसे अगर कोई फीमेल है अगर उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम है, अगर कोई फीमेल उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है क्योंकि किसी किसी की तासीर ठंडी होती है, जैसे मेरी तासीर बहुत ठंडी है तो मुझे मैं मतलब एकदम मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगती है, तो टेम्परेचर जो है कोर टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा लोअरेस्ट होता है, फीमेल थोड़ी ठंडी, अगर जैसे किसी किसी जैसे कोई कोई बहुत गर्म ऑल टाइम रहता है, कोई कोई हमेशा ठंडा सा रहता है ना, तो अगर टेम्परेचर कम है तो ये मायोमेट्रियम की बॉल को झड़ने में बहुत समय लगता है, जब इसको झड़ने में टाइम लगता है तो यूटराइन जो है ना वो काम करता है कॉन्ट्रेक्शन, तो ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होता है उस वजह से ज्यादा पेन होता है, इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजें लीजिए, क्योंकि आप गर्म चीजें लेंगे तो ये देखिए जरा ये टेम्परेचर बढ़ेगा, जब ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ये जो मायोमेट्रियम की बॉल है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा, ये बॉल जो है वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगी, एट द सेम टाइम जब प्रेगनेंसी अचीव होती है तब जाके कहा जाता है कि ये जो है कम लीजिए टेम्परेचर, बहुत ज्यादा गर्म चीजों को नहीं खाना है क्योंकि उसमें अबॉर्शन के भी चांसेस होते हैं ना, तो ये जो मायोमेट्रियम की वॉल है ये जब प्रॉपरली इसमें पूरे तरीके से इसका एक्सक्रीशन नहीं होता उस वजह से यूटराइन बहुत ज्यादा कमजोर। अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल 2-3 महीने में एक बार आ रहा है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, इसका मतलब ये है कि जो ऊसाइट है वो प्रॉपर रिलीज नहीं हो रही, आपकी जो ओवरी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, तो भाई अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि बाद में कंसीव करने में बहुत परेशानी होती है, अगर किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ी हुई है तो बिल्कुल भी इसको फॉर ग्रांटेड लेने की जरूरत नहीं है, अगर किसी का ऐसा होता है कि 1 मंथ में 2 बार पीरियड आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, अगर 2-3 महीने में एक बार आ रहा है तो भी दिखाइए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ओवरी और साथ ही साथ ओवरी मतलब रिलीज नहीं कर रही है, इसकी वजह से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं हो रहा है, और अगर आप बात करें कि 1 बार में 2 बार मतलब 1 मंथ में 2 बार पीरियड्स आ रहा है, मतलब ये जो वॉल है इसका प्रॉपर इंसर्शन ही नहीं हो रहा है, तो दिखाना जरूरी है। चलिए, तो अब आपके पास एक वेदमी कैप्सूल है जिसमें मैंने एक टाइम ड्यूरेशन मेंशन कर दिया है, हार्मोनल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस,
तो अगर आप मेंस्ट्रुअल फेजेस की बात करें, ड्यूरेशन कितना, 3 से 5 दिन, मतलब अगर किसी के पीरियड्स 3 दिन तक चलते हैं तो ये कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं है। ये डिपेंड करता है बॉडी फिजियोलॉजी पे कि भाई अब जब एंडोमेट्रियम की वॉल ही कम थी तो कम ही बाहर आएगा, कम ही एक्सक्रीशन होगा, तो 3 दिन में भी खत्म हो जाता है, तो टेंशन नहीं लेनी है। 3 से 5 दिन एक ड्यूरेशन है, लेकिन हाँ अगर हफ्ते भर चल रहा है, 5 डेज से ज्यादा हो रहा है तो दिक्कत है, एक्सेस ब्लीडिंग मतलब हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर 5 डेज तक है, 6 डेज तक है तो नॉर्मल रेंज है, कोई दिक्कत नहीं। हार्मोनल चेंज की बात करें तो डिक्रीज हो जाएगा लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, शेडिंग हो जाती है किसकी, एंडोमेट्रियम वॉल की। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अगर आप बात करें तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है और एंडोमेट्रियम टिश्यू जो है वो एक्सपेल्ड हो जाते हैं, एक्सक्रीशन होता है उनका। फॉलिकुलर फेज मेंस्ट्रुएशन फेज के तुरंत बाद शुरू होती है, जो 10 से लेके 10 से 14 डेज तक होता है। तो ये जो 10 से 14 डेज का टाइम है, ये जो 10 से 14 डेज का टाइम है, ये एक ऐसा टाइम है जहां पर अगर आप सेक्सुअली एक्टिवेट हैं, अगर आप सेक्सुअली इंटरकोर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं अचीव होगी। क्यों अचीव नहीं होगी, क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट ही नहीं है। सेकेंडरी ओसाइट क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी ओवरी में मैच्योर हो गई, तो ये वाला जो टाइम होता है 10 से 15 डेज का, ये एक नॉर्मल टाइम है जहां पर आप विदाउट एनी प्रिकॉशन यू कैन परफॉर्म एनी सेक्सुअल एक्टिविटी एंड इंटरकोर्स एज वेल, ठीक है। इस बात को जरा याद रखिए इंफॉर्मेशन के लिए। हार्मोन चेंजेस की अगर आप बात करें तो यहाँ पर लेवल हाई हो जाता है एस्ट्रोजन का। फिजियोलॉजी की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल यहाँ पर हो रहा होता है और थिकनेस हो रही होती है किसके, एंडोमेट्रियम वॉल की। लेकिन ओवुलेशन फेज 1 दिन होगा, तो जैसे मान के चलिए अगर 14 डेज तक प्रिपरेशन, जैसे भी 15वां दिन आया, 15 डेज आया, तो यहाँ पर हो जाता है सर्ज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सडन एलएच बढ़ेगा, एलएच बढ़ेगा तो ओव्यूलेशन कराएगा, ओव्यूलेशन कराएगा तो रिलीज हो जाएगा सेकेंडरी साइड। हाँ, अब इसके बाद ये वाले डेज जो है, ये आपके गोल्डन डेज है फॉर द प्रेगनेंसी अचीवमेंट। तो अब इस ओव्यूलेशन के बाद इन 12 से 16 दिन, मतलब 12 से लेके 16 डेज तक अगर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज होगी तो डेफिनेटली एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसे कहा जाता है ल्यूटियल फेज। यहाँ पर हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन होता है, कार्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है, और जो कि कैसे रेप्चर ऑफ द फॉलिकल के थ्रू फॉर्म हुआ है, और ये एंडोमेट्रियम की वॉल को हाईली रिस्टेबलाइज करता है। तो ये पूरा का पूरा आपका टाइम टेबल है, आप इससे मैच करके जो भी आप फीमेल्स है वो अपना पूरा का पूरा टाइम जो है वो कैलकुलेट कर सकती है कि भाई कौन सी डेट पे मेंस्ट्रुअल फेजेस होता है, कौन सी डेट पे आपका फॉलिकुलर फेज होगा, कौन सी डेट पे ओव्यूलेशन फेज होगा, कौन सी डेट पे ल्यूटियल फेज होगा। तो यहाँ से लेके ये वाले डेज, यहाँ आप प्रेगनेंसी कभी अचीव नहीं कर सकते, आफ्टर ओव्यूलेशन इन डेज पे आप डेफिनेटली प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं, ठीक। 7 to 8 डेज ब्लीडिंग बहुत ज्यादा दिक्कत है इसमें, एक्सेस ऑफ ब्लड जो है वो बाहर निकलता है। उसमें होता क्या है कि आपकी मायोमेट्रियम की वॉल तो जो है वो जा ही रही है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग भी हो रही है। तो इसको जरूर चेकअप कराएं, क्योंकि 7 से 8 दिन बहुत ज्यादा टाइम होता है। अरे खट्टा नहीं खाना चाहिए, खट्टा मतलब क्या होता है, एसिड होता है। एसिड क्या करता है, इंफ्लेमेशन कॉज करता है। तो अब एसिड अगर आप खाएंगे तो वो भले आपके जा रहा है स्टमक में, लेकिन स्टमक के साथ साथ वो कहाँ जाता है, आपके ब्लड में भी तो जाएगा। तो H+ एसिडिक मीडियम बढ़ेगा, एसिडिक मीडियम बढ़ेगा, इंफ्लेमेशन ज्यादा होगा, इंफ्लेमेशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है पेन होगा, और आपकी जो मायोमेट्रियम की वॉल है वो तो वैसे भी झड़ रही है, तो ऑब्वियसली बात है वहां ज्यादा इंफ्लेमेशन होगा, ज्यादा इंफ्लेमेशन होगा तो ज्यादा पेट दुखेगा। तो बिल्कुल ये बात सच है, तो खट्टा ना खाना चाहिए, इसका ये रीजन होता है। चलिए, तो ये आपकी पूरी स्टोरी थी। इसके साथ साथ मैं आपका 5 से 7 मिनट और समय लूंगी, तो थोड़ा हम नेगेटिव फीडबैक के बारे में जान लेते हैं कि कहां पर हाई लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन एज अ पॉजिटिव फीडबैक काम करता है ऑन द हाइपोथैलेमस। जरा इस बात को समझिए, इस कंसेप्ट को समझिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ओवरी। ओवरी में क्या है, ये आपका मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है और यहाँ पर आपका फॉलिकल रेप्चर हुआ है, सेकेंडरी साइड बाहर निकला।
और ये बना रहा है आपका ग्रेफियन हस्क और ये बनाएगा आपका कार्पस लूटियम। तो ये आपका जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है, यहाँ पर कौन सी आपकी सेल होंगी? थीका इंटरना सेल होंगी। और थीका इंटरना सेल जिसको एस्ट्रोजन को सीक्रेट कर रही होंगी, तो ये एस्ट्रोजन अटैक करता है आपके हाइपोथैलेमस में। तो हाई लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल स्टिमुलेट करता है द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन और NH। अब ये NH का सिक्रेशन इसीलिए बढ़ाएगा क्योंकि जो NH सर्च के बारे में हमने बात करा, तो NH सर्च क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसीलिए है ओविलेशन कराने के लिए, लेकिन इनिशिएशन में इतना ज्यादा NH नहीं था, हमें सडन इंक्रीज करना है NH को। तो सडन कैसे इंक्रीज होगा? जब ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल से सिक्रेट होने वाला एस्ट्रोजन एक पॉजिटिव फीडबैक रिएक्शन दे, पॉजिटिव फीडबैक दे किसे? हाइपोथैलेमस को, कि भाई एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच का सिक्रेशन कराइए। एलएच का सिक्रेशन होगा तब जाके आपका ये पूरा का पूरा ओवुलेशन होगा। इसी को कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक ऑफ एस्ट्रोजन, और जो कई में हेल्प आउट कराएगा सिक्रेशन ऑफ एलएच। बिल्कुल, ज्यादा स्ट्रेस लेने से आ जाता है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेना मतलब कि फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। फ्री रेडिकल जब जनरेट होते हैं तो अगेन ये बॉडी टेम्परेचर को हाई करते हैं। जब बॉडी टेम्परेचर हाई होता है तो आपका जो प्रोजेस्टेरोन है वो हाईली एक्टिव होता है, कार्पस ल्यूटियम डी जनरेट जल्दी होती है। कार्पस ल्यूटियम जैसे ही डी जनरेट ज्यादा होगी तो वो व्हाइट बॉडी बना लेगी, प्रोजेस्टेरोन का लेवल सडन कम होगा और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल स्ट्रेस लेने से भी अब अगेन आपके पास एक और समरी, इस समरी में भी पूरा का पूरा हॉर्मोन का फीडबैक और उसके साथ ये जो साइकिल है उसको दिया गया है। तो फटाफट जरा देख लेंगे। सबसे पहले गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन FSH, LH, FH क्या करेगा? आपकी फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, LH आपके पूरे के पूरे ओवुलेशन को कराएगा, बनेगा कार्पस ल्यूटियम। फिर यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले जब यहाँ पर ये काम हो रहा होता है, कौन सा प्रिपरेशन करा जा रहा है पूरी की पूरी फॉलिकल्स का, नीचे की तरफ क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होके यहाँ पर भी प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी मायोमेट्रियम वॉल की। फिर यहाँ पर ओविलेशन होगा तो यहाँ पर अगेन प्रिपरेशन ज्यादा से ज्यादा होगी, और यहाँ अगर आप लास्ट में देखेंगे तो कार्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट होगी व्हाइट बॉडी बनाएगी तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा और मेंस्ट्रुअल या मेंस्ट्रुएशन शुरू होगी। तो ये डायग्राम आपके लिए है, आपको आराम से जाके अभी जब आपको PDF मिलेगा तो बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिए। जो समझा दिया है बिल्कुल वही, अगर आपने सारा कनेक्शन बैठा लिया इसका मतलब ये कि आप बहुत अच्छे से पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ चुके हैं, क्योंकि यही पूरी रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी है, दैट इज ओवेरियन साइकिल और यूटराइन या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जो इस पूरे डायग्राम में देखिए, साथ ही साथ इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक रिएक्शन भी है, इसको आप एक बार देख लीजिए। चलिए फिर अगेन ये टाइम ड्यूरेशन, अगर आप ओवेरियन साइकिल की बात करें तो फॉलिकल फेज पहले से लेके आपके 13वें दिन मतलब 13 डेज तक पूरा का पूरा फॉलिकुलर फेज चलता है, जहां पर एच पर सिक्रेशन ज्यादा होगा, यहीं से शुरू होगी, और साथ ही साथ एस्ट्रोजन का सिक्रेशन यहाँ पर प्रोमिनेंटली होता है, फॉलिकल मैच्योर होता है। 14 डेज पर ओवुलेशन होगा जहां पर LH स्ट्राइक होता है, और वहीं पर ल्यूटियल फेज होता है, और ये ल्यूटियल फेज आपका 14 से 28 डेज चलता है, LH का सिक्रेशन कंटिन्यू होगा, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन प्रोमिनेंट हो जाता है फ्रॉम द कार्पस ल्यूटियम। एट द सेम टाइम अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो पहले से 5वें दिन आपका पीरियड मतलब मेंस्ट्रुएशन रहेगा, प्रो प्रोलिफरेटिव फेज कितनी रहेगी? 6 से लेकर 13 दिन तक रहेगी, और सिक्रेटरी फेज मतलब सिक्रेशन होगा, वॉल मायोमेट्रियम की वॉल और ज्यादा थिकनेस होगी, जो कि आपकी 14 से 28 डेज तक रहती है। तो आप आराम से बैठिए इसको जरा काउंट करिएगा, और जिस जिस फीमेल की जो भी रिप्रोडक्टिव साइकिल है आप आराम से जाके 5-10 मिनट का समय निकाल के इसके हिसाब से कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कब आपकी कौन सी फेज। चलिए अब इसके अलावा कुछ और चीजें रह गई, लेकिन इसको जो है अब मैं कल कराऊंगी, क्योंकि टाइम हो गया है और खत्म भी नहीं होगा। तो कल जो है हम SCG के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज
ह्यूमन कोरियोनिक गोनेड्रोटोपिन हार्मोन। कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, मैं इनको आपको समझा दूंगी कि कैसे आप कौन से कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करके बेसिकली प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते हैं, उनमें से कौन सी परमानेंट है, कौन सी पिल्स है, कौन सी एक्सटर्नल डिवाइसेस है। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा अबॉर्शन के बारे में पढ़ेंगे और ये कुछ क्वेश्चन है। ठीक, तो कल की क्लास में दो तीन चीजें और बता दूंगी और साथ ही साथ थर्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे। तो आज का जो मेजर टॉपिक था दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया।